हेलो। अरे नहीं नहीं क्या नहीं। हेलो एक ये हल्का का पीछे नहीं, वो मेन है। एक सेकंड। अरे राजेश, इसी में वो जो मैंने किया था ना। हाँ हाँ राजेश ऐसे करके दिखा रहे ठीक है ना। भाई कुछ बोलना है बच्चों को, फिर हम बोलते, फिर ये शुरू करते। आप तीनों बोल देना। करें शुरू करें। हाँ हेलो हेलो। ऑलराइट गाइस, प्लीज बैठ जाइए। ओके हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? मोई मोई चेक गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को? खाना खा लिया? और चाहिए? नहीं सर, अब सच बताए खाना नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए बिस्तर और उसमें होंगे हम लंबे। और अकाउंट्स कौन पढ़ेगा भाई? हाँ सुनो, तुम लोगों का अकाउंट्स पेपर नंबर 1 है, पता है ना? कितना भी कर लो, अकाउंट्स होएगा तो ही लॉ होएगा, लॉ होएगा तो ही टैक्स होएगा, और ग्रुप 1 होगा तो ही ग्रुप 2 का सोचेंगे। बट एनीवे गाइस, चलो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग। बोलो एडवांस्ड अकाउंट्स की जय। ये जोश, खाना खाए हैं सर ये लोग। दोस्तों आपकी अकाउंट्स की क्लास शुरू हो रही है, और जैसा कि हमने कहा आपको कि ध्यान से मन लगा करके अभी पढ़ना शुरू करो। मैं तुम लोगों को शुरू से बोलते आ रहा हूँ, नोट्स वोट्स ढंग से। क्या हुआ मैडम, क्यों हंसी आई? बाजू वाले ने जोक मारा? वो देखो हंसाने के लिए आपको करता ही रहेगा, वो अपनी पूरी ताकत लगाते। हम हमारी हमारे अंदर है वो खूबी, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पढ़ाई पे ध्यान दो। सुनो सर, आप लोगों ने नोट्स वोट्स ढंग से बनाना शुरू कर दो। आज आप लोग क्या है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे डेमो के चक्कर में पहले पेज में टैक्स लिखे, 3 पेज छोड़ के लॉ लिखे, अब 2 पेज और छोड़ के उसी में तुम अकाउंट्स लिख रहे हो। चलो आज ठीक है, लेकिन कल से अपने ढंग से नोट्स बनाना शुरू कर दो। और अभी ओवर टू यू रवि सर, आपको कुछ बोलना है इन बच्चों को? भाई जय सर, जो एक महान आत्मा है। महान आत्मा क्या? मैं अभी यही हूँ सर, गया नहीं हूँ मैं। जब तक अकाउंट का नॉलेज तुम्हारे किडनी में, तुम्हारे लीवर में, तुम्हारे खून में और दिमाग में, खून वो कौन से पार्टिकल होते हैं, व्हाइट ब्लड पार्टिकल, और वो जब तक वहां घुस नहीं जाएगा ना, ये आदमी छोड़ेगा नहीं। करेक्ट, उनका फेमस नाम है पिछले बैच का तात्या। तात्या सोडतच नाही। यही नहीं बोलना था, यही नहीं बोलना था। नहीं नहीं, वेट ड्यू, दिस गाय इज सो पैशनेट अबाउट हिज सब्जेक्ट, ही विल गो इन डेप्थ। एंड और इसके बाद में ये बंदा 5:30 को क्लास खत्म होगी, उसके बाद में भी एक एक बंदे के साथ में रुकेगा, जब तक पहले अकाउंट्स के डाउट क्लियर करेगा, फिर पढ़ाई के डाउट क्लियर करेगा, फिर फैमिली के डाउट क्लियर करेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जम नहीं रही है तो वो तुड़वाएगा रिश्ता, क्या कर रहा है तू, पढ़ाई पे ध्यान दे। सो दिस गाय इज गोइंग टू टीच स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। एंड अगर अच्छा भाई, गर्म भी खतरनाक होता है, फिर जब ये गर्म होता है तो गंगा बहती है इधर से। So guys, he is going to give you everything.
एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनका जबरदस्त फोर्टे है और वो फोर्टे को पूरा एंजॉय करिए और उनका फेमस डायलॉग अकाउंट्स की जय। चलो गाइस सर, अमोल सर, अमोल सर हमारे डैशिंग हैपनिंग सिंगल, अच्छा सिंगल भी सिंगल है मेरे को क्यों तोड़ा और जैन भी सिंगल है। चलो गाइस गुड आफ्टरनून, ये सब फाउंडेशन सर, फाउंडेशन में लॉ पढ़ा है, इनको पता है, इनके चेहरे देखो कुछ कुछ अभी तक इनको पता। ये लोग बोल रहे थे सर क्लासेस हुई, फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे दी, दो महीने सोचा बहुत कुछ होगा, ये स्किल डेवलप करेंगे वो, बट रिजल्ट का वेट हो गया। अब रिजल्ट आ गया, आपको पता भी नहीं चला होगा कैसे 3 महीने गए और यू आर जुप कहाँ बैठे हो, सीए इंटर में। सो गाइस गिव योर बेस्ट, 9 महीने की बात है, रंगीन बन जाना बट बाद में, रिजल्ट के बाद। सर ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो चलो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी हूँ, बट कब बना, रिजल्ट के बाद में। पर्सनली एज अ टीचर जय सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे अभी क्लासेस बहुत आराम से कर लेंगे बट व्हेन दे गो फॉर सेल्फ स्टडी अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में जो थोड़ा वास्ट भी है, दे फेस मैनी चैलेंजेस एंड आपने बुक्स भी देखा होगा, बंदे ने QR कोड में पर्टिकुलर टॉपिक का वो जो क्वेश्चन है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन डाल के रखा है और कोई 1, 2, 3, 4 व्यूज नहीं, अनलिमिटेड व्यूज है, करेक्ट। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट और पूरा गाइडेंस फिर दे ही देंगे। ओके गाइस थैंक यू सो मच, एंजॉय योर इंटर क्लासेस। जाते जाते इंटर, अच्छा वो इंटर क्लासेस बोला चलो, सुनो सुनो सुनो, मैं जाते जाते बस एक बात बता रहा हूँ, मैंने तुमको आज वो सुबह 10 क्वेश्चन खिलवाए थे, एक सही एक गलत ऐसा, उसमें एक सेकंड क्वेश्चन था, आई एम हैप्पीली मैरिड, ठीक है, वो तुम लोग अभी जय सर के साथ गेस करो सही है कि गलत है। मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ उस समय मैंने तुमको सिखाया भी था, एक और वर्ड है, मैंने बोला आई एम मैरिड नहीं बोला मैंने। ये ऐसे सबके पत्ते कट क्यों कर रहे हैं? चलो सर, ऑल द बेस्ट सर, आई विल सी यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, थैंक यू। और आपका शुरू करो सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो बच्चों सुबह से बैठे हो, थके हुए होगे, राइट? नहीं, कौन कौन थक गया है? और साथ साथ लाइव वाले बच्चे भी बोलेंगे मुझे, मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो मैं सबसे कर रहा हूं, मेरा कम्युनिकेशन सबके साथ होने वाला है, सो लाइव स्टूडेंट्स भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गाइस गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल चाल, गुड आफ्टरनून। चलो एक बार अच्छे से बोलो, एडवांस अकाउंट्स की, एडवांस अकाउंट्स की। ऑल राइट, सो गाइस दिस इज सीए जय चावला। सीए काफी है, सीए के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट जो सीए ने दिया है वो किसी और चीज ने नहीं दिया है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है बट वो बताना अभी जरूरी नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएंगी कि क्या क्या किया है और यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल का हुआ है तो 12 साल में क्या क्या चीजें हुई हैं वो सब चीजें क्लास में तुम लोगों को मिलने वाली हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है, अभी मुझे पता है कि तुम ना चैट बहुत सारी करने वाले हो, सर ये किधर है, वो किधर है, ये निकल नहीं रहा, ये डल नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या बोलने वाले हो, पर सुन लो। सबसे पहले तो शुरू के 10 लेक्चर यूट्यूब पर हैं, तो अभी एक्टिवेशन का मत सोचना और अभी पूरा का पूरा लेक्चर पर ध्यान देना। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप PDF नोट्स निकाल लेना, क्योंकि बुक सबको डिस्पैच हो चुकी हैं, धीरे धीरे सबको मिल जाएंगी। तो अभी अगर आप चैट पे अपने मेन डाउट्स लिखोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ना कि एक दूसरे से बात करोगे फ्री बोलोगे कि हाँ अभी सोच रहे हैं ये करें कि वो करें, वो अभी मत बोलना। और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आप सबको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा बिकॉज वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले गाइस आपको एक नोटबुक बनानी है और वो नोटबुक लगभग 250 पेजेस का होगा, ठीक है, और वो नोटबुक के अंदर एक नोटबुक बनेगा आपका चैप्टर्स का और दूसरा नोटबुक बनेगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। हमारे जो दो नोटबुक बनेंगे दोनों के अलग अलग नोटबुक बनेंगे, चैप्टर्स का एक अलग नोटबुक बनेगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अलग बनेगा। तो आज अगर आपके पास कोई नोटबुक नहीं है, कॉमन नोटबुक है तो भी चलेगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको सुनना ज्यादा है, क्योंकि हम आज की क्लास से बेसिक से शुरू करेंगे। अब यहीं पे आता हूं मैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हम क्लास के अंदर आने वाले 2 से 3 दिन बेसिक्स की बातें करेंगे,
ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीए फाउंडेशन आप पढ़ तो लिए हो पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप भूल गए होंगे, और ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि आप फाउंडेशन पढ़ के आए हो और आपको पता होगा, तो कई बार ऐसा भी होगा कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, मैं किसी एएस के अंदर बैठा हूं, मैं कुछ असेट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कोई इन्वेंटरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आपका दिमाग चले कि यार ये वाली पर्टिकुलर चीज तो हमें पता ही नहीं है, हम तो भूल गए, और वो नेचुरल है। तो इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन बेसिक्स पे बात करूंगा, और मैं बेसिक्स पे बात करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोई हीरोगिरी दिखा रहा हूं कि मुझे बेसिक्स आता है। मैं आपको बता रहा हूं मैं बेसिक्स पे इसीलिए बात करूंगा क्योंकि वो बेसिक्स हमारे हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम प्रोविजंस का नाम लेते हैं तो हमारे पास 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो है AS4 और AS29। पर मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रोविजन होते क्या हैं, प्रोविजन कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रोविजन तो हमेशा लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, ऐसे मिथ्स हैं जो क्लियर होंगे, जो शायद पता थे। आई एम नॉट डाउटिंग ऑन योर नॉलेज और योर टीचर्स, फाउंडेशन के टीचर के नॉलेज पर मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि एज ए स्टूडेंट हम भूल जाते हैं, बस ये बात है। और मेरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पहले यह है कि मैं आपको वो सब चीजें रिकॉल करवाऊं, राइट? सो अभी हम बेसिक से बात करेंगे कुछ दिन। जो जो मैं बेसिक्स में बात करूंगा वो आपको मैं लिखवाऊंगा भी। अच्छा, अपने स्टाफ से पूछूंगा नोट्स आ गए क्या? सो आप चाहो तो आप नोट्स बांटना शुरू कर सकते हो। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं वो नोट्स, अच्छा ऑनलाइन वालों फिर से नोट्स में जो बात कर रहा हूं फेस टू फेस वालों को, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, तुम ज्यादा मत टेंशन लेना। तो जो तुम्हें नोट्स अभी मिल रहे हैं वो एज अ सैंपल नोट्स है, तुम्हें बुक्स नहीं मिल रही है, एज अ सैंपल नोट्स मिल रहे हैं। तो वो सबको देना है, चाहे किसी ने एडमिशन लिया है चाहे नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन नोट्स के अंदर बहुत सारे बेसिक्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे बेसिक्स मुझे आपको वैसे भी समझाने हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा। सो टीचिंग के अंदर क्या होने वाला है, टीचिंग के अंदर हम 2 बातों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक्स पर, और जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे अपन? प्रैक्टिस पर। बहुत सारा हमें सॉल्विंग करना है, यही तो एक इंडिविजुअल क्लास है आपके पूरे दिन भर के शेड्यूल में, जहां आपको प्रैक्टिस होगी। टैक्सेशन में मान सकता हूं कि हाँ वहां भी थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बट वहां आप अपन 50-50 बोल सकते हैं। वहां प्रोविजंस भी आपको बहुत सारे सुनना है। लॉ में आपका प्रैक्टिस होने वाला है नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस होगा, बट जहां कैलकुलेशंस की बात आती है तो यही एक इकलौता सब्जेक्ट है आपका ग्रुप 1 का, जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है भर भर के, है ना। अब आप सब यहां पर आए हो, इंटर में हो, एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आप सबके माइंड में एक छोटा सा मिथ होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज ही। एडवांस अकाउंट्स है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, बढ़िया है, 100% पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होगा। नहीं, इट्स नॉट अ 100% कैलकुलेशन बेस्ड। दूसरा मिथ बता देता हूं, एडवांस अकाउंट्स है जर्नल एंट्री वाले चैप्टर होंगे। नहीं, जर्नल एंट्री से आगे बढ़ चुके हैं अपन बहुत सारा, और जहां जहां जर्नल एंट्री होंगी वो 2-3 चैप्टर ही है बस, बाकी कहीं जर्नल एंट्री नहीं है। एनालिसिस है, बैलेंस शीट्स को समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझना है, बहुत सारे एरर्स फाइंड आउट करके उनको ठीक करवाना है, एज अ ऑडिटर बन के कैलकुलेशन करना है, एज अ स्टूडेंट बन के नहीं। तो ये मिथ मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूं कि ये एक जर्नल एंट्री वाला सब्जेक्ट है। नहीं, ये सिर्फ जर्नल एंट्री वाला सब्जेक्ट नहीं है। फाइनल लेवल तक जब तक आप पहुंचोगे, फाइनल में तो एक भी चैप्टर जर्नल एंट्री का नहीं है, अकाउंट्स का ही। तो आपको अब थोड़ा सा मैच्योर होना है। फाउंडेशन में आपका जो बेस था वो 12th स्टैंडर्ड का, 11th स्टैंडर्ड का बेस था, बट इंटर इज नॉट बेस्ड ऑन फाउंडेशन। इंटर एक अलग ही दुनिया है, एडवांस अकाउंट्स एक अलग ही दुनिया है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पहले कभी नहीं पढ़े, तो वहां पर हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस और दिमाग के एनालिसिस लगेंगे। लेट मी गिव यू 1 एग्जांपल। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एक किसी कंपनी के, तुम उसके बैलेंस शीट्स पढ़ रहे हो। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तुम एक बैलेंस शीट पढ़ रहे हो और बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें उन्होंने एक फॉर्मेट देके रखा है, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड। वर्टिकल फॉर्मेट होता है, हॉरिजॉन्टल अब नहीं होता है, वो टी शेप जो बनता था फाउंडेशन में अब वो नहीं होने वाला, अब आपको वर्टिकल फॉर्मेट सीखना पड़ेगा।
तो जो फॉर्मेट तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, और क्वेश्चन में नीचे आया है फाइंड आउट द एरर्स इन दिस बैलेंस शीट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कमेंट. क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूं, फाइंड आउट द एरर्स इन दिस बैलेंस शीट एंड कमेंट एंड अप्लाई रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब यह हुआ कि बैलेंस शीट में जो एरर है उनको ठीक करो और ठीक किसी न किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, जो भी एएस लग रहा है. अब उस बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे एएस लगने वाले हैं. बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री आती है कि नहीं आती है? क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता है? मैं क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री आता है कि नहीं आता है? एएस 2 लगेगा. बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट आते हैं कि नहीं आते हैं? थोड़ा मुझे जवाब चाहिए आप सबका, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो एएस 10 लग जाएगा. बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और प्रोविजन आते हैं कि नहीं आते हैं? एएस 29 लग जाएगा. बैलेंस शीट के अंदर इनटेंजिबल एसेट आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे यार जवाब ही नहीं दे रहे, तो एएस 26 लग जाएगा. आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? ये तो मैंने बस 3 एएस के नाम लिए, 4 एएस के नाम लिए, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 एएस लगेंगे. मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं. सो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस सब्जेक्ट में बहुत जबरदस्त मजा तब आएगा जब हम पहले दिन से सिंसियर होंगे. इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन व्हेन वी आर हेयर फॉर डेमो, नॉट एन इश्यू, बट वी शुड इनिशियली डिसाइड कि भाई 2 दिन के अंदर हमें डिसाइड करना है कि हमें कहां पर जगह चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और बेसिक्स पे बातें होंगी, और उसके बाद चैप्टर तो शुरू करना ही है 4th दिन 5वें दिन. तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो मैंने आपको मिथ्स के बारे में बताया वैसा सोच के मत पढ़ना, हमें और ज्यादा बेहतर पढ़ना है अपने को. आ रही क्या मेरी बात समझ में? ऑल राइट. दूसरा चीज, ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जितने भी फेस टू फेस वाले बच्चे हैं उनसे तो डेली मिलना होगा, शाम को 5:30 बजे के बाद भी वो मुझसे मिल सकते हैं. बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स 5:30 बजे के बाद जैसा फेस टू फेस वाले बच्चे मुझसे मिल सकते हैं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग आपका बंद नहीं करूंगा. 5:30 बजे के बाद मैं यहीं पर रहूंगा. मान लीजिए इनमें से कोई स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने मुझसे कोई डाउट पूछा, मुझे लगा कि ये डाउट उसका अच्छा है, तो मैं उस डाउट को दोहराऊंगा ताकि लाइव वाला बच्चा भी उसको सुने. तो लाइव स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि 5:30 बजे के बाद अगर मैं एक्टिव हूं स्टूडेंट्स के साथ तो मैं आपके लिए भी एक्टिव हूं. दूसरा, आपके लिए अलग से मैं 10-15 दिनों में हर 10-15 दिनों में आपके साथ जूम सेशंस रखता रहूंगा. टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं तो कर लेना, तो उस ग्रुप में आपको जूम सेशंस की लिंक आ जाएगी, तो मेरे से आप लाइव गाइडेंस ले सकते हो. 10-12 दिनों में अपन करेंगे, अपन मिलते रहेंगे. आगे चल के आपको मेरा फोन नंबर भी मिलेगा, आप सबको भी मिलेगा, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, डोंट वरी. नाउ नोट्स वगैरह मिलना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? ऑलराइट, मिल रहे हैं, ठीक है. अब मैं आपको ना अभी बोर नहीं करना चाह रहा हूं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, मैं सीधा पढ़ाई की बातों पर आना चाहता हूं. क्या हम पढ़ाई शुरू करें? जल्दी बताइए, क्या अपन पढ़ाई शुरू करें? चलिए अपनी कॉपी निकालिए, अपनी कॉपी निकालिए. अच्छा, मैं जिस टेलीग्राम लिंक की बात कर रहा था वो फेस टू फेस वालों के लिए काम की नहीं है. टेलीग्राम लिंक काम की है ऑनलाइन वालों के लिए, और वो आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर मिलेगी. आपको ऐसे ओपन टेलीग्राम नहीं लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट ग्रुप है, वो पब्लिक ग्रुप नहीं है. तो आप उसको सर्च भी करोगे टेलीग्राम पे तो आपको नहीं मिलेगा. दैट्स अ प्राइवेट ग्रुप, उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही होंगे. सो आपको वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर ही मिलेगा. ऑलराइट, जिन बच्चों को मेरे नोट्स के बारे में जानना है वो 2 मिनट सामने देखिएगा. नोट्स के अंदर आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं, मैं स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं, आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं. पहली किताब रहेगी एडवांस अकाउंट्स की जय, 2 वॉल्यूम्स. इसमें आपके ऑल चैप्टर्स कवर होंगे, इसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स कवर होंगे.
सर कितने चैप्टर्स हैं? अप्रोक्स 5 प्योर चैप्टर्स हैं विदाउट एएस और 2 चैप्टर्स हैं विथ एएस, उनमें एएस का भी कॉन्सेप्ट है। सो 5 चैप्टर्स आपको में होते हैं। इसके अलावा आपको एक बुक मिलेगी एएस ट्रंप, एएस ट्रंप की बुक मिलेगी। जो एएस ट्रंप बुक मिलेगी वो 2 या फिर 3 वॉल्यूम्स में मिलेगी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अगर बहुत ज्यादा मोटा हो गया तो उसको 3 वॉल्यूम कर दिया जाएगा और अगर फिट हो गया तो 2 वॉल्यूम्स में ही आ जाएगा। तो आपको 2 से 3 वॉल्यूम में मिलेगा। और एक तीसरा आपका रहेगा ईगल व्यू चार्ट बुक। ईगल व्यू चार्ट बुक, ये आपको 3 चीजें आपको मिलने वाली हैं। जो एडवांस अकाउंट्स की जय है वो इस टाइप की किताब दिखेगी आपको, ठीक है, ये वाली किताब दिखेगी। अगर आप इसमें सामने देखेंगे इंडेक्स में, किताब का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको चाहे एएस का ट्रम मिलेगा चाहे आपको एडवांस अकाउंट्स की जय मिलेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे। कॉन्सेप्ट्स के बगल में अगर मुझे लगता है कि कोई एग्जांपल जरूरी है तो मैंने यहां पहले से ही लिख के रखा है कि कितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एग्जांपल्स, फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सेक्शन बी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर हमने किताब के अंदर सारे क्वेश्चन करके रखे हैं, पूरा कंप्लीट स्टडी मैट है। तो अगर मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं उससे पहले ही आपको बता देता हूं कि पूरा स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का मैंने रखा हुआ है, टेंशन मत लेना, मैंने सारी चीजें उसके अंदर कवर कर दिए हैं। स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स, ये सब चीजें पिछले 5-10 सालों की हैं तो इसमें आपको मिल जाएंगी। एमसीक्यूज आईसीआई वाले हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए एमसीक्यूज हैं वो आपको मैं सेपरेटली दूंगा। इसके अलावा सेक्शन डी में भी सेम है, पर वो सेक्शन डी जो है वो होमवर्क है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपके ऊपर पहले दिन से डाल रखी है कि भाई कुछ होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं, वो मैंने सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। अब किताब की खासियत क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा किताब की खासियत, बिकॉज ड्यूरिंग द एडमिशंस एंड काउंसलिंग उन बच्चों को मैंने बताया था। बट जो बच्चों को पता नहीं है, ये क्यूआर कोड, जिनकी बातें अभी बाकी फैकल्टीज भी आपको बता रहे थे, कई सारे क्वेश्चंस के बगल में आपको क्यूआर कोड मिलेंगे। ये क्यूआर कोड आपको क्लास में बिल्कुल काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये क्यूआर कोड आपको काम आएंगे जब आप घर पे कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो होमवर्क के फॉर्म में कर रहे हो ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ड्यूरिंग द सेशन, हमारा जो 3 महीने का सेशन है, या फिर आप रिवीजन के टाइम पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब ये मैंने डिसाइड किया है कि मुझे क्यूआर कोड कौन से क्वेश्चन के बगल में डालना है। मैंने इजी क्वेश्चन के बगल में क्यूआर नहीं डाला है क्योंकि इजी क्वेश्चन, ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है कि इजी कौन सा है, टफ कौन सा है, क्योंकि ये मैं जानता हूं शुरू से कि यार बच्चा यहां पर अटक सकता है, इसमें बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है, इसकी जरूरत है बच्चे को, तो वहां मैंने क्यूआर डाल दिया है। क्यूआर का फंडा क्या है, सीधा मोबाइल से आप स्कैन करोगे, कोई भी स्कैनर एप्लीकेशन, आईफोन में तो डायरेक्टली कैमरा से ही हो जाता है, और अगर एंड्रॉइड होगा तो एंड्रॉइड की कोई भी स्कैनर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, जैसे ही आप स्कैन करोगे मेरा वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें मैं ही हूं, मेरा वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 5 से 7 मिनट के अंदर आपके सारे डाउट्स इस क्वेश्चन में जो भी होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सर आप बोलोगे सर डाउट्स क्यों ही होंगे, आप तो क्लास में पढ़ाओगे। बेटा ऐसा थोड़ी है कि हर चीज रिटेन हो पाएगी 8वें महीने तक, हमारा एग्जाम 8वें 9वें महीने में है, तो हो सकता है कुछ कुछ चीज वापस हम भूल जाए, हो सकता है हम कॉपी को पलटा रहे, हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो डाउट्स तो हो सकते हैं। तो आप डाउट्स के लिए मुझ तक पहुंचो, उससे बेहतर है कि आप सबसे पहले क्यूआर स्कैन करो। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप डाउट्स के लिए मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डाउट्स तक आप मुझसे पहुंचाओगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में अभी फिलहाल, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होने वाला है, और यही हमारा डाउट्स का एक इंपॉर्टेंट, एकमात्र तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ एक ग्रुप बनेगा तो डाउट्स उसमें भी होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ टेलीग्राम ग्रुप है, डाउट्स वहां होंगे। बट वहां अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी तबियत खराब है, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, ओनली इफ यू फाइंड इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, बिकॉज आपको पता है कि फैकल्टी मान लो क्लास में है या क्या है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो दिस नंबर, ये नंबर मेरे पास ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुक्स, एंड जो चार्ट बुक की मैं बात कर रहा था, चार्ट बुक कुछ इस तरीके से होती है, स्क्रीन को देखो एक बार राजेश, हाँ चार्ट बुक कुछ इस तरीके से रहती है, ये चार्ट बुक है, ये जो चार्ट बुक का फंडा है ये सोचकर बनाया गया है कि जब आपको लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करवाना है मुझे, तो रिवीजन में ये चार्ट बुक आपको काम आएगी। सारे कॉन्सेप्ट्स एक पेज के अंदर मैंने डाले हैं चार्ट बुक के अंदर।
चार्ट बुक के साथ साथ आपको समय समय पर ऑडियो रिविजन भी प्रोवाइड मैं करता रहूंगा, ग्रुप के अंदर मैं डालता रहूंगा कि ये मेरा ऑडियो रिविजन है, और एक जगह पर वो सेव हो सकता है, वो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा जो आपको एग्जाम टाइम में काम आएगी। ये था सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट द नोट्स एंड रिविजन। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, वापस से अपन बात करते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, अपने बेसिक्स। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लिखोगे बेसिक्स, अपनी कॉपी में हेडिंग लिखोगे बेसिक्स। ठीक है, अपना यश अपना माइक चल रहा है ना, बच्चों को मुझे माइक पहुंचाना है तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा दे देना। कुछ बच्चों से मुझे बात करनी है रिगार्डिंग बेसिक्स एंड ऑल, कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस बिल्कुल बी चिल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेस में पढ़ें। पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला दिन है, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जिसको जिसको नोट्स नहीं मिले हैं वो अपने हैंड्स अप कर सकते हैं, प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। उधर तो बहुत कम है, एक दो बच्चे दिख रहे हैं, यही हैं बस, इधर से ही हैं, खत्म हो गए। अच्छा, ज्यादा बच्चे आ गए मतलब, ठीक है। ठीक है, आ जाएंगे कल तक आपको नोट्स आ जाएंगे। आज नोट्स सिर्फ आपको दिए गए हैं कि एज अ सैंपल नोट्स हैं, पर जो मैं बातें करूंगा वो आपको कॉपी में मिल जाएंगी, डोंट वरी, आप सबको नोट्स कल तक मिल जाएंगे अगर कल आप दिखोगे तो। ठीक है, सो बेसिक्स में बात करते हैं गाइस। एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, व्हाट इज असेट, व्हाट इज एन असेट, कोई बताना चाहेगा, एनीबॉडी? यस, वेरी गुड, माइक 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 माइक। अच्छा, किसी को माइक के बिना बताना है तो बता सकता है, कोई शर्म अगर आ रही हो तो डोंट वरी, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे माइक यूज नहीं करना है, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसके कारण एक रीजनेबली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में या फिर करंट में, तो वो एक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट जिससे हमें रीजनेबली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? जय अग्रवाल। जय, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बोला, शानदार। हाँ, ओके, एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, कोई और है? ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, बस हाथ ऊपर करने में थोड़ा शर्म आ रही है ना। हाँ चलो, दूसरा बच्चा, उसको दे रहा, तब तक मैं ऑनलाइन के पढ़ लेता हूं। फ्यूचर में बेनिफिट जनरेशन मनी विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। एवरीथिंग दैट अ बिजनेस ओन्स और इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स इट, एनीथिंग विच बिजनेसमैन या बिजनेस ओन्स एंड डायरेक्टली इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स इट, अर्न्स द प्रॉफिट। ओके, वेरी गुड, क्या नाम है बेटा? पार्थ। पार्थ, ठीक है। हेल्प इन जनरेट मनी इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस दैट गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर। तो सबसे पहले अपन ना डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपन उसकी बातें करेंगे। चलिए लिखिए, पहला असेट, फर्स्ट इज असेट, एनी रिसोर्स ऑब्लिक आइटम, आइटम मतलब अकाउंट्स वाला आइटम। बच्चे मुझे देख रहे थे घूर के, सर क्या बातें कर रहे हो आप। एनी रिसोर्स और आइटम, एनी रिसोर्स और आइटम ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल, ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल। हाँ, अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते बीच में याद आएगा कि मुझे आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देने, तो वो भी सुन लीजिए। हाइलाइटर रखेंगे आप कल से, ठीक है ना? क्यों रखेंगे? ये करने के लिए मुझे हाइलाइटर चाहिए रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या रखनी है अपने पास? स्टिकी नोट्स। कल से आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए येलो कलर का, और दूसरा होना चाहिए आपके पास स्टिकी नोट्स। सर स्टिकी नोट्स क्यों होने चाहिए? कुछ ऐसी बेहतरीन चीज आपको लगे कि यार ये सर ने ना ये वाला जो पॉइंट बोला ना, काश मैं रिकॉर्ड कर लूं, काश मैं नोट कर लूं, और वो नोट करके अपनी बुक में छाप दूं, तो वो पॉइंट स्पेशल, सिर्फ वो एक लाइन
आप स्टिकी नोट्स में लिखोगे और इमीडिएटली चिपका दोगे. वहां नहीं कर पाए घर जाके करोगे, मतलब हॉस्टल जाके करोगे. तो वो स्टिकी नोट्स आपके जरूरी है जो आपकी किताब में चिपके रहेंगे, तो वो कीवर्ड्स याद रखने के लिए बहुत जरूरी रहेगा. सो एनी रिसोर्स और आइटम ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल ड्यू टू विच इट गिव्स राइट, इट गिव्स राइट टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. To generate economic benefits. Definition सबने लिख ली. अब सब मेरी बातें सुनेंगे अच्छे से. पहले बात करेंगे अपन control की, बात करेंगे right की और बात करेंगे economic benefit की, फिर definition के बाद अपन बात जाएंगे उसके बाद. सर control क्या है? बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं सेल कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं, मैं किराए पर दे सकता हूं, मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूं, मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं उसको लीज पर दे सकता हूं, मैं जो चाहे मैं वो कर सकता हूं, ऐसी कोई चीज अगर है तो मेरा उस पर कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल किसी को बेच सकता हूं, मैं ये मोबाइल चाहे तो किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी को चार दिन यूज करने के लिए दे सकता हूं, चाहे तो फेंक सकता हूं, मेरी मर्जी. मेरी मतलब, मेरा मतलब यह है कि जो जिस पे मेरा पूरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं. आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? दैट इज कॉल्ड कंट्रोल. कुछ आया समझ में कि नहीं? क्या बोला मैंने? सब लोग चिल्ला के बोलेंगे. क्या बोला मैंने? कंट्रोल मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज जिसपे हमारा कंट्रोल है. कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं हम? सेल कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? मुंह खोलो बोलो, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको. लीज पर दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. अंडरस्टूड नॉट? तो जिसमें हमारा पूरा डिसीजन मेकिंग हो. तो अगर हमें कंट्रोल, हम लिख रहे हैं कंट्रोल, तो अब मैं एरो करके लिख रहा हूं डिसीजन मेकिंग राइट्स. डिसीजन मेकिंग राइट्स मतलब हम, हमारा कंप्लीट डिसीजन है उस पर. हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं. तो असेट होने के लिए क्या चाहिए? असेट होने के लिए मेरे पास कंट्रोल आना चाहिए. और कंट्रोल है मतलब मेरे पास डिसीजन मेकिंग राइट्स है. मैं उस असेट को बेचूं, मैं उसको किसी को किराए पर दूं, ये मेरा कंट्रोल है क्योंकि मेरा डिसीजन है. आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? सो कंट्रोल का मतलब यहां होता है डिसीजन मेकिंग राइट्स. इसीलिए आगे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी आइटम जो एंटिटी को कंट्रोल दे, एंटिटी को अधिकार दे, कंट्रोल दे. और कंट्रोल से एंटिटी को क्या मिलेगा? अधिकार. क्या अधिकार मिलेगा? क्या अधिकार मिलेगा एंटिटी को? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जनरेट करने का. अब आते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे. सर ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब रेवेन्यू करना. इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब इनकम जनरेट करना. इन सिंपल टर्म्स लिखिएगा मेरे साथ, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब रेवेन्यू जनरेशन. इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब रेवेन्यू जनरेशन. रेवेन्यू जनरेशन और एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम. रेवेन्यू जनरेशन और एनी अदर इनकम या फिर कॉस्ट सेविंग. कॉस्ट सेविंग भी तो कहीं ना कहीं इनकम ही है ना. अगर कॉस्ट मेरी सेव हो रही है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो वो भी मेरे लिए क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट. या फिर टैक्स सेविंग. अगर मेरी टैक्स की सेविंग हो रही है, वो भी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहा है ना, तो वो भी मेरे लिए क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट. आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? सो ऐसा कोई भी आइटम, बोर्ड पर देखिएगा, ऐसा कोई भी आइटम जिससे एंटिटी को क्या मिले? कंट्रोल. कंट्रोल से एंटिटी के पास क्या आ रहा है? राइट right. अधिकार. कौन से राइट? बोर्ड पे मैंने बोला देखने को, कौन से राइट?
और उन डिसीजन मेकिंग राइट से एंटिटी क्या जनरेट कर सकती है? इकोनॉमिक बेनिफिट. आई क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो मेरा, आया समझ में कि नहीं आया? यस. अब यहां पर एक चीज और लिखिएगा नीचे, हेयर कंट्रोल कैन बी, हेयर कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड. अब ये सर कंट्रोल आएगा कैसे? सर हमारे पास कंट्रोल आया कैसे? किसने दिया ये हमें कंट्रोल? हेयर कंट्रोल्ड कैन बी, कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर बाय, आइदर बाय, पहला परचेज ऑफ अ सेट दैट इज ओनरशिप. आप मालिक हो उस चीज के, आप ओनर हो, और ओनर हो तो इसीलिए आपके पास कंट्रोल आया. आप इसको लीगल ओनरशिप भी बोल सकते हो, आप इसको लीगल ओनरशिप भी कह सकते हो. आपने खरीदा, इनवॉइस आपके नाम पर है, बिल आपके नाम पे काटा गया, आप उसके ओनर बन गए, आप उसके लीगल ओनर बन गए, आपको कंट्रोल आ गया. भाई ये मोबाइल मैंने लिया तो मेरे पास उसका बिल है, मतलब अब मैं उसका ओनर हूं, तो ओनर ओनरशिप आ गई, मतलब कंट्रोल आ गया. तो सर कंट्रोल क्या कोई दूसरी चीज से भी आता है? हां, बिना ओनरशिप के भी आता है. लिखिए पहले, फिर अपन बात करेंगे, और करके लिखिएगा, फिर अपन बात करेंगे. और बाय डीम्ड ओनरशिप सच एज फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन. अब बीच बीच में मुझे एग्जांपल देते वक्त कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जो शायद कुछ लोगों को पता ना हो, पर वो मैं सब बताऊंगा पहले कि ये क्या होता है. फाइनेंस लीज क्या होता है ये मेरा काम है बताना, टेंशन मत लो. सर लीगल ओनरशिप तो समझ में आती है. अच्छा, किसी को लीगल ओनरशिप में कोई दिक्कत? लीगल ओनरशिप कैसे मिली, किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो, वहां वाले बच्चे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जल्दी बोलो यार. किसी को डाउट है क्या लीगल ओनरशिप में? पक्का? ओके. तो अब मुझे बताओ, कोई भी आप में से डीम्ड ओनरशिप को कुछ किसी के माइंड में चल रहा है क्या? कोई अगर आपके माइंड में चल रहा हो, सर मुझे पता है डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, एनीबॉडी कोई अगर चाहे तो बता सकता है. ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको लग रहा है कि डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, या किसी को ये टर्म पता है फाइनेंस लीज, तो कोई अगर है तो प्लीज. ये उधर से सबसे लास्ट में, श्रीधर उधर, इधर से कोई है? हाँ एक सेकेंड, हाँ ओके, उधर पहले दे दो बच्ची को. हायर परचेज, डीम्ड ओनरशिप मींस, आवाज नहीं आ रही बेटा. अज्यूम्ड ओनरशिप. अज्यूम्ड ओनरशिप, ठीक है ओके. हाँ आप ऐसे ही बोल दो बेटा. यस, ओनरशिप फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ओके ठीक है. और मैंने बोला था ना जय नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसने एक टर्म बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म. कौन कौन जानता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म? कितने बच्चे जानते हैं? मैं पूछूंगा नहीं, टेंशन मत लो यार. एक तो ना ऐसे साथ पूछ ना, कौन कौन जानता है तो हाथ ऊपर करने में डर लगता है, पता नहीं हम ही ना उठा दे. मैं पूछूंगा नहीं, किसको किसको पता है ये टर्म सब्सटेंस ओवर फॉर्म? आपके 12th क्लास का टर्म है ये, अकाउंट्स का बेसिक से ये सब्सटेंस. ओके ठीक है, कोई नहीं, मैं बात करूंगा उस पर. सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपने बोला, बट ये टेक्निकल टर्म है तो इस पर मैं बात करूंगा. ओके, यहां पर बोल रहा है हायर परचेस, फ्यूचर हम ओनर बनने वाले हो, नहीं भाई फ्यूचर ओनर बनने वाले हो ऐसा नहीं है, इट इज प्रिज्यूम्ड. नहीं सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने आपने लीज टर्म वर्ड सुना है? लीज, लीज आपके हिसाब से लीज का मतलब क्या होता है? रेंट, किराए पर लेना. हाँ बेटा, लीज भी ना दो प्रकार की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म लीज, एक होती है लॉन्ग टर्म लीज. फाइनेंस लीज मतलब लॉन्ग टर्म लीज. क्या बोला मैंने? मैं दो मिनट वेट करूंगा, जो मैंने बोला आपको लिखना पड़ेगा, और मैं हर चीज नहीं लिखूंगा जानबूझ के. आपके मुझे राइटिंग स्किल्स डेवलप करवाने हैं, और राइटिंग स्किल्स तभी डेवलप होंगे जब मैं थोड़ा दो मिनट रुकूं और आप पहले लिखो. मैंने आपको कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ लिखो. मैंने कहा लीज दो टाइप के होते हैं, लीज ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म.
एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म को बेटा कहा जाता है ऑपरेटिंग लीज. लिखिएगा प्लीज, एवरीबॉडी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिखिए. लिखोगे नहीं तो मजा नहीं आने वाला. ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म मतलब ऑपरेटिंग लीज. और दूसरा मैंने कौन सा बोला आप बोलो? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब फाइनेंस लीज. लॉन्ग टर्म मतलब फाइनेंस लीज. लिखा सबने? यस, वेरी गुड. सो लीज होती है दो टाइप की, एक होती है शॉर्ट टर्म लीज, एक होती है लॉन्ग टर्म लीज. ठीक है. अब यहां मैंने आपको लिखाया है, यहां मैंने आपको लिखवाया है फाइनेंस लीज, तो आप चुपके से यहां पर लिख सकते हो दैट मींस लॉन्ग टर्म. दैट मींस लॉन्ग टर्म आप लिख सकते हो चाहो तो. यहां पर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप भी लिख सकते हो लॉन्ग टर्म. ठीक है. अब पहले इसको समझे कि लॉन्ग टर्म लीज फाइनेंस लीज है तो क्या है. पुणे में एक गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है. मान लो एग्जांपल सुनो, पुणे में किसी एक एरिया में एक गवर्नमेंट ओन्ड सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, खाली पड़ी है सरकारी जमीन. कम से कम 5 एकड़ की जमीन रखी है खाली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए. रेसिडेंशियल पर्पस मतलब रहने के लिए. वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, वहां पर रहना हो सकता है. सरकार ने क्या किया, सरकार ने उस 5 एकड़ के लैंड को, जमीन को, भूमि को उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स में काट दिया, डिवाइड कर दिया. 5 एकड़ की जमीन को उन्होंने कुछ प्लॉट्स 1000 स्क्वायर फिट, 1000 स्क्वायर फिट, कुछ प्लॉट्स 2000 स्क्वायर फिट, और ऐसे करके उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स बना लिए. और वो प्लॉट बना के उन्होंने पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी, इश्तिहार दे दिया कि हम ये लैंड लीज पर देना चाहते हैं. किस पे देना चाहते हैं? लीज पर. और उसके बाद आप ये लैंड ले लो, आप जैसे घर बनाना चाहते हो अपने हिसाब से बना लो. और ये लीज रहने वाला है 99 ईयर्स का. कितने ईयर्स का बेटा? 99 ईयर्स का. अब आपसे मैंने एक चीज पूछी थी बेटा लीज का मतलब क्या होता है, आपने बोला रेंट होता है. पर रेंट लीज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म. जो लॉन्ग टर्म वाला लीज होता है ना, वहां सरकार आपको पूरे अधिकार दे रही है कि भाई मैं तो तेरे को लैंड दे रहा हूं, तू मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट अभी दे दे और हर साल छोटा सा एक चार्जेस देते रहना, बस कुछ चार्जेस देते रहना, चालान भर देना हर साल के, लैंड के कॉस्ट के बराबर का अमाउंट सरकार ने आपसे अभी ले लिया और लीज पर आपको यह दे दी गई. आपको रियल ओनरशिप नहीं दी गई है, आपको रियल ओनरशिप, लीगल ओनरशिप नहीं दी गई है, पर आपको अधिकार दिए गए हैं 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए आपको अधिकार दिए गए हैं. तुझे 1 BHK बनाना है बना, तुझे डुप्लेक्स बनाना है बना, तुझे मकान बनाना है नहीं बना, तुझे इसको किराए पर देना है तू दे, तेरी मर्जी. आपको नहीं लगता कि यह भी एक क्या दे दिया? आपको नहीं लगता कि सरकार ने हमें 99 इयर्स के लिए क्या दे दिया? और आपको नहीं लगता कि यहां पर क्या सरकार ने हमें यह दिया है क्या, लीगल ओनरशिप हमारे नाम पे कर दी क्या? पर कहीं ना कहीं कंट्रोल दिया कि नहीं दिया? और अगर कंट्रोल, अच्छा यह भी बोल दिया कि तुझे ये लैंड फिर से किसी को सेल करना है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक NOC लगेगी सरकार की. अरे आया समझ में कि नहीं? और तुम्हें नहीं लगता कि इसको हमें क्या बोलना चाहिए? डीम्ड ओनरशिप. डीम्ड ओनरशिप मतलब, डीम्ड ओनरशिप मतलब ओनरशिप जैसे गुण. एक्चुअल ओनरशिप तो नहीं, पर ओनरशिप के जैसे जो राइट्स होते हैं एज इट इज, मैंने वो राइट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डाल दिए. तू सच्ची मुच्ची का लीगल ओनर नहीं है, पर मन की आंखों से अगर देखे तू ओनर ही है. तू जो करना चाहे कर, तू कंस्ट्रक्शन उस पे कर, तू उसको सेल कर, तू कंस्ट्रक्शन करके बेच दे, तू कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे दे दे, तेरी मर्जी. मतलब तेरे को कंट्रोल दे दिया कितने सालों के लिए? कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए. क्या आपको डिसीजन मेकिंग राइट्स आ चुके हैं? टेल मी हाँ या नहीं, डिसीजन मेकिंग राइट्स आ चुके हैं कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपको कंट्रोल आ गया है, आया है कि नहीं? और अगर कंट्रोल आया है तो ये कंट्रोल कैसे आया, लीगल ओनरशिप से कि डीम्ड ओनरशिप से? डीम्ड ओनरशिप से.
तुम एक्चुअली में लीगल ओनर नहीं हो क्योंकि तुम्हारे साथ लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है. क्या साइन हुआ है तुम्हारे साथ? लीज अग्रीमेंट. लीज में तुम्हें लिखा गया है कि तुम एक लेसी हो, तुम एक लेसी हो, तुम्हें हम ये सारे अधिकार 99 इयर्स के लिए दे रहे हैं, अब तुम जैसा करना चाहो वैसा करो. इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गई बेटे? क्या आ गई तुम्हारे पास? डीम्ड ओनरशिप. तो कंट्रोल बेटा बताओ कैसे आता है? कंट्रोल दो तरीके से आता है. कौन से दो तरीके से आता है? कौन से दो तरीके से? परचेज करने से, मतलब और दूसरा मतलब फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन. इसको दूसरी भाषा में हम कहेंगे हायर परचेज. तो जिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने हायर परचेज कहा था वो बिल्कुल सही शब्द कहा था. इसको हम बोलेंगे हायर परचेज ट्रांजैक्शन. हायर परचेज ट्रांजैक्शन. और ये चीज हम कवर करने वाले हैं आगे चल के AS19 में. AS19 का नाम है लीजेस. पूरी लीज की अकाउंटिंग कैसे होने वाली है वो आपको इस AS के अंदर पता चलेगी. तो मैंने आपको AS नहीं पढ़ाया, मैंने आपको एक टर्म क्लियर किया है और वो टर्म का भी एक हिस्सा क्लियर किया है, पूरा हिस्सा भी क्लियर नहीं किया. अभी मैंने आपको फाइनेंशियली सिर्फ उतना बताया है जितना पहली क्लास में तुम बियर कर सको, तुम एक्सेप्ट कर सको, तुम समझ सको. पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने पूरा फाइनेंस लीज के बारे में बता दिया. नहीं, फाइनेंस लीज के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं डेफिनेशन में, बट मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूं जितना आज के दिन रिक्वायर्ड है. चलिए वापस से असेट की डेफिनेशन. मेरे को सब लोग ना चिल्लाते हुए और जो जो घर पे बैठे हैं वो भी चिल्लाते हुए, तो ताकि तुम्हारे मम्मी पापा को भी सुनाई दे कि तुम पढ़ रहे हो. सब लोग यहां पर चिल्लाते हुए, सब लोग असेट की डेफिनेशन पढ़ो शुरू से. चलो 3, 2, 1. एंटिटी हैज कंट्रोल, इट गिव्स राइट टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब रेवेन्यू जनरेशन या फिर इनकम या फिर ऑल राइट. और कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग राइट्स के एग्जाम्पल्स सेल, रेंट, लीज, Construct, destroy, whatever. Understood or not? Exchange, transfer. आया समझ में कि नहीं? All right. और control कैसे पाया जा सकता है? या तो purchase करके, मतलब legal ownership obtain करके, या तो deemed ownership लेके. Deemed ownership मतलब finance lease पर लेके. आया समझ में कि नहीं? इसको कहते हैं asset. बोलो बेटा clear है कि नहीं? पक्का बेटा, यहां तक कोई दिक्कत सबको? तो सर हमें यहां पर क्या पूरी डेफिनेशन रटनी पड़ेगी क्या? नहीं बेटा. क्या सर ये एग्जाम में आएगा एसेट की डेफिनेशन? नहीं बेटा. तो सर आप ये जो पढ़ा रहे हो ये हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है? है बेटा, ध्यान से सुनो. कैसे है सुनिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं. एक चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. उस चैप्टर का नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये अकाउंट्स का इकलौता थ्योरी चैप्टर है, इकलौता थ्योरी चैप्टर. इसको बेसिक्स कहा जाता है. और ये चैप्टर के अंदर असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस को डिफाइन किया गया है. आपको सामने क्या लिख रहा है बोर्ड पे हेडिंग? इसमें आपको दिख रहा है कुछ? असेट दिख रहा है, लाइबिलिटी दिख रहा है. ये डिफाइंड है, ये डेफिनेशन है एसेट लायबिलिटी की. इसका मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो फोकटगिरी यहां पर नहीं कर रहा हूं. मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, बिलीव मी, मम्मी कसम, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपको आपके सिलेबस का पार्ट है. बट उसको लिंक करवाने की जिम्मेदारी मैं अभी से ले रहा हूं ताकि आप पहले दिन से थोड़ा सा ना मैच्योर तरीके से सोचना शुरू करें. क्योंकि फाउंडेशन होने के बाद हम ये तो समझ लेते हैं कि हम इंटर में आ गए, पर वो फाउंडेशन की ना वो जो बचपना होता है ना वो वही रहता है हमारा. फाउंडेशन का बचपना हम छोड़ के नहीं आते. वो 10-15 दिनों में आपका बचपना धीरे धीरे निकल जाएगा जब आप थोड़ा सा मैच्योर होके सोचोगे. ठीक है. सो हमने असेट के बारे में पढ़ा, तो ये था अबाउट असेट. हम लायबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक जो भी आपने पढ़ा, टेल मी, किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी गाइस? कोई भी डाउट नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, डाउट होना चाहिए, कुछ तो मन में आना चाहिए. बिना डाउट के अपन आगे कैसे बढ़ेंगे?
Yes. Sorry. हाँ हाँ कॉपीराइट पेटेंट वगैरह आ सकते हैं. हाँ किया ना, ये राइट आ गया तो मतलब वो राइट कुछ भी हो सकता है. राइट यहां पर चलो लिख देते हैं, राइट ऑन टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम. अब वो राइट मेरा टेंजिबल के ऊपर भी हो सकता है, मेरा इनटेंजिबल के ऊपर भी हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल सुन लीजिए, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है या एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको मैं दूसरी कंपनीज को यूज करने को दे रहा हूं कि आप वो टेक्नोलॉजी यूज करिए, मुझे रॉयल्टी मिलेगी, मुझे पैसा आएगा, मेरे को इनकम आएगी. जब हम अपनी कोई बनाई हुई टेक्नोलॉजी दूसरों को यूज करने के लिए देते हैं तो उसके बदले में जो इनकम आती है उस इनकम को रॉयल्टी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा उसको? रॉयल्टी. So, मैंने अपनी एक टेक्नोलॉजी आपको यूज करने के लिए दी थी, उसके बदले आप मुझे राइट दे रहे हो. अब अगर वो मैंने टेक्नोलॉजी आपको लॉन्ग टर्म टाइम के लिए यूज करने दे दी तो मैं आपको कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वो टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, अपने डिसीजन मेकिंग राइट्स लगा सकते हो, मतलब आपके पास उसका कंट्रोल है. तो इसका मतलब वो टेंजिबल के अलावा वो इनटेंजिबल आइटम भी कवर हो गया. आई मेरी बात समझ में? सो यहां पर राइट किसी भी चीज पर हो सकता है, टेंजिबल आइटम हो चाहे इंटेंजिबल. जो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला तो बच्चों को मैं बता दूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट आता है. आपने वर्ड सुना होगा शायद, ये वर्ड सुना था क्या? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सुना है क्या? चलो लेट्स डिफाइन इट. चलो एक काम करते हैं, अपन डिफाइन करते हैं कि सर यहां मैं लिखता हूं पेटेंट, यहां मैं लिख लेता हूं कॉपीराइट, यहां मैं लिख लेता हूं ट्रेडमार्क. ठीक है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. चलिए कौन बताएगा? मैं बार बार तुमसे नहीं पूछूंगा. कौन बताएगा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के बारे में? किसी को अगर पता हो तो. एनीबडी? यस. कोई इंसान अगर हाँ न्यू इन्वेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट साइड से मिलेगा. बढ़िया है, अच्छी स्कीम है. मैंने कुछ इन्वेंट किया, गवर्नमेंट मुझे देगी. ऑल राइट. और कोई ऑनलाइन वालों टेंशन मत लो, तुम्हारे कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं पर मुझे अगर रेलेवेंट कमेंट लगेगा तो ही मैं उसको रिपीट करूंगा. हाँ तो वो तो पेटेंट भी वही होता है. किसी ने कोई चीज बनाई है तो वो अगर चुराई ना जाए तो वो पेटेंट होता है, वो ट्रेडमार्क भी होता है. हाँ डिफरेंस चाहिए. किसी ने कोई चीज बनाई है और वो कोई ना चुराए तो वो, ये तीनों में आता है वो चीज, पर तीनों में बाइफरकेशन जरूरी है. हाँ बेटा हमने अगर कोई इनोवेशन किया है, ठीक है, पेटेंट कोई टेंजिबल चीज होनी चाहिए. ठीक है ठीक है. तीसरा? ओके वेरी गुड, बच्ची ने बहुत सही बोला बेटा. सबसे पहले कॉपीराइट की बात करते हैं. अगर मैंने कोई बुक बनाई है, बुक ऑथर की है, अगर मैंने कोई म्यूजिक नया डेवलप किया है, अगर मैंने कोई लिरिक्स लिखे हैं, गाने के लिरिक्स लिखे हैं, आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं, तो उस चीज को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि उसको कोई और चुरा ना ले और अपना ना बता दे कि वो उसने बनाई, वो करने के लिए मुझे अपनी उस बुक के कंटेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके उस कंटेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा. गवर्नमेंट उसको चेक करेगी कि सच्ची मुच्ची ये कंटेंट आपका आपका ही है और न्यू है कि ये वैसे भी अवेलेबल है गूगल पे. आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? तो वो कोई किताब हो सकती है,
वो कोई म्यूजिक हो सकता है, वो कोई लिरिक्स हो सकते हैं, और उस कंटेंट को सेव करने के लिए, वो कंटेंट है, ये कोई टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। बस ये बता दूं कि यहां कोई इनोवेशन नहीं है, यहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको बस मैं रजिस्टर करवा रहा हूं, तो वो बन गया कॉपीराइट। पर अगर यहीं पर अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर मैंने कोई नया टेक्नोलॉजी बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई टेक्नोलॉजी बनाया है, और अब मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूं वही सरकार के पास, वही कुछ फीस पे करके, और वही वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर रहा हूं ताकि मेरी टेक्नोलॉजी कोई और यूज ना करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? तुम लोग बहुत जोश में, बिल्कुल भी जोश में नहीं हो, ढीले लड़के लड़के लड़कियां हो सब, ढीले लोग हो, क्या बोलेंगे उसको बेटा? पेटेंट के लिए क्या होना जरूरी है? या तो सॉफ्टवेयर या तो टेक्नोलॉजी, उसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो न्यू इनोवेशन, न्यू इनोवेशन। ऑनलाइन बच्चों चैट जीपीटी का यूज नहीं करने का है, ठीक है? कुछ कुछ बच्चे ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं, इतना ऐसा भर भर के लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके दे दिया। सर ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क किसी बच्चे ने बताया नहीं। हाँ बेटा, कंपनी का लोगो, वेरी गुड, बैठ जाइए, बिल्कुल सही बोला। ट्रेडमार्क मतलब कंपनी का लोगो, ब्रांड नेम इज अ ट्रेडमार्क, ठीक है? जैसे वी स्मार्ट अकेडमी का जो लोगो है व्हाइट ब्लू कलर में, वो हो गया ट्रेडमार्क, ठीक है ना? तो ट्रेडमार्क मींस जो हम अपना कंपनी का एक पहचान देते हैं, हमारे कंपनी की, हमारे बिजनेस की पहचान किससे है? आ रही बात समझ में कि नहीं? जैसे नाइकी, एडिडास, इन सबके आपको डिजाइन याद होंगे, इनके प्री डिटरमाइंड डिजाइन है, है ना? तो वैसे ही वो होता है आपका ट्रेडमार्क। अब मैं चाहता हूं कि वो मेरा कोई और यूज ना करे ट्रेडमार्क, वो भी तो कोई और यूज करके उसका बेनिफिट ले सकता है, तो ऐसे केस में मैं उसको भी रजिस्टर करवाऊंगा गवर्नमेंट के पास, ताकि कोई उसको चुराए ना, कोई उसको अपना ना बताए, कोई उसको रीयूज ना करे मेरी बिना परमिशन के। मैं परमिशन दे रहा हूं तो एक अलग बात है, कोई उसको यूज ना करे तो वो हो जाता है आपका ट्रेडमार्क। तीनों चीजों को रजिस्टर किया जाता है तभी वो ये नाम पाते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। अगर आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो आपका वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहां पर वो भी आ सकता है रेसिपी, कोई खाना बनाने वाली रेसिपी भी आ सकती है, खाने बनाने की रेसिपी आ सकती है, शेफ ने अपनी कोई रेसिपी डेवलप की, तो वो आ गया आपके कॉपीराइट में। आया मेरी बात समझ में कि नहीं? सो ये होते हैं आपके पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इन तीनों को सर क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन तीनों को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डन बेटा, यहां तक लिख लिया सबने? अब हम जब असेट पे हैं ही सही, असेट पे बैठे हैं, तो यहां पर प्लीज लिखिए कैटेगरीज ऑफ असेट्स, कैटेगरीज ऑफ असेट्स, कैटेगरीज ऑफ असेट्स। यहां पे कैटेगरीज, मैं करंट नॉन करंट की बात नहीं करने वाला हूं, टेंजिबल इनटेंजिबल की बात नहीं करने वाला हूं, मैं कोई दूसरी अभी कैटेगरी की बात लेने वाला हूं। कैटेगरीज ऑफ असेट, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखते जाइएगा, मॉनेटरी असेट्स, नॉन मॉनेटरी असेट्स, मॉनेटरी असेट्स, नॉन मॉनेटरी असेट्स। मॉनेटरी असेट्स एंड नॉन मॉनेटरी असेट्स, एनीबडी? वहां से कोई जवाब अभी तक नहीं आया, मैं उधर नोटिस कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं आया। एनीबडी कोई बता सकता है मॉनेटरी असेट या नॉन मॉनेटरी असेट को कोई डिफाइन कर सकता है? कुछ भी हो सकता है वो, आप गलत बोलोगे तो जो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई किसी को मारने वाला नहीं है।
स्किल ओके ऐसे बैठे बैठे कोई बात नहीं जिसकी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते आपको एक वर्ड नहीं मिल रहा था शायद जिसकी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते अच्छा ठीक है मैं अभी भी सहमत नहीं हुआ हूं पूरी तरीके से सो डू नॉट कंसीडर दिस एज अ फाइनल आंसर यू कैन डेवलप योर ओन आंसर्स आल्सो यू कैन डेवलप योर ओन आंसर्स आल्सो ऑलराइट कि यहां मैं इनको रोक रहा हूं यहां पर कोई है कोई बताना चाहता है यस डियर बोलिए हाँ तुम ही हो थोड़ा बाकी लोग मेरे तक पहुंचाओ ना उसकी आवाज इन टर्म्स ऑफ मनी तो जो मॉनिटरी असेट है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉन मॉनिटरी नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी होय कितना आसान है हाँ शर्ट अच्छी पहनी है यार तूने गोवा से आया है हाँ बढ़िया शर्ट ऐसे पूरा ऐसे जैसे महाराष्ट्र में लोग चलते ना ऐसे चेन दिखा के हाँ अपोनिच भगवान है टाइप क्या नाम है बेटा आपका अविनाश कहाँ से हो कर्नाटका अच्छा बैठ जाओ हाँ मॉनिटरी असेट मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर दिखती है और जो नॉन मॉनिटरी मतलब जो स्किल्स वगैरह रहती हैं ऐसा बोला आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड मुझे अभी तक कोई करेक्ट आंसर नहीं आया अच्छा मैं बताऊं आपको ये सारे आंसर्स इनकरेक्ट है ये सारे आंसर्स इनकरेक्ट है मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी यस हां बोलो यहां से कोई यस जिसको एक्वायर करने में पैसे लगे हो और जिसको एक्वायर करने में पैसे नहीं लगे हो वो नॉन मॉनेटरी नहीं गलत गलत ये लास्ट आंसर है उसके मैं ऑनलाइन वालों के पढ़ूंगा गलत वरुण बंसल लाइक ह्यूमन रिसोर्स इज एम्प्लॉय तो वो नॉन मॉनिटरी हो गया नॉन मॉनिटरी मतलब जो स्पेसिफिक अमाउंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता ये आंसर एक आया है देवश्री ने दिया है नॉन मॉनिटरी मतलब जो स्पेसिफिक अमाउंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता ठीक है मॉनिटरी विच हेल्प्स टू अर्न मनी अच्छा नॉन मॉनिटरी मतलब विच डजंट हेल्प टू अर्न मनी वाह बेटे वाह वाह जो शॉर्ट टर्म में मनी को कन्वर्ट हो जाए वो मॉनिटरी और जो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो वो नॉन मॉनिटरी वाह गजब ठीक है और कौन है असेट हुज वैल्यू कैन बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर मॉनिटरी वाह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मॉनिटरी मॉनिटरी से कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश तो नॉन मॉनिटरी कैन कैश में कन्वर्ट नहीं होगा नहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो देवश्री वाला आंसर ठीक लगा मॉनिटरी असेट नॉन मॉनिटरी असेट आज अपने मन से ये नाम का जो भ्रम है ना तुम्हारे ये मॉनिटरी मनी टर्म्स मेजरमेंट उइमा ये सब हटा दो दोनों टाइप की चीजें तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर ही आती हैं स्किल सर वो ह्यूमन नहीं वो असेट ही नहीं है वो असेट ही नहीं है तो सर क्या है मॉनिटरी असेट मतलब ध्यान से अब मॉनिटरी असेट मतलब ऐसी कोई भी असेट जिसकी वैल्यू फिक्स है डिटर्मिनेबल है दोनों की दोनों असेट मनी में ही हैं, ये भी मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं पहले मैं क्लियर कर दूं ये भी मनी टर्म में मेजर हो रही है ये भी मनी टर्म में मेजर हो रही है बस फर्क इतना है मॉनिटरी मतलब कोई बात है नहीं यहां पर श्रीधर आवाज आ रही है मेरे को मॉनिटरी असेट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है डिटर्मिनेबल है चेंज नहीं होने वाली
जैसे पहले मेरे साथ एग्जांपल लिखो, फिर मैं और चीजें पे डिस्कस करूंगा. जैसे कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, कैश बैंक बैलेंस डेटर्स बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल. जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, पहले से ही डिटर्मिनेबल है. जैसे मेरा डेटर है 50,000 रुपए का, 50,000 का. कभी कभार जो फिगर्स हैं वो हिंदी में निकलेंगे, कभी इंग्लिश में निकलेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में निकालूं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है साउथ से हो तो वो हिंदी में टर्म नहीं समझते होंगे. तो डेटर्स अगर मेरे 50,000 है और आज मैंने आपको ये मोबाइल सेल किया 50,000, मैं शॉपकीपर हूं, मैं मोबाइल बेचने का धंधा करता हूं, मैंने आपको ये मोबाइल बेचा, आपने बोला सर आप मुझे जानते हो तो एक काम करो ना, एक महीने का क्रेडिट पीरियड दे दो. मैंने चल ठीक है, तू एक महीने के बाद, वन मंथ के बाद तू मुझे 50,000 रुपीज पे कर देना. आप मेरे लिए कौन बन गए? डेटर. ना लायको, थोड़ा तेज तो बोलो यार, कौन बन गए आप मेरे लिए? डेटर्स. तो मैंने आपको एक मोबाइल बेचा, उसके बदले आप मुझे 50,000 दोगे, पर क्या ये 50,000 आप मुझे अभी दे रहे हो कि एक महीने के बाद दोगे? एक महीने के बाद दोगे. तो आप मेरे डेटर बन गए, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ. अब डेटर, क्या एक महीने बाद ये 50,000 के अपने आप मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? क्या 50,000 का 52 हो जाएगा क्या? क्या 50,000 का 49 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा क्या डेटर के ऊपर? हैं, क्या डेटर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? हैं, क्या अपने आप डेटर की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी क्या? नहीं. Until unless तुम भाग नहीं जाते, until unless bad debt नहीं हो जाता, मुझे मेरे पैसे पूरे मिलेंगे. तो इसका मतलब पूरे एक महीने इसकी वैल्यू क्या थी? फिक्स, डिटर्मिनेबल. उसी दिन से मुझे पता है कि वो उतने का ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला. अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? और नॉन मॉनिटरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है. मतलब बिल्डिंग मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, सॉफ्टवेयर धीरे धीरे यूज करते करते वैल्यू गिरती जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स मार्केट में वैल्यू चेंज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मार्केट में वैल्यू चेंज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कहीं से आवाज आई थी मार्केट में वैल्यू चेंज हो जाएगी. आया समझ में कि नहीं? इनको कहते हैं गुडविल. अगर आपने गुडविल को रिकॉर्ड किया है तो भी गुडविल, ये वैल्यू धीरे धीरे कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. गुडविल धीरे अच्छा काम करेंगे और बढ़ जाएगी गुडविल, काम बुरा करेंगे तो गुडविल गिर जाएगी. पर यह क्या हर बार सेम रहेगी? क्या ये सारी की सारी असेट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है? अरे आवाज तो निकल नहीं रही तुम लोगों, क्या करोगे तुम लोग, पढ़ोगे कैसे यार? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी मन की भावनाएं जो यहां से निकल रही हैं वो वहां तक और वहां तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं? नहीं पहुंच पा रही हैं. ढीलों क्या कर रहे हो यार? फर्स्ट डे है, ऐसा गंदा इंप्रेशन मत डालो क्लास के अंदर. तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं हमें. 41,000 में से तुम लोग हो, 41,000 में से पास हुए हो तुम लोग, हो यार चुनिंदा लोग हो. 30% मतलब हर 10 लोगों में से तुम लोग यहां पर 3 लोग बैठे हो. तो इंस्टीट्यूट ने सोच समझ कर ही तुम्हें यहां पर भेजा है इंटर में, और ऐसे ढीलों को भेजा है यार, इंस्टीट्यूट को भी बुरा लग रहा होगा, अरे ढीलों को भेज दिया. हाँ सच बताओ, खाना नहीं खाया था आपको? टाइम नहीं मिला था खाना खाने का? किस किस बच्चे ने खाना नहीं खाया? हाथ अच्छे से ऊपर करना, ऐसे टूंडो की तरह क्यों ऊपर कर रहा है वो? अलग ही बिल्कुल जाए देवन टाइप. हाँ ऐसे, हाँ ऊपर करना हाथ ऊपर. हाँ किस किसने खाना नहीं खाया? ऑलराइट, ऑनलाइन में से किस किसने खाना नहीं खाया? तुम लोग ऑनलाइन वाला हट, मम्मी का खाना खा रहे हो तुम लोगों से मैं क्यों पूछूं? हाँ ऑलराइट, और तुम लोगों ने खाना नहीं खाया बेटा? क्यों नहीं खाया? टाइम नहीं मिला. अच्छा किसके साथ बिजी थे? 45 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं तो अच्छे से खाना खाना चाहिए. हाँ अच्छा, तेरे को डर लग रहा है गाली मिलेगी. ऑल राइट, ये एक शीट है उसमें आपको अपना ही नाम लिखना है और अपना ही नंबर लिखना है. सर हमसे ये क्यों बार बार भरवा रहे हो? जरूरी है बेटा,
है ना, बहुत जरूरी है बेटा, हमारे लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो प्लीज़ कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर ये आए फॉर्म तो अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखिए। सही लिखोगे तो ही ग्रुप में आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे, गलत लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और ग्रुप में आ जाएगा। तो ये उसी लिए ज़रूरी है ये उसी लिए ज़रूरी है ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाए। आपका व्हाट्सएप नंबर लिखोगे तो ज़्यादा सही है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मत लिखना प्लीज़, है ना, नहीं तो बेवजह शुभम सर के पास चला जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ वही हैप्पीली मैरिड बंदा नहीं है ना वो। सो मॉनिटरी मतलब ऐसा कोई भी आइटम, ऐसा कोई भी असेट जिसका वैल्यू, थोड़ा तेज बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी बेटा, जिसका वैल्यू, एक दूसरा टर्म बोला था डिटर्मिनेबल, क्या बोला था, डिटर्मिनेबल है, फिक्स है या फिर डिटर्मिनेबल है। और नॉन मॉनिटरी मतलब, अब डेफिनेशन में उसको बोला गया है नॉन मॉनिटरी मतलब एनी आइटम विच इज अदर देन मॉनिटरी। अब उसमें फ्लक्चुएटिंग वर्ड यूज नहीं किया गया पर अपन अपने इंटरप्रिटेशन के लिए फ्लक्चुएटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, पर लिखने के पर्पस से एनी असेट विच इज अदर देन मॉनिटरी इज अ नॉन मॉनिटरी। जैसे कि जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, क्या बिल्डिंग की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बोलो हाँ या ना। क्या सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, इन सबकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सब होता है नॉन मॉनिटरी। अब मेरे साथ लिखेंगे प्लीज सब लोग, मॉनिटरी असेट्स, मॉनिटरी असेट्स। ठीक है, मॉनिटरी असेट्स। एक बच्चा बोल रहा है पर सर प्रोविजन फॉर डेटर्स भी तो बनाते हैं। बेटा प्रोविजन फॉर डेटर्स असेट होता ही नहीं है, प्रोविजन फॉर डेटर असेट होता ही नहीं है, हम बात करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। पर अभी ना अपने दिमाग को ना बोलो कि भाई आन दे, जो भी बता रहा है सामने वाला आने दे, आने दे, रोक मत उसको, एंट्री दो अपने दिमाग में ना, दरवाजा खुला रखो, एंट्री दो, जो भी चीजें पूछी बताई जा रही है अपने दिमाग में वो एक्सेप्ट करो। नो डाउट, डाउट किसको नहीं होता यार, डाउट तो सबको होता है। और बेसिक्स में तो मैं आपको बताऊं ज्यादा से ज्यादा डाउट बेसिक में ही आता है, क्योंकि हमें ये रियलाइज होने लगता है कि अच्छा हम तो कुछ और ही पढ़ के आए थे, अब तो हम इससे पूछेंगे, और जरूरी भी है। अगर मैं आपको बेसिक्स ना ही पढ़ाऊं, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊं, बेटा देखो ऐसा होता है, ये रूल है, ये स्टेप नंबर वन है, ये स्टेप नंबर टू है, आप बोलोगे ओके, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जो बताया जा रहा है वो सब कुछ नया है, वो तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। पर यहां तकलीफ है क्योंकि ये साला सब कुछ पढ़ के आए हैं, पर यहां साला ये आदमी कुछ और ही बता रहा है तो डाउट तो आएगा ना, कुछ नया ही बता रहा है तो डाउट तो आएगा। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, बट उससे पहले जो आ रहा है उसको पहले आने दो, नॉलेज को पहले एंट्री दो, क्लास के बाद, क्लास के दौरान आप डाउट पूछो। ठीक है, मॉनिटरी असेट, मॉनिटरी असेट मतलब लिखो, सबसे पहले लिखोगे आप कैश, मॉनिटरी असेट मतलब कैश, और एनी आइटम विच इज रिकवरेबल इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। कैश और एनी आइटम विच इज रिकवरेबल, रिकवरेबल पर हाईलाइट, विच इज रिकवरेबल इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे कितना मिलेगा, मेरे को रिकवरी फिक्स है, या तो वो आइटम कैश है तो मेरा फिक्स है, कैश मेरे पास ही पड़ा है, कैश बैंक बैलेंस के रूप में भी हो सकता है, तो कैश जब मैंने लिखा तो इट इंक्लूड्स बैंक, जब मैंने कैश लिखा तो इट इंक्लूड्स बैंक। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, चलो बताओ, फिक्स डिपॉजिट मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए का मैंने 5 लाख रुपीज का मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है, एक साल बाद मुझे 5 लाख 16,500 रुपए मिलेगा,
मॉनिटरी, फिक्स डिपॉजिट इज अ मॉनिटरी आइटम, क्या इसकी मार्केट में अपने आप वैल्यू चेंज होगी क्या? फिक्स डिपॉजिट जो मैंने आज किया है, बैंक ने मुझे बोल दिया हम आपको इतने परसेंट पर पैसा देंगे वापस, मेरा परसेंटेज फिक्स है। अब अगर सरकार का आरबीआई रेट चेंज हो गया, मेरे एफडी को वो चेंज नहीं कर सकता, मेरा एफडी फिक्स हो गया वहीं पर। समझा कि नहीं समझा? अगर बाद में आरबीआई ने अपने रेट चेंज किए, बैंक ने अपने रेट चेंज किए, तो वो नई किसी एफडी करवाऊंगा तो उस पर अफेक्ट होगा, पर जो मेरी एफडी बन गई 7% पे 7% पे वो अफेक्ट नहीं होगी। मेरे को मेरा पैसा फिक्स मिलने वाला है विद 7% इंटरेस्ट। कुछ आया समझ में कि नहीं? सो इट इज माय फिक्स डिपॉजिट मतलब मॉनिटरी। सो कैश मतलब बैंक बैलेंस मतलब डिपॉजिट्स, और एनी आइटम विच इज, चिल्ला के बोलो नलायकों, रिकवरेबल इन फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। अब नीचे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल सच एज डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल्स, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सर म्यूचुअल, एक बच्चे का डाउट आया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऑनलाइन में आया है, सर म्यूचुअल फंड क्या होता है, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? उससे पहले म्यूचुअल फंड, एनी मडी म्यूचुअल फंड, नाम सुना है? मैं नाम बोल रहा हूं, पता है नहीं पता छोड़ दो, भाड़ में जाए, नाम सुना है? हाँ, म्यूचुअल फंड, टेल मी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी? अच्छा बेटा मैं पता करता हूं, हाथ ऊपर कर रहा, मॉनिटरी, कितने बच्चे बोल रहे हैं मॉनिटरी? एक बच्चे ने यहां से उठाया वापस नीचे कर लिया, मम्मा कोई आया ही नहीं, ओई मां। अच्छा हाँ नॉन मॉनिटरी, ऑल राइट ठीक है सर, डेफिनेटली यस, वहां से दो तीन बच्चों ने उठाया था दम दिखा के, बट मैं बता दूं म्यूचुअल फंड नॉन मॉनिटरी होते हैं, म्यूचुअल फंड आर मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट से अटैच्ड होते हैं, मार्केट में चेंजेस होंगे, शेयर मार्केट के बदलाव होंगे, है ना, इंडेक्स में चेंजेस होंगे, क्या बोलते हैं निफ्टी बढ़ेगा गिरेगा तो वो म्यूचुअल फंड में चेंजेस होंगे, म्यूचुअल फंड गोल्ड से रिलेटेड होगा तो गोल्ड की वैल्यू में चेंज होगा तो म्यूचुअल फंड में चेंज होगा, म्यूचुअल फंड अगर किसी डिबेंचर पे रिलेटेड होगा तो डिबेंचर की वैल्यू चेंज होगी तो म्यूचुअल फंड चेंज होगा। आया समझ में कि नहीं? म्यूचुअल फंड मतलब एक तरीके से इक्विटी शेयर का छोटा भाई, मैं बाद में बात करूंगा आपसे म्यूचुअल फंड की, पर म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी शेयर के जैसा, उसका छोटा भाई, ये मान लो। चलो तो सच एज डेटर्स बिल्स रिसीवेबल्स एफडी, अब लिखो नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी असेट्स, एनी असेट अदर देन मॉनिटरी असेट इज अ नॉन मॉनिटरी असेट सच एस, बच्चे बताएंगे तो मजा आएगा, सच एस, आप लोग बताओगे तो अच्छा लगेगा, बोलो, बिल्डिंग, मशीन, लिखूं कि नहीं लिखूं, मशीन मशीन क्या हमेशा पड़े पड़े सेम रहेगी कि धीरे वैल्यू कम हो सकती है? मशीन हाँ, और गोल्ड, ओके गोल्ड, अच्छा अच्छा किसी ने इन्वेंट्री वर्ड यूज किया मुझे सुनाई दिया, इन्वेंट्री स्टॉक, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? इन्वेंट्री स्टॉक, वेरी गुड, नॉन मॉनिटरी स्टॉक, स्टॉक ब्रैकेट में इन्वेंट्री, नॉन मॉनिटरी क्यों सर? भाई वैल्यू के चेंज हो सकती है डेफिनेटली, मान लो आपका इन्वेंट्री डेड स्टॉक बन गया तो नहीं बिक रहा मार्केट में, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड कम हो गई तो सस्ता बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो वैल्यू भाई कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अरे तुम लोगों ने तो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई पढ़ा रे, अरे डिमांड सप्लाई पढ़ा है ना, तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू तो प्लस माइनस हो सकती है। ऑल राइट, बिल्डिंग मशीन गोल्ड स्टॉक, हाँ और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो सर, लैंड 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 लैंड, ओके किसने लैंड लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, और बोलो गुडविल, गुडविल वेरी गुड वेरी गुड, ऑल राइट और बोलो इक्विपमेंट, बेटा मशीन में आ गया, ऑनलाइन इक्विपमेंट मशीन में आ गया, शेयर्स वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट इन, लिख रहा हूं वही लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स ऑब्लिक म्यूचुअल फंड्स और डिबेंचर्स,
कमोडिटीज, गोल्ड आ गया ना बेटा ऊपर, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड इज अ कमोडिटी, और एनी अदर कमोडिटी, सिल्वर कुछ भी कमोडिटी आ गया, सब कुछ वो आ गया। हाँ हाँ, एक बच्चे का डाउट आया, मजेदार डाउट है और मुझे लगता है इसमें अटकोगे। ऑनलाइन से आया, सर कहाँ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस बताओ क्या होगा, डाउट है बच्चे का, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस सर असेट होती है, हम पढ़ के आए थे फाउंडेशन में, यहाँ डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होंगे तो वो भी पढ़ के आए होंगे। सर प्रीपेड इंश्योरेंस है वो बताओ क्या होता है, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, चलो हाथ सब हाथ से ऊपर बात करते, कितने बच्चे बोल रहे हैं मॉनिटरी, अरे वाह भाई, भाई साहब कितने बच्चे बोल रहे हैं नॉन मॉनिटरी, ओके इसने वापस कितने बच्चे बोल रहे नॉन मॉनिटरी, ऑल राइट। तो पहले मैं नॉन मॉनिटरी, क्यों नॉन मॉनिटरी क्यों बोल रहे हो बेटा, नॉन मॉनिटरी क्यों, हिंदी में बोलेगा क्या हाँ? वो क्लेम होता है मेरे बच्चे, मैं प्रीपेड इंश्योरेंस बोल रहा हूं, मतलब प्रीमियम मैंने प्रीपे किया है, प्रीमियम अमाउंट। मान ले हर साल मेरे को मशीन का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, उसका 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ता है, और जो इंश्योरेंस की डेट होती है लेटेस्ट से 1 जून से 31 मई, 31 मई तक होती है, कहां से कहां तक, 1 जून से 31 मई। तो करंट ईयर में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट्स इट। तो करंट ईयर का मैंने कितना पे किया, मैंने 10 महीने का, और उसके बाद अगले साल मैंने कितने महीने का ऑलरेडी पे कर दिया, 2 महीने का, अप्रैल और मई, जो मैंने जो 2 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से ही पे कर दिया उसको आज मैं असेट बोल रहा हूं, क्योंकि वो अगले साल का है और अगले साल में मुझे उसके बदले बेनिफिट मिलेंगे 2 महीने का, तो वो वाला प्रीमियम चल रहा है। मैं क्लेम की बात नहीं कर रहा हूं, तू मुझे एग्जांपल दे रहा है, वो क्लेम की बात कर रहा है, नॉन मॉनिटरी की मॉनिटरी, पहले ये बता मॉनिटरी। हाँ तो मैं अभी उसी पे हूं, डाउट उसी में है, नहीं नहीं तो अभी रुक, पहले ये बात चल रही है यार। हाँ और कोई बोलेगा नॉन मॉनिटरी क्यों बोल रहे हो आप, नहीं नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी फिक्स होता है बेटा, लिखो देखो ना क्या लिखवा है, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस पूछा मैंने, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, तो मतलब नॉन मॉनिटरी मतलब फिक्स नहीं है, दीदी को डाउट है पर दीदी को ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे डाउट क्या है। दीदी आप पहले तो 5 मिनट बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, इसको पानी पिलाओ रे, हाँ उसके बाद मैं आता हूँ दीदी आपके पास। हाँ यस, तो मैं आपको बता दूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने एक प्रीमियम पे किया है जो कि अगले 2 महीनों का है, नेक्स्ट ईयर के 2 महीनों का है, करंट ईयर के 10 महीनों का और अगले साल के 2 महीनों का है। तो अगले साल के 2 महीने का है मतलब मेरे को, मैंने अगले साल का पे किया है तो वो मेरे लिए असेट बन गई, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2 महीने का बेनिफिट मिलने वाला है, मेरे को इंश्योरेंस हो रहा है मेरा, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए मॉनिटरी ही है, वो फिक्स है, क्योंकि वो जो प्रीमियम मैंने 2 महीने का पे कर दिया अप्रैल और मई का। एक काम करो ना, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, हाँ सर है पर सुबह से किसी ने बोला ही नहीं है सर, हाँ अच्छा हुआ आपने कैलकुलेटर का, नारियल फोड़ेंगे सर अभी अपन कैलकुलेटर के ऊपर, कुछ तो किसी ने तो याद किया हमारी चीज को। हाँ बेटा निकालो कैलकुलेटर, निकालो निकालो बेटा निकालो, हाँ प्रीमियम आपने पे किया 1,20,000, प्रीमियम पे किया आपने 1,20,000, ठीक है ना, करंट ईयर का 10 मंथ का और नेक्स्ट ईयर का 2 मंथ का, तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर का कितना हुआ प्रोपोर्शनेट, 1,20,000 इज अ प्रीमियम फॉर 12 मंथ्स, जिसमें से करंट ईयर के 10 मंथ्स आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के 2 महीने आ रहे हैं, तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर के जो 2 महीने हैं उसका अमाउंट कितना, 20,000, कितना अमाउंट 20,000, आपकी भाषा में, एंट्री की भाषा में। मैं एंट्री करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं रफ में कर रहा हूं ऐसे ही, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 1,00,000, जो कि 10 महीने का है, और 2 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि बेसिकली ब्रैकेट में लिख रहा हूं असेट है, क्योंकि अगले साल की असेट अगले साल काम आएगी, अगले साल को मेरा प्रीमियम पहले मैंने पहले से चुका लिया, तो ये डेबिट 20,000 टू बैंक,
या कैश, वॉट एवर, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने ये एंट्री कर दी, तो हम बात कर रहे हैं इसकी। ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, ये तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो पीएनएल में जाता है, तो असेट की ना तो बात ही नहीं आती इस पे। बात किस पे आती है? बात आती है इस पे। अब मुझे बताओ, मैंने जो 2 महीने का इंश्योरेंस पहले से ही पे कर दिया है, क्या अप्रैल में जब अगले साल पहुंचूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगी मुझे कि सरप्राइज 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 आपका इंश्योरेंस बढ़ गया, यू हैव टू पे 5,000 मोर। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? ना यार, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं आपने पे कर दिया है, हम उसके प्रीमियम में चेंजेस नहीं करेंगे। डेफिनेटली जब आपका ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा, मतलब आपका जो ये इंश्योरेंस 12 महीने खत्म हो जाएंगे, अगले साल हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगले साल का प्रीमियम आपका कुछ और हो सकता है, पर आपका अप्रैल मई का अगले साल का प्रीमियम यही है, आपको कुछ और पे करने की जरूरत नहीं है, दिस इज फिक्स फॉर यू। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? सो दिस इज द रीजन, इट इज मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? इट इज मॉनिटरी। आते हैं आपके डाउट पे, आता हूं भाई। कंटिजेंट एसेट बैलेंस शीट के बाहर का आइटम है, तो मुझे 2 मिनट पहले उस पर समझाना पड़ेगा बच्चों को, तब अपन आएंगे। रुक जा, तेरा डाउट थोड़ा सा अलग हो गया, तो अपन उस पर आएंगे। फॉरेन करेंसी 100% नॉन मॉनिटरी। हाँ तो सुनो, करेंसी उसकी खुद की, जैसे डॉलर है, मेरे पास आज मान लो $10 रखे हैं, तो डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? नॉन मॉनिटरी। पर अगर वो इंडियन रुपी में मेजर करूं तो वो नॉन मॉनिटरी हो जाएगा, पर फिर भी मैं उसको क्या बोलूंगा? मॉनिटरी है, क्योंकि वो डॉलर के उसकी खुद की करेंसी में वो उतना ही है, $10। आया समझ में कि नहीं? तो अगर तूने एज अ करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वैल्यू तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्चुएट रहेगी, पर अगर तूने इन्वेस्ट नहीं किया है, तूने अपने पास रखे बैठा है तू उसको, आया बार समझ में कि नहीं? इन्फ्लेशन होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला ना, अगर तू इंडियन रुपी में उसको वैल्यू कर रहा है तो, अरे बाबा जी, डॉलर की वैल्यू इंडिया में कम हो जाएगी पगले। डॉलर यहां पर तेरे पास 10 रुपए रखे हैं, चल जैसे अमेरिका में गोरों के पास डॉलर है, तो यहां पर हमारे पास क्या है? रुपया। यहां पर तेरे पास 100 रुपए का नोट रखा है, 100 रुपए का नोट रखा है। अब न्यूज में आया भारत में भारी इन्फ्लेशन, तो ये 100 रुपए का नोट अपने आप क्या 50 रुपए का हो जाएगा क्या? वैसे ही वो गोरे के पास जो नोट है $10 का, तो क्या $10 का नोट अपने आप क्या $5 हो जाएंगे क्या? इन्फ्लेशन भले आ जाए, पर वो मनी टर्म्स में तो फिक्स है ना, $10 का $10 ही है ना। आप उसमें क्या कर रहे हो? आप उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड कर रहे हो। मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो जितना पड़ा है वो उतना ही रहेगा, ऐसा। मैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो तुम मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो, मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सी ए फाउंडेशन। यस, एक और डाउट पूछूं? एक और डाउट, एक सेकेंड, मेरे को एक वर्ड आ रहा है, पूछूं डाउट? शेयर कैपिटल मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? शेयर कैपिटल मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी है ना? आराम से सोचो, आराम से सोचो। यस, बोलिए, शेयर कैपिटल मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? हाँ, मॉनिटरी फिक्स। बहुत लोग उलझते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं पूछ लेता हूं। बहुत लोग उलझते हैं शेयर कैपिटल में, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी। कितने बच्चे बोल रहे हैं मॉनिटरी? ऑलराइट, कितने बच्चे बोल रहे हैं नॉन मॉनिटरी? शेयर कैपिटल इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, शेयर कैपिटल इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो शेयर ना, अल्टीमेटली वो है तो शेयर ना, तो कंपनी का जो शेयर है वो कंपनी के शेयर की वैल्यू बाजार में कभी भी बदल सकती है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम यहां पर वैसे भी उसको क्या बोल के आ रहे थे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तुम क्या बोल रहे थे? नॉन मॉनिटरी। अब जो इशूअर कंपनी है, इशूअर, इशू करने वाली कंपनी है, उसके लिए भी नॉन मॉनिटरी है, क्योंकि उस कंपनी ने शेयर इशू तो किया है,
क्या पता उस शेयर की वैल्यू उतनी रहे, उससे ऊपर हो जाए, उसके नीचे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है मार्केट में। पर सर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो शेयर कैपिटल वही अमाउंट लिखा है। वो तू चेंज नहीं कर रहा, वो तेरी गलती है। पर शेयर कैपिटल की मार्केट में वैल्यू बदलेगी। सर इसमें ना मेरे को एक डाउट जो बच्चों के मन में आ सकता है वो मेरे मन में आ रहा है कि सर आप शेयर कैपिटल को बोल रहे हो नॉन मॉनिटरी, पर ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, यहां शेयर कैपिटल लिखा है। सुनो डाउट है इंपॉर्टेंट, ऐसे फालतू बातें मत करो। सर शेयर कैपिटल है, सर ऐसे लिखा है 10,000 नंबर्स ऑफ 10 ईच, तो सर ये 1 लाख हो गया। और सर हमने जब भी पढ़ा था तो ये हमें बताया गया था कि 10 रुपीज जो होती है वो फेस वैल्यू होती है। सर फेस वैल्यू तो 10 रुपए की 10 रुपए, वो तो चेंज ही नहीं होगी सर, मल्टीप्लाई बाय 10,000। सर आप गलत बोल रहे हो, ये तो मॉनिटरी हुआ सर, ये तो बदलेगा ही नहीं। मेरा काम पढ़ाना तो है, पर मेरा काम आपके दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको साफ करना भी है। तो पहले कन्फ्यूजन डालूंगा तो ही साफ कर पाऊंगा। कन्फ्यूजन ही नहीं डालूंगा तो आपको फिर रटना पड़ेगा। सो मैंने आपके सामने एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। सर शेयर तो मार्केट वैल्यू चेंज होगी। अब सुनो अपन इसमें मैं एक और कन्फ्यूजन डाल रहा हूं, जितना झेल सको झेल लो, ध्यान से सुनना। सर अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी समझते हैं सब लोग, हाँ क्या मतलब, क्या जो स्टॉक मार्केट में उसने अपने शेयर्स को लिस्ट करवाया है, मतलब वो चाहती है कि बाजार में हमारे शेयर पर खरीदी बिक्री हो सकती है, लोग कर सकते हैं, ये क्लियर है सबको? ओके तो अगर ये लिस्टेड कंपनी का शेयर है तो तुम लोगों को डाउट ज्यादा नहीं आएगा। तुम बोलोगे हाँ यार भले ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 है, पर मार्केट में तो ये लिस्टेड कंपनी का शेयर है ना, मतलब उसकी मार्केट में तो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होगी, बोलो हाँ या ना? तो डेफिनेटली अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो उसके तो अगर तुम थोड़ा सा कोरिलेट करके देखो कि हाँ यार मैं तो लिस्टेड कंपनी हूं तो मेरा शेयर भले बुक में 10 रुपए का दिख रहा है पर मार्केट में तो 100 रुपए का है, आज अगले दिन 101 रुपए का हो गया, परसों 98 का हो गया, ये फ्लक्चुएट तो कर रहा है। अरे बोलो ना। पर सर मेरे को डाउट पता है क्या है कि अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी कौन? एक तरीके से प्राइवेट कंपनी जिसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट, मतलब वो खरीदी बिक्री मार्केट में नहीं करवाना चाह रही, ठीक है ना? तो अनलिस्टेड कंपनी है। सर मेरे को डाउट यहां है, अनलिस्टेड कंपनी का सर कोई मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है, तो सर वो तो फिर फिक्स हो गया ना सर। ये मैंने आपके मन में एक डाउट पैदा किया है, या हो सकता है किसी के मन में पहले से ही डाउट आ जाए, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि हां ऐसा हो, शायद तुम घर जाके सोच सकते थे, तो मैं अभी के अभी तुम्हारे सामने यह सिचुएशन बता रहा हूं। अब भी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, तुम इसको क्या बोलोगे, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? कितने बच्चे बोल रहे हैं मॉनिटरी, कितने बच्चे बोल रहे हैं नॉन मॉनिटरी, बाकी बच्चे? ना इधर ना उधर तो किधर? सर ना शेयर कैपिटल ने ना हमें परेशान कर डाला, तो हम पता नहीं सर, हमें ही नहीं पता। हाँ मॉनिटरी है, ठीक है। कंपनी के पास पैसा फिक्स अमाउंट में आ गया, हाँ तो नेटवर्थ किसको बोलते हैं? नाम सुना है नेटवर्थ किसको बोलते हैं? नेटवर्थ ऑफ द कंपनी सुना है, या नेटवर्थ की जगह और कौन से वर्ड्स होते हैं? नेट असेट्स। चलो आपने ही मुझे एक पॉइंट दे दिया बेसिक्स का कि मुझे नेटवर्थ पे भी बात करनी है, है ना? नहीं बल्कि मुझे पॉइंट मिल गया, वेरी गुड, मुझे पॉइंट मिल गया कि नेटवर्थ पे मुझे बात करनी पड़ेगी अभी। तो बॉस ऐसा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं शेयर कैपिटल को कह रहा हूं कि ये नॉन मॉनिटरी है,
मैं अपने आंसर को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले सिंपल बेसिक्स में कि सर ये नॉन मॉनेटरी क्यों है, क्योंकि बेटा शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। द सिंपल रीजन इज शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। अब थोड़ा सा डीप में जाए, सर फ्लक्चुएट होती रहती है पर सर यहां तो फेस वैल्यू तो वही है, तो मैंने आपको बोला ठीक है लेट्स लिंक इट थ्रू लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो फेस वैल्यू तो नाम की है ना। अगर आज मार्केट में रिलायंस जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज का RIL का एक नया पब्लिक ऑफर आ जाए, रिलायंस बोले हम मार्केट में शेयर इशू कर रहे हैं, और वो बोले कि हम मार्केट में शेयर इशू कर रहे हैं 3,000 रुपए का, आप जानते हो 3,000 रुपए में से 100 रुपए उसकी क्या होगी फेस वैल्यू, और 2,900 रुपए 9,900 उसका क्या होगा प्रीमियम। वो आपसे प्रीमियम मांग रही है आज के दिन के हिसाब से। और अगर वो ऑफर पब्लिक में चला गया 3,000 रुपए का, और अगर आप शेयर उसका खरीद नहीं पाए और बाद में मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो हो सकता है वो 3,000 का कितना हो जाए 3,200। तो स्टिल फेस वैल्यू कितनी है, बोलो बोलो फेस वैल्यू कितनी है, पर प्रीमियम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बोलो बेटा प्रीमियम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जब आप इस शेयर कैपिटल को नेटवर्थ से कंपेयर करोगे, मार्केट के तो कंपनी की टोटल औकात के हिसाब से देखोगे, तो बुक वैल्यू तो सिर्फ 10 रुपए है, पर अगर ओवरऑल कंपनी की औकात के हिसाब से अगर आप उसको जज करोगे तो ये शेयर कैपिटल की वैल्यू तो बदलती रहेगी ना। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं। दूसरा सर अनलिस्टेड है, तो बेटा आपको बता दूं अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी निकलती है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं, वैल्यूएशन का जो कोर्स करते हैं जैसे हम सीए लोग होते हैं, वैसे ही जो सर्टिफाइड वैल्यूअर्स होते हैं वो कंपनी के अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर की भी वैल्यू निकालते हैं। सर वो लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे यहां उनके लिखे हैं असेट्स, वो लोग असेट की मार्केट वैल्यू ढूंढते हैं, और यहां लिखे हैं उसके लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की भी मार्केट वैल्यू या फिर पेबल वैल्यू माइनस करते हैं। जब वो असेट में से लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस करते हैं तो अल्टीमेटली कंपनी की नेटवर्थ निकलती है। और वो जो नेट, मुझे समझाने तो दे, हाँ मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दूं, जब मैं समझा रहा हूं ना तो प्लीज बीच में हाथ ऊपर मत करो, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं, वो इरिटेटिंग लगता है मुझे, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर मैं बात करूंगा उस पर, है ना। तो जब हम असेट की टोटल मार्केट वैल्यू में से लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू और पेबल वैल्यू माइनस करते हैं तो कंपनी की औकात निकलती है, कंपनी की नेटवर्थ निकलती है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज में इंटरेस्टेड हो तो आपने सुना होगा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू डाउन हो रहा है। ये कैसे आता है मार्केट वैल्यू, ऑल असेट माइनस ऑल लाइबिलिटी करके। जब असेट बदल सकते हैं, लाइबिलिटीज बदल सकती हैं, तो अपने आप कंपनी की नेटवर्थ बदलती है। और कंपनी की नेटवर्थ में क्या क्या आता है, या तो कान ऐसे पकड़ो असेट माइनस लाइबिलिटी, ये असेट माइनस लाइबिलिटी, या तो कान सीधा पकड़ो, मतलब आप या तो असेट माइनस लाइबिलिटी करो या तो कान सीधा पकड़ो कि शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व सेंसर प्लस, तो ये भी तो नेटवर्थ ही हुई ना ओवरऑल। तो मैंने बोला कि कान ऐसे पकड़ो या कान सीधा पकड़ो, नेटवर्थ वही होगी जो एक्चुअली आप किसी भी तरीके से निकालो। तो नेटवर्थ का मतलब होता है या तो ऑल असेट माइनस लाइबिलिटी, तो असेट लाइबिलिटी की वैल्यू बदलेगी तो आपकी नेटवर्थ बदलेगी, या फिर नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, तो अगर वो बदला तो अपने आप आपकी नेटवर्थ बदल जाएगी। कुछ आया समझ में कि नहीं। सो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल इज कनेक्टेड टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, उसको अगर मार्केट से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो आपको बस ये अपने दिमाग में सोचना है कि यार शेयर कैपिटल बुक्स में तो 10 रुपए का है, पर क्या वाकई में जो मैंने 10 साल पहले ये शेयर इशू किया था 10 रुपए के हिसाब से, क्या आज भी ये शेयर 10 रुपए का ही है? क्या 10 साल में मैंने कोई काम नहीं किया? क्या 10 साल में मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ? क्या 10 साल में मेरी कोई कंपनी की क्या वैल्यू बढ़ी नहीं? क्या तो देखा जाए तो मार्केट से रिलेटेड इस शेयर की मार्केट में वैल्यू ज्यादा होगी। आया समझ में कि नहीं? एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा। श्रीधर इधर आजा आजा आजा। यश मान लीजिए ये श्रीधर है, ये मान लीजिए नहीं ये है श्रीधर, हाँ, और ये यश है, इन दोनों ने मिलकर कंपनी ओपन की। नई नई कंपनी जब ओपन करते हैं तो कंपनी की वैल्यू जीरो होती है क्योंकि आपकी कंपनी न्यू है,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10,000 शेयर में से 5,000 शेयर इन्होंने अपने पास रखे और 5,000 इन्होंने अपने पास रखे. दीज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तू दिख नहीं रहा है. हाँ, दीज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. उधर हो जा. हाँ, 5,000 इन्होंने अपने पास रखे, 5,000 इन्होंने अपने पास रखे. शेयर होल्डर है मतलब मालिक लोग हैं. मालिक लोग हैं मतलब इनको पैसा लाना है कंपनी के अंदर. कंपनी के अंदर पैसा कैसे लाते हैं, कैपिटल लगा के. तो कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए. तो 50,000 रुपए ये लेके आ गए. इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? इन्होंने अपनी कंपनी में 10 साल तक काम किया. 10 साल तक इन्होंने अपनी कंपनी में काम किया. वो कैपिटल जो उस टाइम पे उन्होंने 1,00,000 रुपए का लगाया था, बुक्स में तो वो 1,00,000 ही दिख रहा है, पर बैलेंस शीट में ग्रोथ होती रही. असेट्स लाइबिलिटीज बदलते रहे. इनके बिजनेस में प्रॉफिट्स आते रहे. अब ये लोग मुझे एंट्री दे रहे हैं. मैं इनकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता हूं. ये लोग मुझे एंट्री दे रहे हैं क्योंकि इनको और पैसा चाहिए, इनको और कैपिटल लगवाना है. तो मैं बोल रहा हूं, 5 तुम्हारे पास, मेरे को भी 5 दे दो, मेरे को भी 5,000 दे दो, वही 10 रुपए के हिसाब से. तो ये लोग क्या मेरे को वो शेयर 10 रुपए का इशू करेंगे? ये बोलेंगे, सर 10 साल तक मेहनत की है हमने. हमने जब कंपनी शुरू की थी तो हमारी कंपनी 0 की थी. जा सकते हो बेटा आप. हमने जब कंपनी शुरू की थी तो कंपनी 0 की थी, तो उस टाइम पे हमने हमारा फेस वैल्यू जो भी था वो इशू कर दिया. पर आज ये 5,000 का शेयर हम जो आपको इशू करेंगे, ये 5,000 का शेयर आपको 10 में इशू नहीं करेंगे, हम ये आपको इशू करेंगे 80 रुपए का. मान लो कैसे भी आ गई वैल्यू 80 रुपए का, जिसमें 10 रुपए तो वही फेस वैल्यू है, पर 70 रुपए हम आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम मांग रहे हैं, वो 10 साल के जो हमने मेहनत की है. आप तो 11वें साल में एंट्री मार रहे हो और एंट्री मारते साथ आपको क्या शेयर मिल जाएगा 10 रुपए का? ये क्या हुआ? तो आपसे हम आज 80 रुपए ले रहे हैं और 70 रुपए हम आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं. तो मुझे आज वो शेयर कितने का इशू किया गया? 80 रुपए का. कुछ आया समझ में कि नहीं? तो लॉजिकली वो शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू 10 रुपए का था, उसको मार्केट से अगर कनेक्ट करो तो क्या आज भी वो शेयर कैपिटल जो 10 रुपए का था उनके टाइम पर, क्या मार्केट में आज भी 10 रुपए का है? कितने का हो गया? 80 रुपए का. तो वैल्यू बदली कि नहीं बदली? तो वैल्यू बदलती रहती है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. तो शेयर कैपिटल एक ऐसी चीज है जिसको आपको मार्केट से कनेक्ट ही करना पड़ेगा और आपको मार्केट ओरिएंटेड देखना पड़ेगा कि हाँ यार उसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो रही है. और वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है तो इसीलिए वो मैंने क्या बोला, नॉन मॉनिटरी. क्या बोला बेटा मैंने? तो जो आपको मैंने नॉन मॉनिटरी के एग्जांपल्स लिखवाए हैं उसमें शेयर कैपिटल को ऐड कर दीजिए. नाउ हेयर आई एम ओपन फॉर डाउट्स. कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी को डाउट है, आपको शायद डाउट था, है ना? आई एम ओपन फॉर डाउट्स. अगर किसी को डाउट का दिक्कत है तो मैं डेफिनेटली 5 मिनट इस पे दे सकता हूं और 5:30 बजे के बाद मैं यहां पर फिर से रहूंगा. यस हाँ. कंपनी के पास क्या आ गए? हाँ, 10,000 रुपए आ गए. कंपनी ने 10,000 का क्या किया? क्या किया होगा? असेट खरीदी होगी, इन्वेंट्री खरीदी होगी. तो 10,000 अब बचे क्या कंपनी के पास? कैश बैलेंस बचा क्या कंपनी के पास? अब देख, तेरे ही एग्जांपल को ले रहा हूं, है ना? इसका एग्जांपल ये है कि सर कंपनी आई. आप लिखना मत, प्लीज लिखना मत, लिखने में टाइम वेस्ट कर लोगे तुम लोग. इसका एग्जांपल यह है कि सर कंपनी ने 10,000 रुपए के शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से. एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना बेटा? 1,00,000. ठीक है, इसको बैलेंस शीट में रखते हैं. तुम्हारे हिसाब से टी शेप बैलेंस शीट बना लेते हैं. इसको बैलेंस शीट में यहां कितना रखेंगे बेटा? 1,00,000 इधर और बैंक बैलेंस 1,00,000 इधर. बेटा क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. जस्ट अगले दिन कंपनी ने उस 1,00,000 रुपए की 80,000 की फिक्स असेट खरीद ली, मशीन खरीद ली. 1,00,000 रुपए में से ये बैंक में पड़ा तो नहीं रहेगा, ये तो हम यूज करेंगे. तो जब यूज करेंगे तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 80,000 रुपए का मशीन खरीदा और 20,000 रुपए का इन्वेंट्री खरीदा. तो बताओ एंट्री क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट
मशीन अकाउंट डेबिट कितना 80, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री खरीदा कितना 20,000 टू बैंक, बैंक चला गया बेटा, बैंक चला गया कि नहीं बताओ, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बोलो, सॉरी क्या हुआ भाई, पहले दिन ऐसी बेइज्जती मत करवा, एक सेकंड रुक जा, तू रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, ऑल राइट मम्मा कर, निकाल के मैंने वापस डाला, शायद वो HDMI का टेन है क्या, दो मिनट रुक, वापस नहीं, चलो तब तक मेरा आप एग्जांपल सुनो, अगर आप इमेजिन कर सको तो, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट में क्या क्या डाला था, लाइबिलिटी साइड में मैंने क्या डाला था, शेयर कैपिटल, ठीक है ना, प्लीज मेरे एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, और असेट साइड मैंने क्या डाला था, बैंक बैलेंस, ये जो मैंने मशीन खरीदी 80,000 की और इन्वेंट्री मैंने खरीदा 20,000 था, बताइए बैलेंस शीट में कहां कहां बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, बैंक बैलेंस 1,00,000 का जीरो हो जाएगा, उसके बदले में क्या आ जाएगा, मशीन आ जाएगी, मशीन कितने की आएगी 80 की, और क्या आएगा, इन्वेंट्री कितने का आएगा 20। अब मुझे बताइए मशीन मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है, मुझे बताइए मशीन मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी है, तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कि गिरेगी, बढ़ेगी गिरेगी, क्या मतलब मशीन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, फ्लक्चुएट होगी, हाँ, और इन्वेंट्री क्या है, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, मतलब उसकी वैल्यू भी चेंज होगी कि नहीं होगी, क्या अब मेरे पास यहाँ पर बैंक का बैलेंस रखा है क्या एग्जैक्ट, मैंने बैंक बैलेंस यूज कर लिया, और मैंने बैंक बैलेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन मॉनिटरी असेट में, क्योंकि अब मैंने मशीन वगैरह खरीद ली, आप मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, तो जे मेरा यहाँ कर ये कहना है, जो बच्चे का डाउट है, मेरा ये डाउट कहना है कि आपने जिस दिन शेयर कैपिटल इशू किया उस दिन तो आपके हाथ में 1,00,000 रुपए का एग्जैक्ट पैसा था, पर अपोजिट साइड शेयर कैपिटल था, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट बराबर क्रेडिट, तो तुम जो मुझसे डाउट पूछ रहे हो, तुम वो बैंक बैलेंस को देखकर डाउट पूछ रहे हो शेयर कैपिटल का, पर वो बैंक बैलेंस कहीं ना कहीं तो यूज हो गया, आई मेरी बात समझ में, किस में कन्वर्ट हो गया, मशीन में, इन्वेंट्री में, इंटेंजिबल असेट में, इन्वेस्टमेंट्स में, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो तुम उस चीज को देख रहे हो, और उसका जो क्रेडिट इफेक्ट है वो है शेयर कैपिटल, अब दो अलग अलग आइटम हो गए, एक शेयर कैपिटल आइटम हो गया और एक वो रिस्पेक्टिव जो भी चीज है, कैश है या मशीन है, वो आइटम हो गया, अब तू इसको अलग से डिफाइन कर मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, और इसको तू अलग से डिफाइन कर, तो हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट बराबर क्रेडिट, तो आपको डेबिट का अलग से सोचना है कि वो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी है, और क्रेडिट का भी आपको अलग से सोचना है, कुछ आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऑल राइट, एनीबडी एल्स, यस, अक्रूड इंटरेस्ट, बेटा मेरे हिसाब से वो मॉनिटरी है, अक्रूड इंटरेस्ट मॉनिटरी फिक्स है, बेटा सुन, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, चलो डिफाइन, टेल मी व्हाट इज अक्रूड इंटरेस्ट, कमा लिया मिला नहीं, कितना कमाया, 10,000, कौन से महीने का कमाया, बोल लास्ट मंथ का, मिला नहीं ना, जब मिलेगा तो कितना मिलेगा, फिक्स है ना, फिक्स है ना, अक्रूड मॉनिटरी, एज ऑन डेट देखते हैं, आप बैलेंस शीट किस दिन की बनाते हो, फॉर द ईयर की एज ऑन, एज ऑन, तो आप अर्निंग लेवल पर उसका अगेन वही, इसका जवाब सेम, आप डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट अलग अलग बात करो, अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या की आपने, एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या की आपने,
अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम. इनकम कहां चली गई? पीएनएल में. वो तो बैलेंस शीट का आइटम ही नहीं है, वो तो कोई असेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, उसको छोड़. अब तू किसकी बात कर रहा है? डेबिट वाले की. इंटरेस्ट रिसीवेबल डेटर्स कौन होते? रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल क्या होते? रिसीवेबल. कितना मिलने वाला है? जितने से तूने एंट्री की है. क्या मार्केट में अपने आप वो डेप्रिशिएट होगा क्या? तो इसके हिसाब से इसको 10,000 इंटरेस्ट मिलने वाला है. एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम कहां चली गई? बोलो मेरे भाइयों बहनों, इंटरेस्ट इनकम कहां चली गई? पीएनएल में चली गई. तो पीएनएल में जो आइटम जाता है वो असेट लायबिलिटी नहीं होता है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं. हम तो असेट की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं डेबिट वाले इफेक्ट की. इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिकवरेबल, एक्रूड इंटरेस्ट, नाम कुछ भी बोल दो. अब कितने से एंट्री की तुमने? 10,000 से. वो 10,000 का इंटरेस्ट कौन से महीने का है? लास्ट मंथ का है. तो लास्ट मंथ का जो वो इंटरेस्ट है वो तेरे को अभी मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, तो क्या वो अपने आप मार्केट में फ्लक्चुएट करेगा क्या? नहीं करेगा. सो व्हेनेवर यू लुक इनटू मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, सी द ट्रांजैक्शन फर्स्ट. डेबिट क्या किया, क्रेडिट क्या किया. आप जो बोल रहे हो मैंने तो अर्न कर लिया, तो अर्न कर लिया तो हाँ चला गया ना अर्न करके पीएनएल में. मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं जो तेरे बैलेंस शीट के अंदर बैठा है वो फिक्स है कि वो फ्लक्चुएट होता रहता है उस पर्टिकुलर दिन में. तो उसको क्या बोल सकता है? वो फ्लक्चुएट होता रहता है कि वो फिक्स है. तो एज ऑन बैलेंस शीट डेट मुझे पता है कि मुझे 10 ही मिलने वाले हैं. ना 10 का अपने आप 11 होगा, ना 10 का अपने आप 9 होगा. वो 10 रहेगा, 10 ही रहेगा. दैट इज कॉल्ड इट इज मॉनिटरी. आई बात समझ में? तो चलो भैया लिख लो एक एग्जाम्पल. इन बच्चे का अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने. इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल मॉनिटरी के अंदर लिखोगे दीदी, नॉन मॉनिटरी के अंदर नहीं, मॉनिटरी के अंदर लिखोगे. अक्रूड मुझे बोलने तो फिर से. मॉनिटरी के अंदर लिखोगे इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट रिसीवेबल. हाँ यस. ऑथराइज शेयर कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती, इसीलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे. ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए होता है. आपने पढ़ा था ऑथराइज, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप. तो एंट्री किसकी करते हैं? पेड अप. तो ऑथराइज कैपिटल किताबों में होता है, मतलब वो डिस्क्लोज्ड पर्पस के लिए होता है. उसकी कोई डेबिट नहीं होता, उसका कोई क्रेडिट नहीं होता. मैं अभी जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं? डेबिट और क्रेडिट. हाँ कंपनी का शेयर कैपिटल हम हमेशा फेस वैल्यू पे लिखते हैं, पर जब हम वैल्यू करते हैं किसी कंपनी की, मेजर करते हैं किसी कंपनी की, औकात निकालते हैं किसी कंपनी की, तो उसको मार्केट वैल्यू से करते हैं. तो यहां पर हम जैसे तुम बोलो अभी तुम खड़े ही रहना है ना, तो अभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो घुटनों में दर्द हो जाएगा तो दिक्कत होगी. अरे नहीं, मैं चाहता हूं कि उसके मन में जो एक चल रहा है डाउट वो किसी भी तरीके से क्लियर हो. पर एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि आपका भी वाला भी डाउट अगर वो पूछ रहा है तो आपको भी क्लियर हो जाए. तो अब आप मुझे जवाब दीजिएगा बेटा, बिल्डिंग क्या होती है, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? क्यों क्यों? हाँ डेप्रिशन होता है. वेट वेट, असेट नॉन मॉनिटरी होती है. उसने बोला डेप्रिशन होता है क्योंकि असेट की वैल्यू गिर रही है. पर अगर मैं बोलूं कि डेप्रिशन की वैल्यू मार्केट में तो बढ़ भी रही होगी, तो भी तू बुक्स में तो डेप्रिशन लगा रहा है ना, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर रहा है ना. हाँ अब मुझे बता, बिल्डिंग तूने खरीदी 10 लाख रुपीस की, तूने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपीस की, बैलेंस शीट में कहां दिखेगी? असेट साइड की लायबिलिटी साइड? असेट साइड. सर हमसे पूछ रहे हो, इतना भी नहीं पता आपको? असेट साइड 10 लाख. मैं नहीं लगा रहा हूं डेप्रिशिएशन, नहीं लगाना है, मेरी मर्जी, नहीं लगाना है मुझे डेप्रिशिएशन. पहले साल भी 10 लाख, दूसरे साल भी 10 लाख, तीसरे साल भी 10 लाख. सर हो गई मॉनिटरी. मेरा डाउट है, मेरा डाउट है, नहीं लगाना मुझे डेप्रिशिएशन. टेल मी, बोलो. नहीं एएस एस मत लेके आओ. सर आप ना एएस पढ़ते हो, हम आपको एएस के हिसाब से जवाब देंगे. अरे एएस मत लेके आओ, मुझे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है बिल्डिंग पे. बोलो मैं क्या करूं? मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो 10 लाख ही दिखेगी मेरी बैलेंस शीट में, टैली करके बताऊंगा. तो बैलेंस शीट बनाते वक्त मैंने 10 लाख ही लिखी, क्योंकि इसका सवाल था कि शेयर कैपिटल जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो शेयर कैपिटल तो आप फेस वैल्यू पे ही करते हो ना सर. तो अब मुझे बता कि तू अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा तो बिल्डिंग तो हमेशा तेरी 10 लाख पे लगेगी. तू गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मैं उसका सवाल नहीं पूछ रहा हूं.
तू गलत कर रहा है। मैं गलत कर रहा हूं कि मैं डेप्रेशन नहीं लगा रहा हूं, ये मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने ये तय कर लिया कि मुझे डेप्रेशन नहीं लगाना है तो मेरी बिल्डिंग हमेशा 10 लाख पे दिखेगी, तो इसका मतलब यहां पर क्या बिल्डिंग मेरी मॉनिटरी हो गई? बोलिए, बिल्डिंग मेरी मॉनिटरी हो गई? क्यों मॉनिटरी नहीं हुई? अभी भी नॉन मॉनिटरी क्यों है? क्योंकि आप लोग उसको मार्केट से कनेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है ना सर, आप वो तो गलती कर रहे हो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट ना करके सर, पर मार्केट में तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना सर, आप डेप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम है, पर मार्केट में तो बिल्डिंग फ्लक्चुएट कर रही है ना, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे तो दिखा रहा है, ये तेरा प्रॉब्लम है, पर मार्केट में तो वैल्यू चेंज हो रही है ना। अगर अभी भी नहीं होता ना, मैं तेरे को वहां बिठा, वहां आके तेरे को समझाता कि बट अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत, क्या नाम है आपका? मुस्तफा। बहुत अच्छा है कि बच्चा पूछ रहा है, वो हार नहीं मान रहा, और यहां पर ही मुझे पता है कि यार यही तो पॉइंट है ना, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं चैलेंज से कह सकता हूं कम से कम यहां पर 50-60 लोगों का यह डाउट अब जाके क्लियर हुआ होगा, क्योंकि होता है ऐसा, जरूरी है कि हमें एक डाउट पूछ रहा तो उसके डाउट को सुनना पड़ेगा। तो आई होप आपको अभी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? तो वैसे ही शेयर कैपिटल को मैं फेस वैल्यू पे लिख रहा हूं, पर कनेक्ट मुझे करना है उसको मार्केट वैल्यू से। क्लियर गाइस? ऑल राइट, सो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्लियर है? आगे 2 मिनट बात करूं, अभी आगे बढ़ूं। ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आपको काम आएगा AS 11 में। AS 11 का नाम है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, मैंने लिखना मत, सुन लो बस, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन करेंसी की बातें जब होंगी, किसी ने फॉरेन करेंसी, तुमने ही पूछा था, नहीं रहने दे यार। फॉरेन करेंसी की जब बातें होगी तो ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आएंगी, आपका AS 11 के अंदर ये आएगा। और ध्यान रखना बेटा, जितने बच्चे उस टाइम पर एडमिशन लेके AS 11 पढ़ेंगे ना, आपको मैं बोलूंगा कि बेटा फर्स्ट क्लास में आपको मैंने मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी समझाया था, अब देखूंगा मैं उस टाइम पे कि कितनों को याद रहेगा कितनों को नहीं रहेगा। एक बार वापस से रिपीट कर लो, टेल मी, मॉनिटरी में मॉनिटरी असेट को क्या कहते हैं? विच इज फिक्स्ड और वे, एक और आइटम, एक और नाम था, डिटर्मिनेबल। और नॉन मॉनिटरी मतलब, वैसे तो कहते हैं अदर देन, पर आप अपनी भाषा में क्या बोलोगे? फ्लक्चुएटिंग। अंडरस्टूड और नॉट? इसमें हमने कुछ नए नए आइटम अभी बात की, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे बात की, अक्रूड पे बात की, शेयर कैपिटल पे बात की। आई होप इट इज नाउ क्लियर्ड। एवरीवन टेल मी, क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। सो हमने ये पढ़ा असेट क्या होता है, हमने ये पढ़ा मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्या होता है, ठीक है? आगे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि नहीं? उससे पहले मैं आपको 2 मिनट का यही बैठे हुए ब्रेक देना चाहता हूं, बातें करनी है बातें करो, पानी पीना है पानी पी लो, थोड़ा सा राहत की सांस लो, थोड़ा चिल हो जाओ, आराम से जितनी बातें करनी है बातें करो। सर वॉशरूम नहीं जा सकते क्या? जा सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे रोक के मत रखो। हॉट कॉफी, मैंने सिर्फ 5 मिनट बोले हैं, ध्यान रखना 5 मिनट सिर्फ। कितने बच्चे महाराष्ट्र से हैं? ऑलराइट, कितने बच्चे महाराष्ट्र के बाहर से हैं? ऑलराइट, एमपी, कि मैं खुद एमपी से हूं इसलिए बोल रहा हूं। ऑलराइट, कितने बच्चे गुजरात? कर्नाटक से तो बहुत होंगे, कुछ होंगे कर्नाटक से मेरे हिसाब से।
ऑल राइट, कर्नाटक ओके, राजस्थान मुश्किल है, राजस्थान एक दो, अच्छा और गोवा, गोवा कोई नहीं है, है ऐसे नहीं करना है भाई, दूसरों का हाथ ऊपर कर रहे हो, तेरा वो कुछ और ऊपर कर देगा कुछ और मतलब पैर बड़ी गंदी सोच है तुम लोग, ऑलराइट और कोई स्टेट मतलब मुझे ऐसे, दिल्ली, दिल्ली से और नहीं दिल्ली से बस आगे फुल स्टॉप, बस दिल्ली से नहीं पूरा नहीं बोलने का है, हाँ और कोई स्टेट रह गया, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट है पर जो मुझे आसपास के, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अच्छा, असम अब बस नाम बोलना है ना और कोई मैंने जिसके जो स्टेट का नाम नहीं लिया, बिहार, बिहार से कौन है, अच्छा बिहार, और कोई एनी अदर स्टेट, हिमाचल, उड़ीसा, चार बार उड़ीसा बोल दिया पर तुम तो, शुभम सर तुमने उनको यहां बिठाया हुआ है, हाँ ऑलराइट चलो, पंजाब ओके गुड, पंजाब से कितने भाई, इतने दूर दूर से आते हैं महाराष्ट्र, बढ़िया अच्छी बात है यार, ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं वापस से, स्टार्ट करें वापस, नहीं सर आज जल्दी छोड़ो सर, अगर मैं थोड़ा सा भी जल्दी छोड़ूंगा ना तो आपकी आदत लग जाएगी और मैं गंदी आदत लगाना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि हम पहले दिन से सही समय पर ही छोड़ें, बल्कि 5-10 मिनट थोड़ा लेट छोड़ें तो आपको लगे कि हाँ नॉर्थ बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, नेपाल, हरियाणा, सर शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी में आता है, आप तो असेट बता रहे हो, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, जैसे मैंने असेट मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बोला वैसे ही लायबिलिटी भी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी होती है, सेम ऐसी लायबिलिटी जिसकी मनी टर्म्स में, मनी में वैल्यू फिक्स हो और ऐसी लायबिलिटी जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करे, सेम असेट के साथ जो मैंने बोला वही चीज लायबिलिटी के साथ होती है, आपको मैं ये नोट लिखवाना चाहता हूं, प्लीज लिखिए, मैं डिक्टेट करना चाहूंगा क्योंकि एक बच्चा बेचारा बहुत ऑनलाइन में परेशान हो रहा है, वो बार बार वही लिख रहा है कि सर लायबिलिटी तो शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, आप तो असेट की बात कर रहे हो, तो लिख लीजिए, जस्ट लाइक असेट लायबिलिटी हैज ऑल्सो टू कैटेगरीज, जस्ट लाइक असेट लायबिलिटी हैज ऑल्सो टू कैटेगरीज, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी विथ सेम डेफिनेशन, जस्ट लाइक असेट लाइबिलिटी हैज ऑल्सो टू कैटेगरीज, जस्ट लाइक असेट लाइबिलिटी हैज ऑल्सो टू कैटेगरीज, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी विथ सेम डेफिनेशन, अभी मैंने खत्म नहीं किया, मुझे बात करनी है अभी इस पर, पहले पूरा लिख लीजिए, विथ सेम डेफिनेशन As under, with same definition as under, with same definition as under. अब मुझे नीचे कुछ लिखवाना है, with same definition as under. पर मैं अब लिखवाऊंगा नहीं, पहले आपसे ही वो definition बनवाऊंगा, जाइए monetary asset की definition में, जाइए monetary asset की definition में, कैश और एनी आइटम विच इज के बाद क्या लिखा है, विच इज यहां लिखा है रिकवरेबल, तो अब बताओ लायबिलिटी के लिए तुम कौन सा यहां पर वर्ड इंटरचेंज करोगे, पहली बात तो हम कैश वैश हम नहीं रखेंगे यहां पर, तो क्या लिखेंगे, एनी आइटम विच इज पेबल और ब्रैकेट में सेटलमेंट सेटल्ड विच इज टू बी सेटल्ड,
तो बस आपको ये टर्म चेंज करना है, आपकी मॉनिटरी लाइबिलिटी की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो अब सर मैं फिर से बता दूं, हाँ बता दो, कैश बैंक बैलेंस को तो काटना है, तो आप मॉनिटरी लाइबिलिटी क्या लिखने वाले हो? एनी आइटम, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं ताकि खुद आप लिखो सुन सुन के, आपकी सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। एनी आइटम विच इज पेबल, पेबल के आगे मत बढ़ना, मुझे कुछ बोलना है उस पर, विच इज पेबल ब्रैकेट में टू बी सेटल्ड, सेटल करना है, हम मुझे उसको सेटल करना है, लाइबिलिटी सेटल होती है ना, खत्म करना होता है उसको मुझे, तो ब्रैकेट क्लोज, टू बी सेटल्ड ब्रैकेट क्लोज, आगे वही इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, तुम ही बताओगे, सच एस यहां डेटर है तो बताओ, क्रेडिटर, यहां बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेबल, और सर और क्या होगा, लोन, वेरी गुड, लोन जितना लिया है उतना ही वापस करना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं? सर मैं सोच रहा हूं कि लोन में तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो सर 5 लाख लिया है तो 5.5 लाख वापस करना पड़ेगा ना सर, इंटरेस्ट जब तक ड्यू नहीं हो जाता तब तक तो मुझे 5 लाख ही देने, जिस दिन ड्यू हो जाएगा उस दिन इंटरेस्ट की एंट्री क्या करूंगा, एक्सपेंस वाली इंटरेस्ट की एंट्री क्या करूंगा, जिनकी ना जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आता है, मैं हूं 4-5 दिन मुझे बेसिक्स करने, पर मुझे कुछ समझाने के लिए पहले एंट्री अभी करनी पड़ रही है, तो मैं बीच में काट के मैं उन लोगों के लिए एंट्री नहीं समझा सकता, पर मेरे पास 5 दिन है, इन 5 दिनों में और फर्दर क्लासेस में मैं डेबिट क्रेडिट पर भी बात करूंगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा हो गया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट खर्चा हो गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एंट्री करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बेटा ये तो चला गया तुम्हारे पीएनएल में तो ये लायबिलिटी होती नहीं है। टू, इंटरेस्ट पेबल 10,000। अब तुम मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले इस बच्चे ने, कहीं पर कोई बच्चा था, अक्रूड इंटरेस्ट किसी ने पूछा था, कहां लिखा था तुमने अक्रूड इंटरेस्ट को एग्जांपल में, अक्रूड तुमने क्या माना था, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी। तो अब मुझे बताओ इंटरेस्ट पेबल तुम्हें फिक्स कितने देने हैं, सामने वाले को कितने देने फिक्स तुम्हें 10, तो यह भी क्या बन जाएगा, पर जब तक वो ड्यू नहीं हुआ तब तक तुम एंट्री नहीं करोगे, तब तक तो लोन कितने का है, 5 लाख का, तो 5 लाख हैं तो 5 लाख ही देने, तो वो क्या बन गया, मॉनिटरी। जैसे ही तुमने एंट्री पास कर ली तो अब 5 लाख तो देने ही देने, 10,000 और देने, पर क्या फिक्स उतना ही देना है, हाँ उतना ही देना है, क्योंकि सेटलमेंट में मुझे 5 लाख 10,000 ही देने पड़ेंगे, तो इट इज फिक्स अगेन। आया समझ में कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? मुझे बताओ, लोन 5 का लिया, अपने आप मार्केट में इस लोन की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, हाँ मार्केट में क्या वैल्यू अपने आप चल जाएगी, बैंक बोलेगी नहीं नहीं लोन लिया है आपने 5 लाख का, मार्केट में अभी ना इन्फ्लेशन आ गया, आपको ना हमें अपने आप अब 6 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे इंटरेस्ट अलग से, मतलब प्रिंसिपल अपने आप चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, तो लोन क्या हो गया, मॉनिटरी। समझा? ऑलराइट, मॉनिटरी उतना ही है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तुमने लास्ट मंथ में काम किया कंपनी के लिए, तुम्हारी सैलरी ड्यू हो गई 2 लाख रुपए की, अभी मुझे तुम्हें पे करना है, कितना पे करूंगा, 2 पे करूंगा कि 2 से ऊपर की नीचे, कुछ नहीं 2 ही पे करूंगा ना, एग्जैक्ट 2 ही सेटलमेंट करना है ना, तो जिसका सेटलमेंट डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा है, जिसका ऐसा कोई भी आइटम जिसका सेटलमेंट फिक्स हो, जिसका पेबल फिक्स हो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, फिक्स उतना ही देना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन गई, मॉनिटरी, लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या लिखोगे, मॉनिटरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट पेबल। बेटा ये सब नाम अलग अलग है तो एक ही चीज ना, लायबिलिटी जो कि फिक्स में सेटल होने वाली है ना, भारी लग रहा है बहुत, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, दिल से बोलो जल्दी बताओ, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी जब से बात हुई है थोड़ा भारी लग रहा है क्या, नहीं लगना चाहिए यार, ब्रेक चाहिए, अभी कहां गई थी तू, यस
और वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. हेलो, अब हमारी वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. तो उसका पेमेंट एनुअली अगर चेंज अगर इंटरेस्ट रेट में अगर चेंजेस आते हैं तो उसका पेमेंट में जो होता है चेंजेस आते हैं ना सर. मैं आपकी डाउट ही नहीं समझ पाया, वापस से रिपीट करोगे एक बार? पर कोई चीज मशीन ली हम लोग, लीज पे मैंने मशीन लिया तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई. पेमेंट करना हमारी लाइबिलिटी हो गई, मशीन हमारे लिए वो एसेट आ गई अगर हमारा कंट्रोल है तो, लॉन्ग टर्म है तो, जो मैंने समझाया था. हाँ तो फिर उस पर जो हम लोग पेमेंट करेंगे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा ही होगा जो सामने वाला होगा करेगा ही. वो लोन कितना हो गया? हाँ अगर कुछ इंटरेस्ट अगर चेंज होता है तो फिर वो इंटरेस्ट कब चेंज होगा? अगर सेमी एनुअली है फिर एनुअली है, अगर इस हिसाब से चेंज होता है. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरेस्ट जब लगेगा तो चेंज होगा ना. जब तक इंटरेस्ट वो नहीं लगा तब तक मुझे कितना पे करना है? जितना अभी तक का लायबिलिटी है. क्या वो लायबिलिटी जिस दिन है वो अपने आप मार्केट में चेंज हो रहा है क्या? आपको मार्केट से कनेक्ट करो ना, अपने आप वो चेंज हो रहा है क्या मार्केट में? नहीं सर, उस दिन नहीं चेंज. एक लाख रुपए की मशीन ले आए, एक लाख रुपए पे करना है. लायबिलिटी अभी फिलहाल कितनी है? एक लाख. अभी एक लाख अभी तुम पे अभी कर नहीं रहे उसको, तो इंटरेस्ट कब लगेगा? बाद में. तो आज के दिन एक लाख को तुम मार्केट से देखो, क्या वैल्यू अपने आप बदलेगी क्या? नो सर. मार्केट में उसकी कुछ और वैल्यू है क्या? नहीं. अब लग गया एक साल बाद उसके ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट. अब कितना हो गया? एक लाख वो और 10,000 वो. कितना हो गया? एक लाख 10,000. अब 1,10,000 क्या मार्केट में वैल्यू चेंज हो कुछ और है क्या इसकी? 1,10,000 की मार्केट में वैल्यू कुछ और है कि यही है? चेंज मतलब 1,10,000 ही देना, 1,10,000 ही देना पड़ेगा ना कि मार्केट में कुछ और वैल्यू है? मार्केट में मशीन के हिसाब से रहेगी मशीन. मैं मशीन की बात ही नहीं कर रहा हूँ. हमें 1,10,000 ही देना. 10 ही बताओ, फिक्स हो गया? अच्छा, डेबिट अलग क्रेडिट अलग. हाँ समझ गया सर, उधर कंफ्यूजन हो गया था ना. धीरे धीरे एक्सरसाइज होगी है जो मैं आपको यही बताने चाह रहा हूँ. डेबिट अलग क्रेडिट अलग, बार बार डेबिट अलग सोचो क्रेडिट अलग सोचो. आप क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपन मशीन से कनेक्ट कर दिया इस बच्चे ने. तो वो अरे सर वो मशीन तो चेंज हो रही ना, तो वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी चेंज हो गई. नहीं वो नहीं. ठीक है, अंडरस्टूड गाइस? कुछ और नई बातें आप पे अपन आगे बढ़े, नई बातों पे जाएं. अरे झूठ मूठ में हाँ बोल दो. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. लिखिए व्हाट इज लायबिलिटी. व्हाट इज लायबिलिटी. लिखो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो. कुछ जाएगा, कुछ जा रहा है या जाने वाला है. आउटफ्लो विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस. जानबूझ के इजी करने के लिए मैं रिसोर्सेस के ब्रैकेट में लिख रहा हूं असेट्स. Which results in outflow of resources. Full stop. अब मैंने आपको यहां पर बोला resources, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं asset. जाओ asset की definition में, word check करो resource करके word था कि नहीं. Resource करके word था कि नहीं था? तो पहले ना वापस असेट को रिवाइंड करें क्योंकि लाइब्रेरी में काम आ रहा है वो. हाँ असेट क्या है? एनी रिसोर्स या आइटम जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है. तुम इंग्लिश में पढ़ो, मैं बस उसको हिंदी कर रहा हूं. हाँ तुम पढ़ते जाओ. एनी रिसोर्स और आइटम विच इन ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल, जिसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल है, जिससे एंटिटी को राइट आ रहा है ताकि एंटिटी क्या जनरेट कर सके, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सके. इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सके मतलब इनफ्लो.
इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सके मतलब क्या, inflow. लिखो जाके वहां पर जाओ एसेट की डेफिनेशन में जाके वहां पर जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब इनफ्लो, कुछ इनफ्लो आने वाला है, कुछ आने वाला है, इनकमिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, एसेट आ रही है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो विच जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब इनफ्लो। अब बस यही आपका दिमाग चलाना है, कुछ और नहीं सोचना है, और अब आ जाओ जंप करके लायबिलिटी में। अब आप लायबिलिटी को पहले खुद पढ़ो। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होती है, छोड़ो यार ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है आगे बढ़ो। विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो, किस चीज का, रिसोर्स, और इजी लैंग्वेज में आउटफ्लो किस चीज का, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो, मतलब कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है सर, कैश जा रहा है, तो कैश याद है क्या था, कैश क्या था, असेट, कैश क्या था, असेट, और अगर अब अगर कोई असेट जा रही है या मुझे अगर किसी चीज का सेटलमेंट करना है असेट के फॉर्म में, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। समझ आया कि नहीं? यहां जितने बच्चे बैठे हैं वो बच्चों को इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है मान लो, और उनको बोल दिया गया है कि अगला इंस्टॉलमेंट आपका फीस का अगले महीने रहेगा, तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारी लायबिलिटी हुई कि नहीं, डिफाइन बताओ कैसे हुई वो लायबिलिटी। अभी तुम हमसे सर्विसेज लेते जा रहे हो, बोलो हां, तुम्हें बेनिफिट मिलते जा रहे हैं, बोलो हां, उन बेनिफिट का सेटलमेंट तुम हमें कैसे करने वाले हो, कैश तुम्हारे लिए क्या है, असेट है, कैश तुम्हारे लिए क्या है, उस कैश को तुम क्या करोगे, आउटफ्लो, किसको दोगे, मुझे, अभी दे दिया कि दोगे, तो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं असेट के फॉर्म में आउटफ्लो करूं, लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जिसको सेटल करने के लिए मुझे असेट देनी पड़े। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में लिख लेना, हिंदी में बोल रहा हूं, चाहो तो अपनी भाषा में, हिंदी में, मराठी में, कहीं पे भी लिख लेना, लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको सेटल करने के लिए मेरे जेब से असेट जाए, जिसको सेटल करने के लिए, जिसको निपटाने के लिए मुझे असेट देनी पड़े। फिर से बोलूं, हाँ धीरे धीरे सर बोलो, धीरे बोलो, आप बहुत तेज बोलते हो। लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको सेटल करने के लिए, जिसको सेटल करने के लिए असेट का आउटफ्लो हो, मतलब हमारे यहां से असेट जाए, जिसको सेटल करने के लिए असेट का आउटफ्लो किया जाए। सेटल करने के लिए कैश गया, कैश गया, कैश मेरा असेट था। सेटल करने के लिए एक बच्चे ने मुझे बोला, ये जो गुजरात से आया है, ये बच्चे ने बोला सर मैं आपको फीस शेयर के फॉर्म में दूंगा, तो शेयर उसके लिए क्या है, शेयर उसके लिए क्या है, अब वो अपने शेयर मुझे दे रहा है क्या, सेटल करने के लिए, फीस सेटल करने के लिए, फीस उसकी लायबिलिटी थी कि नहीं थी, तो मतलब वो अपनी असेट मुझे दे रहा है, तो वो अपनी लायबिलिटी को सेटल कर रहा है, तो लायबिलिटी क्या हुई, लायबिलिटी क्या हुई, जिसका आउटफ्लो निश्चित है कि हां आउटफ्लो होके रहेगा, किस फॉर्म में, असेट के फॉर्म में, समझ में आया कि नहीं, किस फॉर्म में, असेट के फॉर्म में, क्लियर हुआ कि नहीं। मैं जानता हूं कि ये सब आपको पहले से ही पता था, बस अलग एंगल से बता रहा हूं, रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं था, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो, जहां से पढ़ के आए हो, बस शायद कुछ दरवाजे अब खुल रहे हैं, कुछ अलग एंगल से सोचने को मिल रहा है जो शायद पहले कम सोचा होगा। मुझे डाउट नहीं है आपके नॉलेज पर, बिल्कुल नहीं है, बस मेरी कोशिश है कि अभी तक अगर जैसा सोच रहे थे अब उसमें और चीजें और मिक्स हो जाए तो अपन और ज्यादा सोचे। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैंने अभी हिंदी में क्या, आपने क्या लिखा, मराठी हिंदी में जो भी लिखा आपने क्या लिखा, ऐसा कोई भी आइटम या ऐसी कोई भी चीज जिसको सेटल करने के लिए असेट का आउटफ्लो हो। सर मतलब आप ये कह रहे हो अगर मैं कैश में दूं तो भी लायबिलिटी, हाँ सर आप ये कह रहे हो अगर मैं मशीन दूंगा तुम्हें तो, हाँ भाई तुमने कमिटमेंट कर दिया कि एक साल बाद मैं तुम्हें अपनी मशीन दूंगा, एक साल बाद मैं तुम्हें अपने शेयर दूंगा, एक साल बाद मैं अपने तुम्हें डेटर्स दे दूंगा। सर डेटर कैसे दे देंगे, डेटर कैसे दे देंगे,
वो जो मेरे वाले डेटर हैं वो मुझे पैसा देंगे, मैं उनको बोल दूंगा वो तुम्हें दे देंगे। अरे समझा कि नहीं समझा? एक साल बाद मैं तुम्हें अपने बिल्स दे दूंगा। बोलो रे। तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी क्या है? आउटफ्लो ऑफ असेट। आया समझ में कि नहीं? पर सर अभी एक चीज मिसिंग है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। वर्ड क्या लिखा है? तो मैंने हिंदी में पहले से ही उसको टर्म बना लिया था। लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी आइटम जिसको सेटल करना है असेट के फॉर्म में, जो निश्चित है कि वो सेटल होके ही रहेगी, मतलब उसका सेटलमेंट होना पक्का है, कुछ भी हो जाए मुझे सेटल करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नीचे एरो लगा के लिखो। इट मींस चांसेस ऑफ सेटलमेंट, चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर मोर लाइकली देन नॉट। चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर मोर लाइकली then not. Anybody, if he or she can define it, ये क्या है? Chances of settlement तो ठीक है, are more likely than not, ये क्या है? Probability, very good, very good. Probability मतलब high probability, settle होने के chances ना होने से ज्यादा है। क्या बोला सर आपने? क्या बोला? Settle होने के chances, settle ना होने से ज्यादा है, मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सेटल तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? लाइब्रेरी को वापस से जाके पढ़ो, मन में पढ़ो जल्दी। तुम्हारे मन में कुछ कुछ चीजें क्या चल रही है मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, मैं आऊंगा, तो मुझे घूर के मत देखो, पहले पढ़ो। सर अगर मोर लाइकली देन नॉट नहीं है तो लेस लाइकली है तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब सर क्या तुम्हारे माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में तो आया होगा, चांसेस सेटल करने के ज्यादा है ना सेटल करने से, सर ने ऐसा बोला। अच्छा अब मैं उल्टा सोचता हूं, चांसेस कम है और सेटल होने के बहुत कम चांसेस हैं, शायद ना हो सेटल, शायद सेटल करना ही ना पड़े, शायद मैं फीस दू ही ना, मैं भाग जाऊं। प्लीज 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 इसको मजाक में मत लो, इसको प्लीज अब थोड़ा सीरियसली। हां मैं पढ़ने आया हूं पर मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पास जुगाड़ है, मैं भाग जाऊंगा, मैं नॉलेज भी ले जाऊंगा और मैं पे भी नहीं करूंगा। प्लीज इसको अपने आप पे मत लेना, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो मैं सर्विस भी ले लूंगा और मैं पे भी नहीं करूंगा, नहीं मैं पे नहीं करूंगा, बहुत कम चांसेस है। अगर इन लोगों ने पकड़ लिया तो एक अलग बात है, पर मैं ये नहीं पकड़ पाएंगे मेरे को, मेरे पास मैंने जुगाड़ बना के रखी है, मैं फीस पे करने के तो चांसेस ना के बराबर है। आपको नहीं लगता मैं बिल्कुल इसके अपोजिट बोल रहा हूं? अरे बोलो ना यार, यहां पर क्या लिखा था? चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर मोर लाइकली देन नॉट, मतलब मुझे सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, चांसेस ज्यादा है। तो अभी जो मैंने बोला उसका उल्टा बोला, उल्टा क्या बोला? फीस तो मैं नहीं पे करूंगा, बहुत ही रेयर चांस है कि मैं पे करूं। समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ऊपर वर्ड क्या लिखा था? ऊपर वर्ड क्या लिखा था? अगर जो मैंने अभी कहा, मैंने क्या कहा अभी? चांसेस बहुत कम है, रेयर है सेटल होने के, उसको बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन अगर कहां पर हुई तो उसको लायबिलिटी नहीं कहते, उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, मतलब चांसेस बहुत कम है पे करने के, शायद पे ना करना पड़े, पे ना करने के चांसेस ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? इसीलिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के बाहर दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज
AS कहता है, AS 29 कहता है, जब तेरे चांसेस ही कम है तो तू उसको बैलेंस शीट में मत ले जा, तू उसको बैलेंस शीट के बाहर बस दिखा दे ताकि शेयर होल्डर लोगों को पता चले कि हां शायद कल को पे करना पड़ जाए। आया समझ में कि नहीं? तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं, देर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, टेल मी, प्रेजेंट पॉसिबल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विल गिव यू लाइबिलिटी, सर्टेनिटी, सर्टेन लाइबिलिटी, एंड पॉसिबल ऑब्लिगेशन विल गिव यू कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब जो मैंने बोला मैं डिक्टेट करूंगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे डिक्टेट करूंगा। ऑनलाइन वालों कृपया करके आप भी लिखो, जरूरी है। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन। नंबर वन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर वन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर टू, नंबर टू पॉसिबल ऑब्लिगेशन, लिखते जाओ। नंबर वन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर टू पॉसिबल ऑब्लिगेशन। आया समझ में कि नहीं? अभी आप शुरू से, अब नेक्स्ट लिखिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ सेटलमेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ सेटलमेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ सेटलमेंट, ब्रैकेट में चांसेस आर मोर, सेटलमेंट चांसेस आर मोर, सॉरी सॉरी, सेटलमेंट चांसेस आर मोर, सेटलमेंट चांसेस आर मोर, ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा अपन ने? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट मींस देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ, इट मींस सर्टेनिटी ऑफ सेटलमेंट, ब्रैकेट में सेटलमेंट चांसेस आर मोर। सर कितने मोर? अब ये भी डाउट आता है, सर कितने मोर? लिख दो मोर देन 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50%। बच्चों एक बार प्लीज रिपीट कर दो ताकि मैं अगला वाला उसके हिसाब से बता सकूं, प्लीज प्लीज बताइए। ठीक है, आगे लिखिए इसकी लाइन, आगे लिखिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू लायबिलिटी, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अब आते हैं सेकंड, दूसरी कौन सी ऑब्लिगेशन थी? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं, दैट डजंट मींस कि आप लिखोगे नहीं, आपको सब लिखना है अच्छे से, तो प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे से लिखें। हाँ, प्रेजेंट सेकंड क्या था? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, लिखो पॉसिबल ऑब्लिगेशन। आपने प्रेजेंट भी क्या लिखा था? मींस सर्टेनिटी ऑफ सेटलमेंट। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन में लिखो चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर लेस प्रोबेबल, चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर लेस, और रिमोट, रिमोट मतलब चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर लेस और रिमोट, रिमोट मतलब ना के बराबर, रेयर, रिमोट मतलब रेयर, ना के बराबर। तो चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर लेस प्रोबेबल और रिमोट, फुल स्टॉप। इट ऑलवेज रिजल्ट इन टू, इट ऑलवेज रिजल्ट इन टू कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इट ऑलवेज रिजल्ट इन टू कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी।
फुल स्टॉप. दिस इज द रीजन वी डोंट शो, दिस इज द रीजन वी डोंट शो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट. दिस इज द रीजन वी डोंट शो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट. It is always a out of balance sheet item. It is always a out of balance sheet item. सबने लिख लिया? बोलो बेटा सबने लिख लिया कि नहीं? Very good. तो liability क्या है? Liability एक present obligation है जिससे आउटफ्लो होने के चांसेस ज्यादा है. किस फॉर्म में आउटफ्लो होने वाले हैं? कुछ ना कुछ मेरा रिसोर्स जाएगा. रिसोर्स मतलब असेट. असेट मतलब कुछ भी. क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जाता है? कैश. मोस्टली कैश ही जाता है. पर जरूरी क्या कि बस कैश में जाएगा तो ही लायबिलिटी होगी? अगर मैंने तुझे वादा किया कि मैं तुझे अपनी बिल्डिंग दूंगा, अगर मैंने तुझे वादा किया कि मैं तुझे अपनी बिल्डिंग दूंगा, तूने मुझे कुछ सर्विसेज दिए उसके बदले मैं तुझे बिल्डिंग दूंगा, क्या मेरी लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? लायबिलिटी हुई. आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ? असेट डन, लायबिलिटी डन. असेट के दो कैटेगरीज, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डन. लायबिलिटी के दो कैटेगरीज, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डन. बोलो ना यार. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ लो सर. आप हमसे पूछ रहे हो पर करते कुछ अपने हिसाब से हो. हाँ, अभी लिखो लायबिलिटी. ऐसा हेडिंग डालो, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब आउटफ्लो. ठीक है, मैं ऐसे छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं आपको. लायबिलिटी मतलब आउटफ्लो. किस चीज का आउटफ्लो? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब रिसोर्सेस, मतलब बेसिकली ब्रैकेट में असेट्स, आउटफ्लो ऑफ असेट्स. हाँ ठीक है, लायबिलिटी है. लायबिलिटी मतलब आउटफ्लो. हाँ ठीक है, आउटफ्लो. अब ऐसे बनाओ, दो हिस्से की है आउटफ्लो के. आउटफ्लो लिखो, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो इज सर्टेन. अमाउंट ऑफ आउटफ्लो इज सर्टेन मतलब कितना पे करना है मुझे पता है. दूसरा, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन ओनली बी एस्टिमेटेड. सिर्फ एस्टिमेट कर पा रहा हूं कि पे इतना करना पड़ेगा. पे तो करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा? लगभग 5 लाख या 5 से 7 की रेंज में. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दो चीज हो गई, आउटफ्लो कितना पे करना पड़ेगा पक्का 5 लाख. दूसरा, 5 भी पे करना पड़ सकता है, 5.5 भी हो सकता है, इट मे बी 6, इट मे बी बिटवीन द रेंज ऑफ 5 to 7. आप मेरे को समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन दिस इज द सिचुएशन यू कॉल इट अगेन अ लायबिलिटी. इट्स अ कंप्लीट लायबिलिटी, इट्स अ प्योर लायबिलिटी, इट्स अ प्योर लायबिलिटी. लाइक क्रेडिटर, तेरे को पता है कि तुझे उसको कितना पे करना है भाई, तेरे को पता है कि वो तेरा लोन है, तुझे कितना पे करना है भाई. ये कोई एस्टिमेट नहीं है, तूने ट्रांजैक्शन किया है उसके साथ. पर जब बात आती है एस्टिमेटेड, हाइलाइटर हो तो ध्यान रखना, जब बात आती है एस्टिमेशन की तो उसको प्रोविजन कहा जाता है. उसी लायबिलिटी को लायबिलिटी ना बोलकर प्रोविजन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोविजन मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जहां आउटफ्लो होने वाला है, श्योर है, पर कितना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये एस्टिमेट करना पड़ रहा है.
तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविजन. बेटा क्लियर हो रहा है? पक्का समझ रहा है? ऑल राइट. सो अब लायबिलिटी भी दो प्रकार की हो गई, एक प्योर लायबिलिटी और एक प्रोविजन. आया समझ में कि नहीं? ऑल राइट. तो मुझे बताओ प्रोविजन कब आप उसको प्रोविजन बनोगे? जब अमाउंट, जब आप अमाउंट को सिर्फ एस्टिमेट कर पा रहे हो. कोई मुझे एग्जाम्पल देगा इसके? एग्जाम्पल मैं रफ में लिख रहा हूं, मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूं, मैं आपकी सुन सुन के रफ में लिख रहा हूं. प्रो, आप में से बहुत सालों ने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट वॉट एवर. किसी ने उसको बोला आरडीडी. क्या होता है फुल फॉर्म? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. हाँ और बोलो. मैंने लिख लिया बेटा, आप इसको रिपीट मत करना. दूसरा एग्जाम्पल बोलो. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बेटा प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, बोलो. नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट ध्यान दो, क्योंकि अभी ना बहुत अच्छे से धोती खोलने वाला हूं इन सब चीजों की. सच्चाइयां मालूम पड़ेगी तुम्हें और खुद पे भी थोड़ी शर्म आएगी कि अरे हाँ यार हम कैसे क्या क्या बोल रहे थे. तो जल्दी आगे और एग्जाम्पल दो. प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस. ठीक है, तू लीगल डैमेजेस की बात कर रहा था ना बेटा? हाँ. और प्रोविजन फॉर पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड. और बैंक चार्जेस. वो तो लायबिलिटी हो गई ना, एग्जैक्ट बैंक चार्जेस. मुझे बैंक मुझे बोल रही कि इतने चार्ज लेंगे तुमसे, बस अमाउंट फिक्स है. प्रोविजन कैसे हो गया? हाँ देने का तो लायबिलिटी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लायबिलिटी है. पर कितना देना है? बैंक मुझे पहले ही बोल चुका है 2% चार्ज लूंगा, 1% प्रोसेसिंग फीस लूंगा. मैं बोल रहा हूं लायबिलिटी है, पर वो तो प्योर लायबिलिटी है ना. प्रोविजन कैसे, एस्टिमेट कैसे करना पड़ेगा मुझे? मैं एस्टिमेट कर ही नहीं सकता उसको. मतलब मेरे को जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा. रिकॉर्ड कर लिया मतलब बता दिया, तो प्योर है वो, एग्जैक्ट अमाउंट है. वही तो चाहिए. अनसर्टेन इवेंट तो एक जनरल जनरल तुम्हारा आंसर हो गया, पर क्या अनसर्टेन इवेंट? हाँ 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 कुछ आया से नाम निकल रहा है, फायर लॉस वॉस किसी ने कुछ बोला. चलो प्रोविजन फॉर लॉस ड्यू टू फायर अर्थक्वेक ऑब्लिक अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटी वॉट एवर. वर्कमैन, वेरी गुड बेटा. प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन. वेरी गुड. प्रोविजन फॉर टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो. बस बात करें अब कि और कोई डाउट है तुम्हारे, कोई और कोई एग्जांपल है तुम्हारे मन में? बेटा बात सही बोल रहे हो, पर लेट मी टेल यू वन थिंग. जो चार्जेस लगने वाले हैं आमतौर पर रियल लाइफ में, हम वो तब तक रिकॉर्ड ही नहीं करते जब तक बैंक आगे आके ना बता दे कि भाई तुम कितने चार्जेस ले रहे हो. पर अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ पहले से ही और चार्जेस मुझे लगता है कि समवेयर बिटवीन 2-3% के बीच में लगेंगे, तो वो प्रोविजन होगा.
पर आमतौर पर जब तक बैंक ना हमें बता दे तब तक हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फिर वो कुछ बैलेंस शीट के बाहर चला गया वो, समझे? तो कहने का मतलब तुम्हारी तुम्हारी सोच सही है, पर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि बैंक चार्जेस, ये जो चार्जेस जितने भी होते हैं ये सब एक्यूरेट हमें बैंक बताता है कि इतने लगेंगे, तो वो हमारे लिए प्योर लायबिलिटी होती है, वो फिर वो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। हाँ चलिए, अब मैं बात करना शुरू करूं, मैं सुना ही दिया क्लेम्स, प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स, ठीक है? नाउ प्लीज अलाउ मी टू टॉक ऑन दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आज का आखिरी पॉइंट है, क्योंकि मुझे 15 मिनट चाहिए और 15 मिनट ही बचे हैं आपके पास, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। आ, क्या खुशी हो गई मामा, जल्दी बोलो सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ चलो, अरे कितना खींचेगा, आ जाऊं सामने, ले ले, बंद कर यार, मैं मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है भाई। हाँ बैठ जा साइड में, पता नहीं कहाँ कहाँ से एंगल ले रहा है, इधर से ले रहा है, उधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, क्या क्या कर रहा है। हाँ तो प्लीज नाउ कॉन्सेंट्रेट, मैंने आपसे प्रोविजन के एग्जाम्पल पूछे, आपने इतने एग्जाम्पल दे दिए, मानना पड़ेगा बहुत अच्छी बात है, बट इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स गलत हैं, कुछ एग्जाम्पल्स गलत हैं। सर क्या? प्लीज प्रोविजन बोर्ड पे देखिएगा, प्रोविजन प्रोविजन को मैं कह सकता हूं कि प्रोविजन भी एक तरीके का लायबिलिटी ही होता है। यार तुम लेस यस बोलने में भी कंजूसी दिखाते हो यार। yes. हाँ फिर से, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोविजन कहीं ना कहीं लायबिलिटी का ही पार्ट है? लायबिलिटी yes, का डेफिनेशन, लायबिलिटी का डेफिनेशन, लायबिलिटी के अंदर क्या था? किस चीज का आउटफ्लो? असेट का, कुछ जाएगा, असेट जाएगी, बोल बेटा हाँ या ना। तो लायबिलिटी मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी मतलब प्रोविजन भी कहीं ना कहीं आउटफ्लो, मतलब प्रोविजन में भी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ जाने वाला है, कुछ कैश जाने वाला है, कुछ और जाने वाला है, पर बस मैं उसको एस्टिमेट कर पा रहा हूं, मेरे लिए वो समझ नहीं आ रहा कि कितना जाने वाला है, मेरे लिए वो फिक्स अमाउंट पता नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं उसको एस्टिमेट कर पा रहा हूं, करेक्ट है कि नहीं? यार प्रोविजन फॉर बैड डेट यहां कहां से आउटफ्लो आ गया? गाइस हैव सम लेवल ऑफ मैच्योरिटी नाउ, यू आर इन सीए इंटरमीडिएट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आउटफ्लो कैसे हो गया? जस्ट इमेजिन मेरा एक डेटर है, मुझे उससे 50,000 रुपीस लेने हैं अगले महीने, मेरा डेटर इंसॉल्वेंट हो रहा है, पेपर में न्यूज आ गई कि उसकी पोजीशन खराब चल रही है, उसकी कंपनी लॉस मेकिंग है, मैंने बोला यार भाई पैसे गए, या बहुत मुश्किल है कि पैसे मिले, या मिलेंगे तो 50% ही मिलेंगे, तो मैं आज 50% का प्रोविजन बना लेता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, जिसको तुम आरडीडी बोलते हो, उसके बारे में तो मैं बात ही अलग करूंगा, आरडीडी तो तुम गलत ही बोलते हो, बोलना ही नहीं चाहिए, पर ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्लीज मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, मेरा डेटर है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे लगता है कि मेरे को पूरे पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो मैं उसके लिए 50,000 का 50% मुझे नहीं मिल पाएगा, तो 25,000 का एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं कि मुझे नुकसान हो सकता है। प्रोविजन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, शायद पढ़ के रखा है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस पढ़ा? अबे नालायकों, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रूडेंस मतलब फ्यूचर के लॉसेस के बारे में सोचो, होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचो। तो मुझे बताओ यार तुम लोग क्या हद करते हो, थोड़ा सा दो ध्यान से सोचो, जिन जिन बच्चों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट एग्जाम्पल में दिया है, यहां तू मुझे बता बेटे, ये प्रोविजन जो है यहां तेरा कोई आउटफ्लो होने वाला है क्या? यार कोई आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है क्या? पर सर बोलते तो प्रोविजन ही है ना, हम क्या करें?
पहले तो मुझे बताओ मेरा वाला पॉइंट आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं। मैंने आपको कोई आंसर नहीं दिया, मैंने आपको कोई सोल्यूशन नहीं बताया, पर मैं आपको जो बोल रहा हूं कि आप जो मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें जो आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो पहला वाला वो गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि तीनों एग्जाम्पल में मुझे तुम आउटफ्लो ढूंढ के बताओ। अभी तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, बट उससे पहले पहले सोच लो कि इन तीनों में आउटफ्लो कहां है। फोकट नहीं बैठ रहे होंगे अपन, फाल सोच ही रहे होंगे डेफिनेटली, तो सोचिए मुझे आउटफ्लो चाहिए इन तीनों में। मिला? शायद मैं गलत हो सकता हूं, प्लीज मुझे मुझे बेस मत मानो, अरे सर जो बोल रहे हैं वो मानना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप फाउंडेशन पढ़ के आए हो, कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री करके आए तो बीकॉम पढ़ के आए, तो डेफिनेटली उन्होंने किसी ना किसी से पढ़ा होगा, तो शायद कुछ ऐसा पॉइंट मन में आ रहा होगा। तो बोलिए। यस नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। असेट में मैंने बोला मेरे को कॉस्ट सेविंग है, मतलब मेरे को फ्यूचर में कॉस्ट सेविंग एक्सपेक्टेड है, पर मैंने मैंने लायबिलिटी के केस में ये नहीं बोला कि मुझे फ्यूचर का लॉस एक्सपेक्टेड है। मैंने साफ साफ लिखा है आउटफ्लो, मैंने साफ साफ यहां आउटफ्लो लिखा है। हाँ तो लॉस ऑफ रेवेन्यू में तो मुझे आउटफ्लो बताना कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि जो इनफ्लो आने वाला था अब नहीं आएगा, पर आउटफ्लो कहां हुआ? आउटफ्लो नहीं हुआ। ठीक है। यस एनीबडी, तो सुनिए अभी मैं आपको जो लिखवा रहा हूं पहले वो पहले लिख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूं ऐसा, मेरे प्यारे बच्चों, प्रोविजन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आउटफ्लो रिलेटेड और दूसरे होते हैं लॉस रिलेटेड, बल्कि और सही टर्म बोलूं तो एक्सपेक्टेड लॉस रिलेटेड। प्रोविजन के टाइप्स की बात कर रहे हैं अपन, प्रोविजन के टाइप्स की बात। एक होते हैं आउटफ्लो रिलेटेड, एक होते हैं आउटफ्लो रिलेटेड, एक होते हैं एक्सपेक्टेड लॉस रिलेटेड। आउटफ्लो रिलेटेड जो होते हैं उनका नेचर लायबिलिटी का होता है, उनका नेचर लायबिलिटी का होता है, पर जो एक्सपेक्टेड लॉस रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, जैसे डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, नुकसान हो सकता है। डेटर कौन है आपका? असेट। डेटर कौन है? असेट। फिक्स असेट, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो मशीन क्या है? असेट। तो इनका जो नेचर होता है वो असेट बेस्ड होते हैं, असेट बेस्ड। जय, मैं आपके डाउट पे आऊंगा, मुझे बस रिलेट करने दो थोड़ा सा पहले, है ना नेचर। तो कुछ प्रोविजन होते हैं जहां आउटफ्लो ही होगा, मतलब लायबिलिटी नेचर कैरी करते हैं, और कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जहां कोई आउटफ्लो नहीं है, बल्कि उल्टा जो असेट है उसकी वैल्यू गिर रही है, नुकसान होने के चांसेस लग रहे हैं। जो असेट है शायद मुझे वो रिकवर ना हो पाए, मतलब डेटर, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। या जो असेट है उसकी वैल्यू गिर रही है, मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो असेट है उससे हो सकता है पैसा कम मिले, हो सकता है मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़े, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तीनों केसेस में आउटफ्लो नहीं है, कोई असेट रिलेटेड है, वो किसी ना किसी मेन असेट पे खतरा है। ओ माय गॉड, डेटर पे खतरा है, ओ माय गॉड मशीन पे खतरा है, कोई ना कोई असेट के ऊपर खतरा चल रहा है, खतरा मंडरा रहा है।
तो वो हो गया प्रोविजन लॉस रिलेटेड. किसके ऊपर खतरा? किसके ऊपर खतरा? लिख लो अपनी भाषा में, असेट के ऊपर खतरा, मतलब लॉस रिलेटेड. असेट के ऊपर खतरा है, असेट की वैल्यू डाउन हो सकती है, मुझे रिकवरी कम हो सकती है, ओ माय गॉड मेरा पैसा डूब सकता है, मेरा असेट का वैल्यू डाउन हो सकता है, मेरी असेट पे खतरा है, यहां मेरे डेटर पे खतरा है, मेरे मशीन की वैल्यू गिर रही है खतरा है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स की वैल्यू गिर सकती है खतरा है, इन्वेस्टमेंट पर खतरा है, ये सब मेरे लॉस रिलेटेड प्रोविजन है. खतरा है असेट के ऊपर, असेट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो वो हो गया लॉस रिलेटेड प्रोविजंस. यहां कोई आउटफ्लो नहीं है मेरी जेब से, कुछ एक्स्ट्रा मेरा डेटर मुझे पैसा नहीं देगा तो मेरी जेब से कहां से आउटफ्लो हो जाएगा? आगे बढ़ू, आउटफ्लो रिलेटेड, आउटफ्लो रिलेटेड टैक्स पे करना पड़ेगा. वो निर्मला ताई ने बोला है कि 30% पे करना पड़ेगा. निर्मला ताई समझते हो ना? हु इज निर्मला ताई? फाइनेंस. हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. तो मुझे तो इनकम टैक्स का जब मैं रिटर्न भरूंगा, उसके बाद वो इनकम टैक्स का रिटर्न असेसिंग ऑफिसर, वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उसको असेस करेगा, तो वो मुझे मेरी रियल लायबिलिटी बताएगा. बट फिलहाल तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 30% 3 लाख होता है. हो सकता है बाद में वो उसमें प्लस माइनस कर दे, पर मुझे लगता है कि मुझे 3 लाख भरना पड़ेगा प्रोविजन. इनकम टैक्स ऑफिसर उसको ऊपर नीचे कर सकता है, फिलहाल मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुझे 3 लाख भरना पड़ेगा. लीगल डैमेजेस, मैं पेप्सोडेंट हूं, मैंने अपनी एड में कोलगेट वाले के लिए कुछ गलत सलत बोल दिया, उसने मेरे ऊपर क्लेम डाल दिया, मेरे ऊपर कोर्ट केस कर लिया, ओ माय गॉड मेरा वकील बोल रहा है कि मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, मैं कोर्ट केस हारने वाला हूं, लीगल डैमेजेस मुझे पे करने पड़ेंगे, आउटफ्लो. आप रिलेट कर रहे हो ना एग्जाम्पल से? रिलेट कर रहे हो ना? याद है बचपन में एक एड आया था सर्फ एक्सेल और टाइड वाला, एक ने किसी दूसरे की वो कर दी थी. टीवी नहीं देखते हो ना लायक हो तुम? सर्फ एक्सेल ने टाइड वाले की बेइज्जती कर ली थी. ऐसा हुआ है 3-4 बार हुआ है कि एक कंपनी किसी दूसरे ब्रांड की बेइज्जती जब करती है तो कहीं ना कहीं वो गलत है, तो उन्होंने कोर्ट केस फाइल किया था और हैवी कॉम्पनसेशन देना पड़ा था. तो वो लीगल डैमेजेस, कोर्ट में केस चला गया, मुझे पे करना पड़ेगा लीगल डैमेजेस, मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी लीगल डैमेज. ओ माय गॉड फैक्ट्री में वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, मुझे वर्कमैन कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. आपने जो बोला है मैंने वहीं से, जो लिखवाया मैं वहीं से बोलता जा रहा हूं. फैक्ट्री में काम करते करते वर्कर गिर गया, उसकी टांग टूट गई, मुझे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा आउटफ्लो. तो मैंने क्या क्या कवर किया? लीगल डैमेजेस कवर किया, पीएफ. हाँ, मेरे यहां पर इतने इंप्लॉइज काम करते हैं, उनका मुझे पीएफ भरना पड़ेगा बैंक में जाके, आउटफ्लो. प्रोविजन फॉर लॉस ड्यू टू, अब मुझे ये बताओ, अब ये तुम मुझे बताओगे, प्रोविजन फॉर लॉस ड्यू टू फायर अर्थक्वेक, बोलो. यहां कोई आउटफ्लो होने वाला है कि यहां कोई नुकसान हो रहा है? मेरी असेट की बैंड बज रही है, मेरी फैक्ट्री खराब हो रही है, मेरी फैक्ट्री बंद हो रही है, मतलब आग लग गई तो मेरी फैक्ट्री की वैल्यू गई ना, अर्थक्वेक आ गई तो मेरी फैक्ट्री टूट गई ना, मेरी मशीन पर डिस्ट्रॉय हो गई ना, बोलो ना रे. तो ये कौन से हुए ये बताओ, लॉस रिलेटेड हुए कि लायबिलिटी आउटफ्लो रिलेटेड हुए? तो मतलब ये भी नहीं आएगा. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर, हाँ आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है, ओ भैया हमारे जो इंश्योरेंस जो क्लाइंट है उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें इंश्योरेंस भरना पड़ेगा, बोलो. आउटफ्लो मतलब कौन सा वाला, आउटफ्लो या ये लॉस वाला? आउटफ्लो मतलब ये भी आएगा. पहले तो मुझे बताओ इतना समझ आया कि नहीं? मैं जानता हूं आपके मन में अभी भी डाउट है, सर फिर प्रोविजंस को प्रोविजन ये क्यों बोल रहे हैं सर? अरे यार रुको ना यार, बहुत सारी बातें, पर क्या है पहले सुनना पड़ता है. ऐसे नहीं होता कि भाई सब हमारे डाउट चल रहा है, पहले मेरा डाउट क्लियर कर लो, पहले सुनना पड़ेगा. मैं सबका आपको बताऊंगा क्या होता है. तो पहले तो मुझे बताओ, प्रोविजन आपको दो टाइप के समझ में आ गए? पहले कौन से? तो उनका नेचर. दूसरे कौन से?
रॉस रिलेटिव, तो आपके कहीं ना कहीं किसके ऊपर खतरा? एसेट के ऊपर खतरा। मेरी बात समझ में आएगी? नहीं, ये वाले प्रोविजन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं, असेट साइड में नहीं। जबकि ये वाले प्रोविजंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखते हैं, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट लायबिलिटी में नहीं लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड नहीं लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लायबिलिटी साइड नहीं लिखते हैं, प्रोविजन फॉर लॉस ड्यू टू अर्थ को एक लायबिलिटी साइड नहीं लिखते हैं। जो मेरी रिलेटेड असेट है उसमें से माइनस करके लिखते हैं, जो मेरी असेट है उसमें से माइनस करके लिखते हैं। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? इसको ध्यान से पहले लिख लो, देख लो, फिर बात करेंगे। मैं जानता हूं मैं कितना भी अभी आपको ये कन्विंसिंगली बोल दूं, पर ये धीरे धीरे माइंड से निकलेगा। कुछ लोगों को आज भी लगता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट लायबिलिटी साइड लिखते हैं, कुछ लोगों को आज भी लगता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड लिखते हैं, क्योंकि पढ़ के रखा है ना यार हमने, हमारी क्या गलती सर? और आप आज एक दिन में, मतलब 3 घंटे में आप ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हो? बात तो सही है, इट विल टेक टाइम, यू हैव द सो मैनी डाउट्स ऑन इट, आई एम नॉट डिनाइंग। फर्स्ट लिसन टू द कॉन्सेप्ट, रिलेट विद द कॉन्सेप्ट एंड देन वील टॉक अगेन, है ना? पहले तो यहां तक आपने लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख लिया कि नहीं लिखा? हाँ लिख लिया। तो हर प्रोविजन लायबिलिटी नहीं होती, कंक्लूजन बताते जा रहा हूं क्योंकि अब अपना टाइम जा रहा है। हर प्रोविजन लायबिलिटी नहीं होती, प्रोविजन 2 प्रकार के होते हैं, या तो जहां आउटफ्लो होने वाला है वो पक्का लायबिलिटी है, बस बात इतनी है कि उस लायबिलिटी को मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूं, मैंने सब कुछ लिखवा लिया है पिछले 1-2 पेजेस में आपके लिखा हुआ है। अरे हाँ या नहीं? तो हर प्रोविजन लायबिलिटी नहीं होती, प्रोविजन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ जहां आउटफ्लो होने वाला है वो लायबिलिटी होती है, पर वो आउटफ्लो कितना होगा पता नहीं, एस्टिमेट कर पाऊंगा शायद। और दूसरा प्रोविजन कि मुझे नुकसान दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि हां मुझे नुकसान होने वाला है, वो नुकसान को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं असेट की वैल्यू से माइनस करके। मुझे जो डेटर्स है मेरे वो मुझे 50,000 देने वाले थे, पर मुझे लगता है कि 20,000 मेरे नहीं मिलेंगे, तो मैंने डेटर्स में से 20 माइनस करके नेट नेट 30 दिखा दिए और प्रोविजन मैंने एज अ माइनस करके दिखाया। तो ऐसे प्रोविजन जो असेट बेस्ड होते हैं, जो लॉस रिलेटेड होते हैं, वो कभी भी लायबिलिटी साइड नहीं आते हैं। बेटा मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? वापस अपन अपने मेन एग्जांपल्स पे आ जाएं, तो मैंने आपसे बोला था आउटफ्लो इधर भी होगा, आउटफ्लो इधर भी होगा। अगर आउटफ्लो आपका एस्टिमेटेड होगा तो वो प्रोविजन होगा, जिसका एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर वर्कमैन, शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्कमैन कॉम्पनसेशन आप समझ गए होंगे, फॉर पीएफ बिकॉज दे आर आउटफ्लो, बट नेवर से प्रोविजन फॉर बैड डेट, नेवर से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दीज आर नॉट लाइबिलिटीज बिकॉज नो आउटफ्लो इज इन्वॉल्व हेयर, आउटफ्लो नहीं है राजा। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना। क्या यार तुम लोग वेट करते हो छुट्टी का और मैं वेट कर रहा हूं कि तुम्हें एक्चुअली समझ में आए, बिना समझे क्लास के बाहर निकलोगे कितना बुरा लगेगा तुम लोगों को, भले 5 मिनट अपन ज्यादा बात कर लें, समझ में आया कि नहीं आया ये बात करो मुझे यार, टेल मी गाइस, बोलो। मैं आपसे कल बात करूंगा इस चीज पे, जैसे ही वर्ड बोल दिया कल, मतलब हाँ चल 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 बढ़िया 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 रुक जा, मैं आपसे कल बात करूंगा आरडीडी पे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट नहीं कहा जाता है, ये वर्ड गलत है, वी यूज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओनली, दिस द रिजर्व, द वर्ड रिजर्व इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, इट्स नॉट एक्चुअली देयर
under AS or under our financial accounting. So we'll talk about this tomorrow. ठीक है, बैग वैग पैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं. अब तुम पहले बैग पैक कर लो, फिर बातें करूंगा मैं तुमसे. तुम सुनते नहीं हो ना लायक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा. और जिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं. मैं इंस्ट्रक्शन पहले ही आपको दे चुका हूं. जिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है मैं यहीं पर खड़ा हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो. बट आई विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द फेस टू फेस स्टूडेंट्स फॉर द डाउट. जो यहां पर आके पूछेंगे, हो सकता है उसके कारण आपका डाउट खुद ही सॉल्व हो जाए. नहीं हुआ तो मैं आपका अलग से सुन लूंगा. अरे बैठ रे, मैंने कहां जाने को बोला. यश तू खुद ही बैठ गया ना लायक. वो उधर से बच्चे जा रहे हैं तेरे को पगला बना के. हाँ, सो गाइस, टुडे वॉज द फर्स्ट सेशन. मैं मानता हूं कि अच्छा, पहली बात तो कोई प्रमोशन वमोशन नहीं करना है, जितना कर लिया अपन ने कर लिया. पर मैं आपकी जगह होता, स्टूडेंट होता, सुबह 7:30 से 5:30 तक डेफिनेटली ना हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, शरीर की बज चुकी होती है. ठीक है, ये आपके लिए पहली बार है. बट वंस, एक हफ्ता निकलने दो प्लीज, सिर्फ एक हफ्ता निकलने दो. यहां पर ना जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से दो टाइप के बच्चे हैं. एक जो आराम से सब चीजें सह लेंगे, और कुछ सेंसिटिव जो नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, सुबह से शाम तक तो हम नहीं बैठेंगे. एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं. अगर यही करना था तो दो सब्जेक्ट फेस टू फेस, एक सब्जेक्ट ऑनलाइन. ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर, पिछली बैच में बहुत लोगों ने यह किया, किसी ने किसी सब्जेक्ट को ऑनलाइन कर लिया और वो ऑनलाइन उनका बैकलॉग होता गया, नहीं कंप्लीट होता. आपको आज ये बात रियलाइज होगी, जैसे ही घर जाओगे बैग फेंकोगे और जाके लेट जाओगे, और लेटोगे उसके बाद कब उठोगे आपको ही नहीं पता चलेगा. अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आगे ऐसा होता रहेगा. भले फिर तुम 1:30 बजे की क्लास के बाद जाओ, तुम लेटे रहोगे, फिर तुम सब्जेक्ट को नहीं उठा पाओगे. फिर जो अकाउंट्स तुम्हें एक्चुअली यहां पर 2:30 बजे उठाना था, तुम अपने रूम में जाके उठाओगे 4:00 बजे 6:00 बजे. और अकाउंट्स का लेक्चर मतलब 3-3 घंटे, और 3 घंटे अगर लेक्चर को दोगे तो होमवर्क को कब दोगे. और यहां आपको आपकी सिचुएशन आपको पुश कर रही है, नहीं बस इतना समय कर ले. करते करते कब बैच खत्म हो जाएगा, आपका बढ़िया सब्जेक्ट भी हो जाएगा, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, और 5:30 के बाद जब घर जाओगे सुकून की नींद आएगी. लगेगा ठीक है यार, मैं 1 घंटा नहीं, मैं 1.5 घंटा सो जाता हूं, पर बस मुझे उठ के होमवर्क ही तो करना है, मुझे एक छोटा सा रिवीजन ही तो करना है. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है. पिछले बैचेस यहां पर प्रेस्टीज पॉइंट में 20 साल से क्लासेस चल रही हैं, और तुम्हारे साथ अन्याय कम हो रहा है स्टिल, क्योंकि पिछले बैचेस तक तुम जानते हो कि टाइमिंग 7:30 होते थे और अब 5:30 है, तो तुम्हें 2 घंटे का फायदा है. ऑनलाइन का बारे में मुझे लगता है कि आपको नहीं सोचना चाहिए. अगर सोच रहे हो तो कंप्लीट ऑनलाइन सोच लो. दूसरी बात, एक हफ्ता गुजरने दो. तुम जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ो, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं, एक हफ्ता गुजरने दो. अपने शरीर, तुम्हारा शरीर अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा 7:30 से 5:30 का क्लॉक. ये क्लॉक तुम्हारे शरीर में अपने आप आ जाएगा 7:30 से 5:30. आफ्टर 5:30 यू हैव 6:30 घंटे. 6:30 घंटे में तुम सो भी सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, और अगले दिन आराम से तुम 6:00 बजे उठ सकते हो क्लास आने के लिए. 6:00 बजे मैंने बात की लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 7:15. लड़के 7:15 उठेंगे, 7:30 क्लास में. 15 मिनट चाहिए अपने को बस. ठीक है, सो प्रोसेस है, हफ्ता भर चलेगी, हफ्ते भर तक ये चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी, डोंट वरी. आने वाले संडे पे हम कपड़े धो लेंगे. 3 जन कपड़े नहीं भी धुले कोई बात नहीं, है ना, तो वो कपड़े धुल जाएंगे बाद में. तो अभी चिल करो, बाहर जाओ आराम से, और घर जाके थोड़ा सा रेस्ट लो. आज पूरे दिन भर में क्या हुआ थोड़ा सा उसको एनालाइज करो. दूसरा, जो बच्चे यहां पर नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, शायद वो कल आना चाहते हैं. अगर आपकी उनसे बात हो, ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूं, फेस टू फेस वालों को भी बोल रहा हूं, अगर वो यहां आना चाहते हैं तो उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना
कि मेरा लेक्चर देख के आए तो ज्यादा अच्छा है, भले फिर वो 2 की स्पीड में देख के आए। उनको बताना जय सर ने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, पर जो चीजें बताई शायद काम की थी। मुझे बताइए काम की थी कि नहीं थी? आज कुछ दरवाजे नए खुले कि नहीं खुले? हाँ, बस उनको समझा देना कि भाई देख तू चला जा, कल से भी तू बैठ सकता है, बेसिक्स ही होने वाला है, पर तू अगर देख के जाएगा, भले स्पीड में देख के जाएगा, तो तेरे को जमेगा। और वैसे तो मुझे पता है कि 4 दिन बाद भी कोई आएगा तो उसको जमेगा, क्योंकि चैप्टर होने में अभी 4 दिन है, चैप्टर स्टार्ट होने में, तो उसको जरूर बोलना कि वो लेक्चर थोड़ा बहुत तो देख के आए एटलीस्ट, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूं कि आज आपका लेक्चर, आज आपका पूरा दिन पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा गुजरा होगा। बाकी रिस्पेक्ट में तो बजी पड़ी है, मुझे पता है, तो पढ़ाई के रिस्पेक्ट में आपका अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गाइस, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बोलो, बाय बाय। मैं यहीं पर हूं, आप चाहो तो डाउट पूछने आ सकते हो। थैंक यू सो मच। टू फिफ्टी पेजेस के रजिस्टर बनाने, अभी एक ही रजिस्टर खरीद लो 250 पेजेस का, उसमें चैप्टर्स होंगे। अगला रजिस्टर एक AS वाला बता दूंगा, वो भी 250 पेजेस का ही रहेगा, पर अभी फिलहाल एक ही। थैंक यू। किधर? इधर एक जगह से आ जाओ। हाँ आजा आजा आजा। हाँ हाँ, फाइनेंस लीज नहीं, नहीं फाइनेंस लीज, जो जिसको वो असेट मिल रही है उसको फाइनेंस लीज में डीम्ड ओनरशिप मिल रही है। हायर परचेज इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज के अलग अलग टाइप होते हैं, तो इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फाइनेंस लीज। हाँ मिलती है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनरशिप मिल जाती है। और फाइनेंस लीज में आपको सब्सटेंस और फॉर्म तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं पता, चलो ठीक है। फाइनेंस लीज में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम पीरियड तक रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं असेट के, मतलब एक तरीके से डीम्ड ओनरशिप मिल जाती है इसीलिए। हाँ एक धीरे धीरे आराम। हाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो मॉनिटरी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना सब्सक्रिप्शन फिक्स मिलने वाला है, तो वो मॉनिटरी होता है। बिल्कुल मॉनिटरी होगा, मॉनिटरी होगा उसके हिसाब, एक के हिसाब से लायबिलिटी है, एक के हिसाब से असेट है, तो मॉनिटरी असेट, मॉनिटरी लायबिलिटी, क्योंकि अमाउंट फिक्स है। कंपनी के हिसाब से असेट रिकवरेबल, पेयर के हिसाब से लाइबिलिटी क्योंकि पेबल, पर वो क्या होती है मॉनिटरी, क्यों? क्योंकि अमाउंट पहले से ही फिक्स है। बट इफ सब्सक्रिप्शन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ समथिंग समथिंग, कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, या इज बेस्ड ऑन RBI के रेपो रेट, या इज बेस्ड ऑन इंडेक्स, इज बेस्ड ऑन निफ्टी, इट बिकम्स नॉन मॉनिटरी। डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन किस बेसिस पर होगा, तो कैश में ही, पर किस बेसिस पर सब्सक्रिप्शन तय होगा। सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज फिक्स कि तुझे ना मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, मॉनिटरी। तुझे ना हर महीने मुझे निफ्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से पे करना पड़ेगा, अब निफ्टी तो फ्लक्चुएट होगा ना, तो नॉन मॉनिटरी, ठीक है। हाँ एक एक करके हाँ जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करे, लिखो एग्जांपल लिखो। हाँ नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी का सर आपने एग्जांपल नहीं दिया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि बहुत टेक्निकल है वो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना चाहो लिख लो। सर नॉन मॉनेटरी का आपने एग्जांपल नहीं दिया लायबिलिटी का, विच इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शेयर मार्केट में हम जब पैसा लगाते हैं तो एक तो होता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, एक होता है FNO, अगर किसी ने नाम सुना हो कभी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सुना है? हाँ, तो वो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट्स। सो जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और FNO में लगाते हैं, FNO क्या होता है सिंपल भाषा में? अभी चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच। अब मान लीजिए डे 2 पे मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा शतक मारेगा, रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा।
अब मैं कह रहा हूं सेंचुरी मारेगा, ये कह रहा है जीरो पे आउट होगा, अब ये शर्त लग गई। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है बेटिंग, शर्त लगाना, सट्टा, सट्टेबाजी। तो सट्टेबाजी के अंदर क्या होता है कि अगर मैं निफ्टी, जैसे अब क्रिकेट का छोड़ दो, अब जैसे निफ्टी के ऊपर अगर मैं सट्टेबाजी लगा रहा हूं, सट्टेबाजी कर रहा हूं निफ्टी के ऊपर, ये आदमी कह रहा है कि 15 दिन बाद निफ्टी गिरेगा, मैं बोल रहा हूं 15 दिन बाद निफ्टी बढ़ेगा, स्कैम 1992 याद है, चलो छोड़ो, मैं बोल रहा हूं निफ्टी बढ़ेगा और हम कह रहे हैं निफ्टी गिरेगा, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो अभी 15 दिन खत्म नहीं हुए, तू यहीं रुकना है ना, और मैं इधर हूं, अभी 15 दिन खत्म नहीं हुए, हमने ये शर्त लगाई है 25 मार्च को और ये 15 दिन खत्म होंगे 10 अप्रैल को, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च मुझे निफ्टी देखना है, निफ्टी बढ़ा कि गिरा, अगर मैं कह रहा था कि निफ्टी बढ़ेगा तो 31 मार्च को उस वहां से लेकर यहां तक बढ़ चुका है, हां बढ़ चुका है, मुझे पैसा आएगा असेट, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बढ़ चुका है जबकि ये बोला था कि निफ्टी गिरेगा, तो ये शर्त हार रहा है, अभी हारा नहीं है, हार रहा है, मतलब पैसा जाने के चांसेस हैं, लायबिलिटी, पर कौन सी लायबिलिटी, मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी, क्योंकि वैल्यू फ्लक्चुएट है इसीलिए, तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने कम बच्चों में तो समझा दिया, पर इतने सारे बच्चों में मुझे पता है कि डाउट बहुत आता, तो इसलिए मैंने ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं कल पढ़ाने वाला हूँ करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, तो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में डेरिवेटिव का एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है? हाँ, एज ऑन बैलेंस शीट डेट मुझे किसी न किसी तरीके से उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा, मुझे AS कहता है कि बिल्कुल वो कंटिजेंट है, पर आपको एज ऑन बैलेंस शीट डेट कुछ ना कुछ आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि आप हार रहे हो कि जीत रहे हो, डिस्क्लोजर के साथ एंट्री करनी पड़ेगी भाई साहब। अब AS बहुत अकाउंटिंग बहुत आगे बढ़ गई है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नहीं रही, अब बहुत आगे की अकाउंटिंग बढ़ गई, अकाउंट्स बोलता है, AS बोलता है कि नहीं, एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपको एस्टिमेट करना ही पड़ेगा और करके एक एंट्री पास करनी ही पड़ेगी, आप उसको कॉन्टिजेंट मत दिखाओ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कॉन्टिजेंट दिखा दिखा के उसका गलत फायदा उठा रही थी, इतनी सारी कंपनीज लॉस मेकिंग थी पर उन्होंने जानबूझ के उसको बैलेंस शीट के बाहर दिखाया, तो लोगों को क्या लग रहा था, हाँ बढ़िया है बढ़िया है, कुछ वो दिख ही नहीं रहा है, ये सब AS ने मना करवा दिया, AS ने बोला नहीं ये सब नहीं चलेगा, फालतू चीजें, बैलेंस शीट डेट पर एस्टिमेट करो कि तुम हार रहे हो कि जीत रहे हो, अगर हारने के चांसेस ज्यादा है तो लायबिलिटी बना, अगर जीतने के चांसेस ज्यादा है तो असेट बना, असेट भी बना सकता है। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड, जैसे ही मैं बोल रहा हूं असेट बना, तो तू बोलेगा प्रूडेंस के खिलाफ है सर, कल बात करूंगा, मुझे पता है कि उस पे चीजें आ सकती हैं। कौन सा वाला? हाँ आउटफ्लो, क्योंकि इसके आउटफ्लो ना, उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, स्पेकुलेशन, अरे सट्टा खेल रहा है ना, पैसे देगा ना मुझे, वो बैट हारेगा तो मुझे पैसे देगा ना, आउटफ्लो हुआ ना बेटा, लाइबिलिटी, ठीक है, एक हो गया। हाँ दूसरा, गवर्नमेंट, हाँ, इफ दे आर रिलेटेड टू द मार्केट ओरिएंटेड, इफ दे आर मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेटली इट इज अ नॉन मॉनेटरी। एग्जाम्पल बोल देता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स आर नॉन मॉनेटरी बिकॉज उसकी वैल्यू गोल्ड के बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है, इसीलिए। फॉरेन करेंसी क्यों मॉनेटरी है? देखो, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में मॉनेटरी है, इंडियन रुपी के टर्म्स वो नॉन मॉनेटरी हो जाती है। जैसे तेरे पास आज $10,000 रखे हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मार्केट इधर उधर का हो जाए, तेरे $10,000 तो तेरे $10,000 ही रहेंगे ना, तो डॉलर के फॉर्म में वो क्या है, फिक्स। बट कुछ भी US में हुआ उसका इम्पैक्ट इंडिया में आता है, मॉनिटरी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो परचेजिंग पावर है जो कमजोर है, एग्जैक्टली, हमारे लिए डॉलर का रेट, हाँ, अब हम कौन है, इंडियन, एक इंडियन के पास अगर डॉलर पड़ा हुआ है ना, तो वो उसके लिए बोलेगा अरे यार ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, नॉन मॉनिटरी, ऐसा, ठीक है। वो लायबिलिटी साइड, हाँ, तो अगर वो अपन ने एसेट के हिसाब से देखा तो अपन को
नहीं नहीं, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तू तू क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है, तू क्लाइंट है मेरी, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ और तू मेरी क्लाइंट है। पहले तो जो मैंने इंश्योरेंस क्लेम बोला वो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, तो वो क्या हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं लायबिलिटी बेस्ड है ना। मैंने क्लाइंट बेस्ड बोला ही नहीं। हाँ क्लाइंट बेस्ड अगर बोलो तो वो प्रोविजन है ही नहीं, वो डेटर है तुम्हारा, तुम तो मुझे पैसे लेने वाली हो ना, मैं तो तुम्हारा डेटर बन गया ना। हाँ तो ठीक है, इट्स अ रिसीवेबल विच इज नॉट फिक्स्ड। हाँ असेट के हिसाब से अपोजिट आएगा, वो नॉन मॉनिटरी होगा, नॉट फिक्स्ड। कि अगर मुझे पता नहीं कि मेरा क्लेम मुझे कितना मिलने वाला है, आई मत समझ में कि नहीं, पर मैं यहां पर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके लिए वो लायबिलिटी होगा क्योंकि आउट है। ठीक है। हाँ कहाँ रह रहे हो, किधर रहते हो, कहाँ क्या हॉस्टल क्या घर है, किधर रहते हो, दोनों साथ में रहते हो। अरे यार हॉस्टल में कौन रहता है, एक सेकंड, हॉस्टल में कौन रहता है। हाँ कितने महीने के लिए रह रहे हो, 7 महीने के लिए ना, ऑपरेटिंग लीज। उसका पीरियड क्या 1 ईयर के अंदर होना चाहिए, कोई डिफाइंड नहीं है, ये एंटिटी के ऊपर है कि वो शॉर्ट टर्म कितना होगा लॉन्ग टर्म कितना होगा। जनरली इसको कंपेयर करते हैं असेट की यूजफुल लाइफ के हिसाब से। जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वो बिल्डिंग कितनी भी पुरानी हो, क्या लगता है कम से कम कितने साल वो बिल्डिंग रहेगी, कुछ भी बोल, 20 साल। तू कितने साल के लिए यहां पर आया है, 7 महीना। कंपेयर टू दिस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये मान लो जॉब करता है, ये CA बन चुका है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि मैं PG में रहता हूं, ठीक है, और ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो 5-6 साल तो मिनिमम रहूंगा और उसके बाद उसी बिल्डिंग को खरीद लूंगा लॉन्ग टर्म। तो दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज नॉट मंथ्स, इट इज बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, इट इज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, आई होप। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप बोली थी, लीज पर लिया सेल भी कर सकते हैं, अलाउड होता है ना, 99 ईयर्स की लीज पर लिया, आपको एग्रीमेंट में लिखा होता है यू आर अलाउड टू सेल इट। क्यों पता है, क्योंकि सरकार तो उससे लैंड के पूरे पैसे शुरू में ले चुकी है। हाँ 99 ईयर्स के बाद देना भी नहीं सरकार को वो लैंड वापस, देना है ना 99 ईयर्स से ना, 99 ईयर्स के बाद वो लीज रिन्यू हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी, नई लीज निकलेगी। सुना नहीं है आप लोगों ने, आपके आपके शहरों में जहाँ से भी आप हो सरकारी मकान होते हैं, सुने होंगे आपने, जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी मकान होते हैं, हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं, हाउसिंग बोर्ड के मकान है, वो क्या होते हैं, वो सब लीज पे होते हैं, वो सब लीज पे होते हैं। जितने भी हाउसिंग बोर्ड के जो मकान होते हैं ना, पुणे डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA के जो मकान बिकते हैं, दैट इज ऑन लीज, वो लीज पर बिकते हैं, वो लीगल ओनरशिप नहीं दे दी जाती, पर लीगल ओनरशिप के राइट सारे दे दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार के जो खुद के उनके रूल्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, वहां उनको अलाउ नहीं करता, उनका हमारे देश के रूल्स अलाउ नहीं करते कि सरकार अपनी असेट लोगों को बेचे इस तरीके से, इसीलिए लीज पर दी जाते हैं, ये लॉ के कारण ऐसे बनाया गया है। तब तक लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगी। हाँ नहीं तो अरे मैडम जी, आपके एग्रीमेंट में उसने, मैं आपको आज एग्रीमेंट में लिख के दे दूं, आपका नाम क्या है, अन्वेषा, अन्वेषा लैंड आप, मैंने आपको लीज पर दिया है 99 ईयर्स के लिए, या मैंने आपको बिल्डिंग लीज पर दिया है 99 ईयर्स के लिए, इसका वैल्यू 50 करोड़ है, तुम मुझे 50 करोड़ अभी के अभी पूरा पे करोगी तो मैं तुम्हें लैंड को यूज करने के सारे डिसीजन मेकिंग दे दूंगा, लीगल ओनरशिप नहीं दूंगा, पर तुम जो करना चाहो करो, इफ यू वांट यू कैन सेल, इफ यू वांट यू कैन ट्रांसफर, इफ यू वांट यू कैन डोनेट, इफ यू वांट यू कैन कंस्ट्रक्ट, इफ यू वांट यू कैन एक्सचेंज। तो मैंने तुझे राइट क्यों दिए, तूने मुझे पैसा दे दिया ना, मैं तब तक तेरे को राइट नहीं दूंगा।
अगेन डेबिट और क्रेडिट को देख, एंट्री कर, डेबिट होता है एक्सपेंस होता है, और क्रेडिट क्या होता है प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो वो असेट गिर रही है वो है, वो वही लॉस बेस्ड नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन अरे नॉन कैश एक्सपेंस तो एक्सपेंस तो डेबिट हो गया ना, एंट्री क्या की डेप्रिसिएशन टू असेट नहीं होता मेरे प्यारे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कोई तेरा डाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे था? नहीं, मेरा डाउट ये है कि डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन और एक्सपेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन ऑन द डेबिट साइड एंड डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो उसका एक पहलू क्या है एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और उसका दूसरा पहलू क्या है कि मेरी असेट गिर रही है, तो प्रोविजन है। दोनों कहेंगे, कह सकते नहीं है। आपने लेक्चर की स्टार्टिंग में सिर्फ कंफ्यूजन था, आपने बताया था कि एसेट मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करते हैं और जो कॉस्ट सेविंग है, हाँ, तो ऐसे कौन सा एसेट है जो टैक्स की सेविंग है? ऐसा कौन सा एसेट है जो मुझे टैक्स की सेविंग करवाएगा? आगे चल के आपको एएस में मालूम पड़ेगा, कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जो ऐसे टेंजिबल फॉर्म में नहीं होते हैं, हमारे पास राइट्स होते हैं जिससे हमारे टैक्स की सेविंग्स होती है, राइट्स होते हैं कुछ अधिकार इनटेंजिबल फॉर्म में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मुझे टैक्स में कुछ एग्जम्पशंस मिलेंगे, हाँ काइंड ऑफ एग्जम्पशंस मिलेंगे, एग्जम्पशन मतलब समझते हो, मतलब टैक्स नहीं लगेगा उस पर, तो क्या हुआ टैक्स की सेविंग हुई। तो देर आर सम काइंड ऑफ असेट्स विच गिव्स यू टैक्स सेविंग इन द फ्यूचर। जैसे आपने अपने घरों में दोस्तों यारों में सुना होगा रिटर्न फाइलिंग का जब टाइम आता है तो सुना होगा एटीसी में पैसा डाल दे, एटीसी में पैसा डाल दे, टैक्स सेव हो जाएगा। तो एटीसी में पैसा डाल दे मतलब क्या, पैसा इन्वेस्ट कर दे जिससे टैक्स की सेविंग होगी, तो वो टैक्स की सेविंग फायदा हुआ ना। ऐसा मतलब इसको और एलोबरेट करूं, तूने सरकार बोलती है कि 5 साल के लिए एफडी करो हम आपको टैक्स में सेविंग देंगे। अब एफडी से मुझे दो बेनिफिट हो रहे हैं, पहला इंटरेस्ट, दूसरा टैक्स की सेविंग, तो हो ही ना टैक्स की सेविंग, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। इधर जो सबसे पहले आएगा मैं उसका डाउट एंटरटेन करूंगा। जिसको सेल क्या वो मिल जाएगी, पर लीज वाली है वो, जब लीज वाली एसेट ट्रांसफर करूंगा तो जो सरकार ने मेरे को लीज बना के दिया है उसने भी मुझे यही बोला है कि तुम जिसको सेल करोगे उसके पास भी डीम्ड ओनरशिप ही होगी, मेन ओनरशिप सरकार के पास ही होने वाली है। मैंने बोला ना एनओसी हाथ में लगेगी, सरकार का भी ठप्पा लगेगा। मॉनिटरी हाँ, तो कर दे तो कर दे, पर तू उसको बैलेंस शीट डेट पर तेरा ओवरड्राफ्ट कितना है, कुछ भी बोल अमाउंट, बैलेंस शीट डेट पर तेरा कुछ ओवरड्राफ्ट है कितना है 20 लाख, तो बैलेंस शीट डेट पर 20 लाख की वैल्यू मार्केट में कुछ और है क्या? सर 1 अप्रैल को मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जय सर ने डाल दिया, अरे तो 1 अप्रैल को डाल दिया तो वो कितना हो गया 15, अब 15 क्या है मॉनिटरी। सो कनेक्ट विद द मार्केट, ओडी की वैल्यू मार्केट में कुछ और है क्या? आप मार्केट से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे तुम बिल्डिंग को बहुत आसानी से मार्केट से कनेक्ट कर लेते हो पर ओडी को तुम मार्केट से कनेक्ट कर ही नहीं रहे, नहीं हम नहीं मानेंगे सर, अरे मार्केट से देखो ना, मार्केट में उसका कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। अरे दीदी हाँ क्या हुआ तेरा? अभी ठीक, पक्का, पानी पिया? हाँ चलो ठीक है, तो मुझे प्लीज 4 मिनट ऑनलाइन वालों के डाउट्स देखने दो, मैं डाउट्स आप लोगों के नीचे से उठाना शुरू करूंगा। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लॉस रिलेटेड प्रोविजन में आएगा राइट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हाँ
कह सकते हैं वो लॉस रिलेटेड आएगा। तो पहली बात तो जो आप डाउट पूछ रहे हो उसमें आपको ही पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है। अगर वो आपको नहीं पता तो आप उस पर एक कंक्लूजन डाल रहे हो कि सर वो लॉस रिलेटेड आएगा, तो पहले तो ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है। तो पहले उस चीज़ को समझो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है, कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स में कुछ फ्लक्चुएट हुआ तो मैं कुछ पैसा और डाल दूंगा, वो पैसा मैं और डालूंगा ताकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को उतना मेंटेन रखूं। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो आप डाउट पूछ रहे हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि नहीं। सर मे 24 लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24? यस सर। शेयर कैपिटल वापस से एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज शेयर कैपिटल तो लाइबिलिटी है आपने। अरे मैंने बोला तो सही प्रसाद, सेम विथ मॉनिटरी लाइबिलिटी एंड मॉनिटरी असेट। मैंने बोला तो मैंने मॉनिटरी लाइबिलिटीज के बारे में लिखवाया था ना, तो मैंने शेयर कैपिटल के बारे में जब बता दिया था तो मैंने उसके बाद बोला था, तब तुम सो गए थे, तो मैंने बता दिया था कि हालांकि शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी है, तो जैसा मैंने असेट के सामने बताया कि असेट दो प्रकार की होती है, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी, वैसे ही लाइबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी, जहां मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि एनी आइटम विच इज पेबल इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट विच इज टू बी सेटल्ड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट। तो मैंने लाइबिलिटी के बारे में बात कर ली थी। तुम शायद अपडेटेड नहीं हो, ढंग से लेक्चर देख नहीं रहे हो, मुश्किल है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा। उसके बाद ये प्रदीप हो गया है ना, उसके बाद और कौन है? सर रिजर्व और प्रोविजन में कोई डिफरेंस है क्या? कल बताऊंगा बेटा, मैंने आज क्लास में बोल दिया था। तुम लोग ऐसे कैसे करते हो? तुम लोग लेक्चर आधा आधा देखते हो क्या? पूरे लेक्चर के अंदर तुम लोग नहीं थे क्या? मैंने अभी लास्ट में बोला था कि नहीं बोला था कि रिजर्व जो होता है वो अलग होता है, मैं कल बात करूंगा। वो चीज़ें मत पूछो जो ऑलरेडी, जिसपे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं कल बात करूंगा। सर कंपनी की वारंटी का प्रोविजन बनता है क्या? कंपनी की वारंटी मतलब बेटा, एंड अगर होती है तो नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी होता है ना, तो कंपनी की वारंटी वारंटी इज लाइक कि सपोज कंपनी एक प्रोडक्ट बेच रही है, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ और मैंने मोबाइल के ऊपर एक साल की वारंटी दी है। अब मेरे को पता है कि मैंने 100,000 मोबाइल बेचे हैं इंडिया में, 5% तो खराब होंगे, नेचुरल है, और 5% खराब होंगे तो वो मोबाइल मुझे वापस आएंगे, मुझे उनको रिपेयर करके देना पड़ेगा। तो मैं रिपेयरिंग का खर्चा जो होने वाला है, जो मुझे पता है, पर कितना होने वाला है नहीं पता। तो आउटफ्लो है, हाँ है, कितना नहीं पता, तो प्रोविजन हो गया। तो मैं इसका प्रोविजन फॉर वारंटी बनाऊंगा। तो जो प्रोविजन फॉर वारंटी है वो बिल्कुल एक लाइबिलिटी है। अब सर वो मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी? नॉन मॉनिटरी है, क्योंकि अमाउंट एस्टिमेटेड नहीं, एस्टिमेट कर पा रहा हूं, फिक्स नहीं है। तो तुरंत क्वेश्चन वापस से पूछता हूं, सर प्रोविजन कंपनी की वारंटी का प्रोविजन बनता है क्या? तो हाँ बनता है। नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी होता है ना? हाँ नॉन मॉनिटरी होता है। सर नेटवर्थ कैलकुलेट करते वक्त शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है इन लायबिलिटीज? नहीं, नेटवर्थ कैलकुलेट करते वक्त असेट माइनस लायबिलिटी, जब असेट माइनस लायबिलिटी करते हैं तो आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं। शेयर कैपिटल इज अ इनसाइड लायबिलिटी, इनसाइड मतलब शेयर होल्डर्स के प्रति हमारी लायबिलिटी है और उनको हमें पे करना है, ठीक है ना। जब मैं कल की क्लास में शेयर कैपिटल को डिफाइन करूंगा, अभी मेरे को शेयर कैपिटल को डिफाइन करना बचा हुआ है और इनकम और एक्सपेंस को डिफाइन करना बचा हुआ है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्थ निकालते वक्त हम शेयर कैपिटल को माइनस नहीं करते, लायबिलिटी नहीं मानते, वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती। मैक्सिमम बच्चों ने अपने डाउट्स रिपीट किए हैं। सर एक्सपेक्टेड लॉस रिलेटेड प्रोविजन लायबिलिटी साइड में नहीं आते, देन व्हाई दे कैरी क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि आप एंट्री ऐसी करते हो। अब जैसे आपने प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट, तो आपने एंट्री किया P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो ये क्या किया आपने? ये आपने टू किया ना, तो टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। तो टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो आपका वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब आपके मन में आ रहा है कि अगर वो लायबिलिटी नहीं है तो वो क्रेडिट बैलेंस क्यों है? इनकम का कौन सा बैलेंस होता है नलायक?
क्रेडिट ही होता है ना, तो जरूरी है क्या हर क्रेडिट वाली चीज लायबिलिटी हो? कहां से पढ़ के आए हो? हर क्रेडिट वाली चीज लायबिलिटी के अलावा इनकम हो सकती है, क्योंकि इनकम का बैलेंस भी क्रिएट होता है, और इसके अलावा असेट कम होगी तो भी तो क्रेडिट होगी ना, असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट गिरेगी तो क्रेडिट, तो असेट गिर रही है तो क्रेडिट। तो अपने दिमाग से वो कचरा निकाल लो कि हर क्रेडिट होने वाली चीज लायबिलिटी होती है। एएस प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? बता चुका हूं मैं पहले से ही, मैं फिर से बता देता हूं, 27 एएस है, 27 एएस में से 18 एएस लगभग लगभग प्रैक्टिकल है, और बाकी के 9 एएस थ्योरेटिकल नहीं है, केस स्टडी बेस्ड है। थ्योरेटिकल बोलते वक्त मुझे ना ऐसा लगता है कि हम बेइज्जती कर रहे हैं एएस की थ्योरी। इट इज नॉट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की थ्योरी रटो और लिखो, ये केस स्टडी है। हमारे सामने कोई केस आएगा, हमें उसको अपना एनालिसिस करके देना है। तो थ्योरी मत बोलो, तुम्हें सीए कोर्स में हो उसकी इज्जत करो और उसको केस स्टडी बोलो, बस। मुझे लगता है और कोई दिक्कत नहीं है। सर नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी नहीं बताई, तो अभी बच्चे ने आके एक चीज पूछ ली थी, नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बता दिया अभी, ठीक है। व्हाट अबाउट नोटबुक सर? नोटबुक आपको 250 पेजेस की बनानी है और चैप्टर्स के लिए बनानी है, एएस के लिए नोटबुक सेपरेट बनानी है, अभी फिलहाल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड एक्विजिशन? नो, नाम अलग अलग है। तेरा नाम क्या है? अवध। अवध तेरे को घर पे चिंटू बोलते होंगे, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन चिंटू एंड अवध? नहीं ना, वो प्यार से बोलते हैं। तो देयर आर द टर्मिनोलॉजीज वेयर वी वेयर समटाइम्स वी यूज इट परचेज, समटाइम्स वी यूज एक्विजिशन। ये टर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से यूज होते हैं। तेरे घर में तेरा नाम चिंटू है पर बाहर में तेरे को लोग अवध बोलते हैं, है ना? तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम यूज होते हैं। फंड असेट होता है या लायबिलिटी? बहुत ही वेग क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आज मैं अगर बोल रहा हूं कि मेरे पास 50 लाख रुपए का फंड है तो मेरे लिए वो असेट है, क्योंकि फंड है मतलब मेरे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी रखी है, मेरे पास 50 लाख मेरे बैंक में रखे तो वो मेरा फंड है, ठीक है। पर सर हमने कभी देखा है कि वो लायबिलिटी साइड में कुछ फंड करके आता है, तो वो वर्ड ऐसा है बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड बिजनेसमैन के लिए जो जो पैसा लोग डाल रहे हैं उनके लिए असेट है, पर जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल्डिंग फंड के नाम पर, एक सोसाइटी है जो बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसा एक्सेप्ट कर रही है, वो उसके लिए लायबिलिटी हो गई, क्योंकि वो दूसरों से पैसा ले रही है उस फंड में। तो जो पैसा डाल रहे हैं उनके लिए असेट, जो पैसा ले रहे हैं जिनको उस जिनको खर्च करना है, जैसे गणपति 11 दिन में आते हैं, वो साल में गणपति जी का आता है तो पंडाल बनते हैं, तो वो लोग आप लोगों से पैसे मांगने आते हैं, चंदा मांगने आते हैं, तो वो फंड्स मांगने आते हैं, तो उनके लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो फंड्स वो उसी गणपति में ही लगाएंगे, ऐसी उनकी जिम्मेदारी है, है ना? तो आप प्लीज उसको देने वाले और लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि किसके लिए असेट है किसके लिए लायबिलिटी है। दैट्स ऑल आई थिंक। शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी हुई, हाँ। लास्ट कनिका मित्तल, सर शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी होगी फ्रॉम कंपनीज कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉन मॉनिटरी असेट होगी फ्रॉम, हाँ राइट 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 कनिका रेस, यस कनिका। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को सुनने के लिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जो आप अपने डाउट पूछ रहे हो तो डाउट के अलावा जब लेक्चर बंद हो जाए तो अपने कमेंट भी डाल देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़। बंद कर दे।